अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। वेलकम बैक विद अदर लाइव स्ट्रीम ऑफ मल्टी गेमर्स ईस्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1। MGRL सीजन 1 के लीग स्टेटस के डे 2 के साथ एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है हम विद द MG ईस्पोर्ट्स एंड सेसर प्लेस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ही बेहतरीन मुकाबला रहा पिछले हमने देखा था कल के दिन, जहां पे लीग स्टेज का पहला दिन खेला गया था, लेकिन आज लीग स्टेज का दूसरा और आखिरी दिन खेला जाएगा। तमाम की तमाम टीम्स के पास फाइनल का वो अपने लिए स्लॉट हासिल करने का आखिरी मौका दिया जरूर जाएगा। क्या यहाँ पर किस तरीके से टीम्स खेलेंगी, उससे पहले जरूरी ये देखना रहेगा कि कौन से वो मैचेस रहेंगे, कौन से वो मैदान रहेंगे जिसके ऊपर ये टीम्स इन एक्शन दिखाई देंगी। और उसका जवाब रहता है, सबसे पहला मैच खेला जाएगा मिरामार के ऊपर, जिसका वक्त आपकी आंखों के सामने हुआ चला जाता है। थोड़ी देर के अंदर ये जो मैदान है ये हमारी आंखों के सामने शुरू भी होता हुआ दिखाई देगा, टीम्स इन एक्शन दिखाई देंगी। लेकिन पहला मैच मिरामार पे, दूसरा एरेंगल सैनोग, देन मिरामार, फिर एक दफा फिर से एरेंगल का वो मैदान रहेगा जरूर। तो कहीं ना कहीं कोई शफलिंग हमें जरूर देखने को मिली, लेकिन पहला मैच ग्रुप ई नहीं खेलेगी। कौन सी वो टीम्स रहेंगी ग्रुप ई के अंदर जो पहला मैच मिस करती हुई दिखाई देंगी? तो जी हाँ, उसका जवाब रहेगा FTW गोल्ड, RE ऑफिशियल्स, YTF ईस्पोर्ट्स, SIR साइरेंट, टीम रिटायर्ड, ये वो टीम जरूर रहेंगी कि जो कि पहले मैच के अंदर हमें इन एक्शन दिखाई नहीं देंगी। लेकिन ये पहला मैदान यहाँ पर एक्शन से भरपूर जरूर रहेगा, और उसी से पहले हमारा जो मैच है वो भी स्टार्टिंग की तरफ जाएगा जरूर। लेकिन हम देखेंगे जरूर कि पहले दिन के बाद टीम्स की क्या कारकर्दगी रही है। कारकर्दगी दिखाने के लिए हमारी आंखों के सामने पॉइंट्स टेबल आता हुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, SIR साइरो लीडिंग द पॉइंट टेबल विद 43 पॉइंट्स, पहले पायदान के ऊपर रहेंगे। एक चिकन डिनर इनकी जानिब से निकाला जाता है, वहीं पर उनके शाना बशाना SIR रॉयल्स रहेंगे विद 41 पॉइंट्स। लेकिन अगर बात करते चले यहाँ पर सिर्फ 8 पॉइंट, और 8 की भी अगर बात करें सिर्फ 10 पॉइंट की लीड के चलते टॉप 7 स्क्वाड यहाँ पे रहेंगे जरूर। प्लेयर्स ऑफिशियल का स्क्वाड यहाँ पे #7 रहेगा। अगर फिफ्थ स्क्वाड की बात की जाए टैग ऑफिशियल, तो टैग ऑफिशियल का स्क्वाड यहाँ पे रहेगा जरूर। बात करते चले इन तमाम टीम्स की, तो क्या ही बेहतरीन तरीके से इन टीम्स की जानिब से अभी तक के लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। हर टीम यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस निकालने में कामयाब रहती है, लेकिन वहीं पर दूसरा पेज यहाँ पर क्या कहानी सुनाता है, यहाँ पर हालात कुछ बेहतर नहीं रहेंगे क्योंकि पहली वो 18 टीमें रहेंगी जो फाइनल्स में मूव करेंगी, लेकिन अभी भी वो कुछ टीम्स रहेंगी जो कि थोड़ा सा नीचे रहेंगी, लेकिन उनको भी आगे जाना जरूर है, जिसके अंदर नाम हमारी आंखों के सामने यहाँ पर आ जरूर जाते हैं। लेकिन उससे पहले नाज़रीन यहाँ पर हम जाएंगे हमारे मैच की जानिब, क्योंकि जो मैच है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। और मैच हमें क्या कहानी सुनाता है कि यहाँ पर पहला मैदान हमारी आंखों के सामने आता है, लेकिन प्लेन पाथ कल के भी हमने पहले मिरामार में देखा था कि कुछ इसी किस्म का एक प्लेन पाथ हमारी आंखों के सामने रूनुमा जरूर हुआ था, कि जहां पर टीम्स को अपने अपने ड्रॉप के ऊपर जाने में खासा मुश्किलात दरपेश जरूर आई थी। लेकिन उन तमाम चीजों से लड़कर टीम्स यहाँ पर अपने जो है ड्रॉप स्पॉट्स की तरफ जाती हैं, और क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती जरूर है इन तमाम की तमाम टीम्स की जानिब से। लेकिन अभी तक के लिए अगर बात करते चले सो चुमासेरा के ऊपर सोता हुआ इम्पाला के साउदर्न एज के ऊपर यहाँ पर प्लेन पाथ कहीं पर अपना अख्तितम करेगा। लेकिन टीम्स, बहुत सी टीम्स यहाँ पर ड्रॉप क्लैशेस पे उतरने जरूर वाली हैं, क्योंकि बहुत से यहाँ पर जो प्लेन पाथ रहेंगे जहाँ पर एल्पोजो रहता है, पावर ग्रिड रहता है, सैन मार्टिन रहता है, ग्लेवियार, ट्रक शॉप, बिनास डेल ग्रेसेस, अलाजर, और जितना भी नॉर्दर्न पार्ट है मिरामार मैप का वो तमाम का तमाम एरिया इनएक्सेसिबल ये जरूर रहेगा टीम्स के लिए। लेकिन टीम्स बहुत से यहाँ पर लॉस लॉनिस के एरियाज के अंदर हमें कुछ गन फाइट्स होती हुई दिखाई देंगी, वहीं पर मॉन्टीन्यूवो, एल्पोजो, और वहाँ पर जो व्हीकल स्पॉन्स रहते हैं वहाँ पर कुछ फाइट जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर वो पहली फाइट हमारी आंखों के सामने आती हुई है, VS का स्क्वाड यहाँ पर, VS के साथ ही FPS पहला किल कंफर्म करते हैं, VK के ऊपर एक किल जरूर कंफर्म करने में कामयाब रह जाते हैं। वहीं पर एक और प्लेयर को भी स्पॉट किया जाता है, उनके ऊपर भी कुछ शॉट्स यहाँ पे दागने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर यही वो बात है जो मैं कह रहा था कि ड्रॉप स्पॉट पे यहाँ पे जाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जरूर जाएगी, लेकिन पहला किल, पहला ब्लड यहाँ पर डील किया जाता है टीम विक्ट्री सीकर्स की जानिब से। VS के साथ ही OP यहाँ पर पहला किल अपने नाम करके जाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें VS के फ्लैश, तो वो भी एक और नॉक निकालेंगे जरूर यहाँ पे टीम ESR ऑफिशियल के ऊपर, लेकिन फ्लोकी को भी यहाँ पे जरूर नॉक कर दिया जाता है। 3 किल्स अभी तक के लिए यहाँ पर इनकी जानिब से कन्फर्म कराने में कामयाबी जरूर दिखाई जाती है। VK जो कि कल के एक मैच में हम यहाँ पे पहले मैच के अंदर हमें कहीं ना कहीं चिकन डिनर लेते हुए दिखाई जरूर दिए थे, अभी तक के लिए बहुत बुरी मात जरूर खाते हुए दिखाई देंगे। आखिरी प्लेयर यहाँ पर रह जरूर जाएगा, और वो प्लेयर भी अपनी टीम से खासा यहाँ पर दूर जरूर रहेगा। एक चीज बेहतर जरूर रहेगी इनकी जानिब से कि जिगरा अपनी टीम के लिए कुछ प्लेसमेंट पॉइंट जरूर निकाल पाएंगे, लेकिन क्या वो प्लेसमेंट पॉइंट्स काफी होंगे? लेकिन वहीं पर अगर क्लची की बात की, जो VS के साथ ही OP के ऊपर वहां पर एक नॉक डील किया जाता है और इंस्टेंटली वहां पर फिनिश भी कर दिया जाता है,
वो फाइट जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वो फाइट अब वीएस विक्ट्री सीकर्स यहाँ पर अपने खाते में दर्ज करवाना चाह जरूर रही थी, लेकिन वहीं पर समहाउ वो फाइट उनके खाते से निकाली जा। अभी तक के लिए मुजरिम की अगर बात करें तो मुजरिम यहाँ पर रीस्टैंड जरूर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मुजरिम की जानिब से अपने यहाँ पर ड्रॉप को जो है पी एस टर्नर्स की जानिब से हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं, अपने ड्रॉप को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। इनके बिल्कुल सामने यहाँ पर वी आर एक्स का स्क्वाड रहेगा जरूर। कल भी हमने यहाँ पर एक बेहतरीन फाइट देखी जरूर थी जहाँ पर पी एस टर्नर्स वर्सेज वी आर एक्स और एक तीसरी टीम भी यहाँ पर मौजूद रहती है। कौन सी वो टीम रहती है वो उसका जवाब भी हमें थोड़ी देर में मिलेगा जरूर, लेकिन अभी तक के लिए अगर बात करते चले पी एस के मेंटी की जानिब से आगे यहाँ पर जाने की कोशिश जरूर की जा रही है। वो किल्स जिस तरीके से कल यहाँ पर वी आर एक्स को ड्रॉप के ऊपर एलिमिनेट करने में कामयाब हुए थे, आज दोबारा से वही कहानी यहाँ पर इनकी जानिब से कोशिश की जाएगी। इम्पाला के अंदर ये फाइट यहाँ पर चल रही है, लेकिन टीम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनिशियल फाइट्स के अंदर जाती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत सी टीम्स के लिए इनएक्सेसिबल ज़रूर रहा था ड्रॉप पॉइंट, लेकिन कौन सी ऐसी टीम्स हैं जो कि अभी तक के लिए जोन में मौजूद है और कौन सी वो टीम्स रहती हैं जो कि फिलहाल के लिए जोन से बाहर रहती हैं, मैप स्क्रीन ये सारा का सारा मंजर हमारी आंखों के सामने दिखाएगी ज़रूर। लेकिन उस मैप स्क्रीन पे जाने से पहले हम यहाँ पर ये बात करते चले कि ड्रोन व्यू हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है कि स्प्लिट किस तरीके से वी आर एक्स वर्सेज पी एस टर्नर का रहता है, लेकिन अभी तक के लिए अगर बात की जाए टीम्स की सो क्या ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टीम्स अपने अपने ड्रॉप स्पॉट्स को होल्ड करती हैं। प्लेयर्स ऑफिशियल की बात की जाए सो वो एक अच्छे स्पॉट के ऊपर यहाँ पर मौजूद जरूर रहती हैं, सैन मार्टिन के अंदर अपना पड़ाव डाला जाता है, आरी भी यहाँ पर एक अच्छे स्पॉट के ऊपर मौजूद है। पीएस ऑफिशियल्स को कोई भी टीम चैलेंज देने के लिए मौजूद नहीं रहती, लेकिन कल भी यहाँ पर हमने देखा था जरूर कि आरी ऑफिशियल के खिलाफ टैग ऑफिशियल इसी एरिया के अंदर एलिमिनेट की गई थी कल के मिरामार के अंदर, लेकिन आज क्या वो कहानी बदली जाती है टैग ऑफिशियल्स की जानिब से या फिर वही कहानी हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई देगी। अभी तक के लिए सारी की सारी टीम्स यहाँ पर खासा एक जो है संभल के खेलना चाह रही हैं, अपने जो स्पॉट है क्वालिफिकेशन का, अपनी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर इनकी जानिब से खतरे में नहीं डाला जा रहा। जानते हैं कि समहाउ इन टीम्स को फाइनल्स का स्पॉट हासिल करना जरूर है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी देर पहले पीएसएल भी यहाँ पर देख जरूर रहे थे और पीएसएल की अगर बात करते चले थोड़ी सी, क्योंकि फिलहाल के लिए जो मैच है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जो हमारा पीएसएल का फाइनल रहता है वो खासा इंटरेस्टिंग जरूर बना दिया जाता है इस्लामाबाद की जानिब से। लेकिन आखिरी मरले के अंदर मुल्तान सुल्तान भी यहाँ पे कुछ करती है, लेकिन क्या उनकी बरक्स यहाँ पर NS7 हमारी आंखों के सामने रहती है, ये कुछ अच्छी फाइट निकाल पाएंगे, वीके के गालिब हमारे सामने आ जाते हैं। सो वीके भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने इन एक्शन दिखाई दे रही है, बट कौन सी वो टीम रहेगी जो कि सबसे पहली एलिमिनेट की जाएगी। अभी तक के लिए 18 टीम्स यहाँ पर सर्वाइव करती हुई, लेकिन बहुत सी टीम्स हैं जो अपना प्लेयर एडवांटेज खो चुकी हैं, लेकिन जिसके अंदर सबसे पहला नाम हमारे पास वीके का रहता है, जहाँ पर जिगरा अपनी टीम के लिए आखिरी प्लेयर सर्वाइव अभी तक के लिए कर रहे हैं। किस तरीके से वो यहाँ पर अब कुछ अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट्स निकालेंगे या फिर उनकी जानिब से अभी तक के लिए एक अर्ली एलिमिनेशन ज़रूर देखने को मिलेगी, ये सारे के सारे जवाब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन फिलहाल के लिए वीके फ्यूरी की बात करते चले, सो वीके के फ्यूरी यहाँ पर मौजूद ज़रूर रहते हैं, अभी किसी भी जो है इनिशियल फ़ाइट के दिन इनकी जानिब से इन्वॉल्व नहीं हुआ जाता, हर फाइट से यहाँ पर बचा जाता है अभी तक के लिए। लेकिन अभी तक के लिए अगर एमन की बात की जाए सो एमन यहाँ पर कुछ पैन जरूर दिखा रहे हैं, ही इज एंजॉयिंग, वो जानते हैं कि कोई भी टीम उनके पास मौजूद नहीं है और शायद पीएसएल के फाइनल के चलते खुद भी कुछ क्रिकेट का शौकीन यहाँ पर दिखाई जरूर दे रहे हैं, क्रिकेट का शौक इनकी जानिब से दिख रहे हैं, शायद एक प्लेयर इनके ऊपर एक ग्रेनेड भी फेंकते हुए दिखाई देंगे जिसके ऊपर एक छक्का जरूर मारा जाएगा एमन की जानिब से, लेकिन ये तमाम चीजें इस मैच के अंदर तो नहीं हो पाएंगी, शायद इसके बाद क्लासिक में जाके या फिर किसी चेयर पार्क में जाके ये अपनी इस शौक को भी पूरे करते हुए दिखाई दे। लेकिन पीएसएल का मैच भी अभी तक के लिए साथ चल रहा है, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए बात करें अगर मुल्तान सुल्तान के आखिरी प्लेयर जो कि आखिरी हिटर उनके पास रहते हैं आखिरी विकेट के ऊपर, चाचू हमारे इफ्तिखार साहब यहाँ पर अभी तक के लिए 2 छक्के की ओर में मार जरूर चुके हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान को जितना रोकना जरूरी रहेगा उतना ही रोकना यहाँ पर टेबल के टॉप स्पॉट्स को भी जरूरी रहेगा बॉटम ऑफ द टेबल टीम्स के लिए, क्योंकि अगर तो जो टेबल के टॉप पायदान है वहाँ पर लीड बढ़ जाती है तो फिर टीम्स के लिए क्वालिफिकेशन भी मुश्किल हो जाएगी और उसके बाद वो पहला पायदान चेस करना खासा मुश्किल भी दिखाई जरूर देगा। लेकिन अभी तक के लिए शेजी प्लेयर्स हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद जरूर रहे वो प्लेयर के जिनके साथ मेरा कुछ पर्सनल प्यार जरूर रहता है, बहुत ही क्यूट सा प्लेयर जरूर रहता है, अगर प्यार से बात की जाए सो ब्रोंजो भी हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आ जरूर जाता है। सो ब्रोंजो की अगर बात करते चले कल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है शेजी प्लेयर्स की जानिब से,
लेकिन अभी तक के लिए इन्हीं गुफाओं के अंदर घूम जरूर रहे हैं। और शेजी शेजी और गुफाओं का प्यार यहाँ पर बहुत पुराना रहता है, अक्सर ही इनको गुफाओं के अंदर हमने देखा है, क्योंकि अक्सर ही गुफाओं के अंदर इनकी जानिब से गुम भी हुआ जाता है और उन गुफाओं का फायदा अक्सर कोई और यहाँ पर उठाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अभी तक के लिए SIR यहाँ पर एक फाइट के अंदर आती हुई रोटेशन के अंदर ये फाइट ली जरूर जाती है। इन्फर्नो को बहुत लो एनएचपी कर दिया जाता है बगी के पीछे, लेकिन क्या उनको यहाँ पर उतारने में कामयाब रहेंगे? जवाब रहता है नहीं, क्योंकि अभी तक के लिए ब्रांड समहाउ उनको बचा के यहाँ पर ले जरूर आते हैं। SIR 2.0 का स्क्वाड जरूर रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करते चले क्लची की, सो क्लची की जानिब से कुछ अच्छे शॉट जरूर दागे जाते हैं। फिलहाल के लिए ब्रांड ब्रांड वहीं पर सरवाइव कर
जी हाँ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पर मैं वापस ज़रूर आ चुका हूँ। कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज के चलते यहाँ पर आप लोगों के साथ मेरा राबता मुनक़ता ज़रूर किया गया था, लेकिन उस राबते को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर हमारी जिदोजहद ज़रूर अपने इख्तिताम को पहुँचती है, और उस जिदोजहद का यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि आपके सामने आपका सेसन यहाँ पर एक दफ़ा फिर से मौजूद है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अभी अगर बात करते चले तो ESR के बिल्ला यहाँ पर हमारी आंखों के सामने मौजूद रहते। एक टीम अभी तक के लिए हमारा साथ छोड़ के ज़रूर जाती है, कौन सी वो टीम रहती है जिसका जो हमारा यहाँ पर साथ छोड़ कर जाती है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे ज़रूर। लेकिन उससे पहले अगर बात करते चले लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ESR के बिल्ला हमारी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर मौजूद हैं, खासी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी जानिब से हमें एट टाइम्स दिखाई जाती है, बिकॉज ESR कभी कभार बहुत अच्छा भी परफॉर्म करके चली जाती है। अभी तक के वर्ल्ड फास्टेस्ट स्नाइपर यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जो नाम है ESR का वो यहाँ पर मौजूद ज़रूर रहता है। लेकिन टीम्स को यहाँ पर ज़रूर इनकी जानिब से स्पॉट किया जाता है, लेकिन PS के मुजरिम यहाँ पर निकल आते हैं। PS टर्नर्स यहाँ पर हमारे सामने रहती ज़रूर है, दो किल्स अभी तक इनके बैकपैक के अंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या ये दो किल्स इनफ हैं? और उसका जवाब रहता है नहीं, क्योंकि अभी तक के लिए ये टीम कहीं भी अपने एग्रेशन को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाने को तैयार नहीं है। जानते हैं कि कितना कुछ इनके पास मौजूद रहता है, क्या कुछ ये यहाँ पर कर सकते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें ये जानते ज़रूर है। लेकिन उससे पहले अगर बात करते चले हमारी बाकी की टीम्स की, सो खासा एक हमने देखा है कि कल का मैदान हमने देखा था, टीम्स इनिशियल्स में यहाँ पर फाइट के ऊपर जाती हैं, बहुत इनिशियल्स में इनकी जानिब से फ़ाइट्स ली जाती हैं। लेकिन आज एक अलग कहानी रची जाती है टीम्स की जानिब से। आज बहुत ज़्यादा संभल के ज़रूर खेला जा रहा है अभी तक के लिए, ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा संभल के खेलेंगे उतना फ़ायदा कहीं ना कहीं इनके लिए होगा ज़रूर। और वही दिखाया भी जाता है कि फाइनल्स के उस स्लॉट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है इन टीम्स की जानिब से। लेकिन अभी तक के लिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर हमारे देखेंगे जरूर। लेकिन आज अगर पहली बात करें हमारे स्पॉन्सर्स की, तो शायद दोनों ही स्पॉन्सर्स आज हमें पहले मैच के अंदर इन एक्शन नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज हमने देखा कि प्रोनोबिस लाइव आज के प्लेज ऑफिशियल के स्क्वाड के अंदर अवेलेबल नहीं रहते। वहीं पर अगर SIR 2.0 की बात करते चले तो वहाँ पर भी मौजूद नहीं थे अभी तक के लिए जो हमारे SIR के जट साहब रहते हैं। लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थोड़ी देर के अंदर हम यहाँ पर हमारी मैप की जानिब भी जाएंगे ज़रूर, और हम देखेंगे कि मैप हमें क्या कहानी सुनाता है, क्योंकि जो मैप हमारा रहेगा वो हमें ये बताएगा कि टीम्स क्या कर रही हैं। थोड़ी देर में प्रोडक्शन की जानिब से जैसी मैप रेडी किया जाता है हमें बताया जाएगा कि आप टीम्स को भी देखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये वही पॉइंट रहता है जहाँ पर कल के दिन में प्लेज ऑफिशियल ने एक अच्छा चिकन डिनर निकाला था, लेकिन दरिंदा हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। अपनी लैम्बोर्गिनी के अंदर यहाँ पर इनकी जानिब से जाया जाता है, और जब भी मैं लैम्बोर्गिनी चलाते हुए देखता हूँ किसी प्लेयर को, मेरे जहन में एक गाना आता है। लेकिन क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी बेहतरीन है कि स्ट्रीम के ऊपर कॉपीराइट आने के खदशात है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर गाने गाने से गुरेज करेंगे। लेकिन वहीं पर दरिंदा मेरी बात को सुनते हैं, और कहीं ना कहीं मेरी बात को सुनकर उनकी जानिब से अपनी जो गाड़ी की स्किन रहती है उसको चेंज कर दिया जाता है, डॉज की जानिब हाजिर हो जाते हैं और कहते हैं कि कास्टर को कुछ ज्यादा मुश्किलात ना दरपेश हैं यहाँ पर मेरी लैम्बोर्गिनी पे कास्ट करने की। और इसी से पहले नफ्सी हमारी आंखों के सामने आ चुके हैं विद M24 इन हिज हैंड। वहीं पर इनके बिल्कुल सामने बात की तो PS का स्टनर का स्क्वाड रहता है जिसकी फाइट के साथ होती है, लेकिन कैस्केड यहाँ पर मुजिम के कुछ शॉट्स लैंड कराने की कोशिश करते हैं। AKM की वो शॉट्स अभी तक के लिए लैंड कराने में नाकामयाब रहते, लेकिन स्टारली बैक एंड सून को यहाँ पर नॉक जरूर कर देंगे। वही बात हुई जिसका खदशा था, टॉप एंगल से यहाँ पर कवर फायर आता हुआ बेट के अंदर यहाँ पर पीक दिखा देते हैं, लेकिन अभी तक के लिए यहाँ पर सेव जरूर होते हैं बिकॉज शेजी की जानिब से यहाँ पर कुछ बेहतरीन टाइम पे विजुअल कवर्स डिप्लॉय किए जाते हैं। कारबस्ट के चलते यहाँ पर कुछ अपने प्लेयर को रिवाइवल देने के भी यहाँ पर कुछ समाज दागा जाता है, लेकिन मुजरिम यहाँ पर आते हैं, कुछ एक अच्छा ग्रेनेड जाएगा लेकिन अभी तक के लिए उस ग्रेनेड से सेव जरूर है। लेकिन शेजी जान निकला जाता है, बेहतरीन शॉट्स कनेक्ट कराने में कामयाब, बहुत लो एनएचपी जरूर करेंगे, लेकिन शेजी वांट्स टू पुश, लेकिन उससे पहले यहाँ पर शेजी को नॉक जरूर कर दिया जाता है। बैक एंड से वो कवर फायर जाते हैं जरूर, कैसकेड को भी यहाँ पर हील जरूर करनी पड़ेगी क्योंकि टैग ऑफिशियल्स के लिए फाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। मुजरिम अभी तक के लिए वहीं पर मौजूद है, लेकिन स्टारली यहाँ पर शेजी प्लेस का किल अपने बैक में कन्फर्म करने की कोशिश करेंगे। मेंटी यहाँ पर आते हैं, मेंटी की जानब से वो किल कंफर्म करने की कोशिश की जाती है, कुछ शॉट दागने में कामयाब रहते हैं, लेकिन वो स्मोक फेड आउट होता हुआ कैस्केड बहुत लो एनएचपी कर दिया जाता है। लेकिन शेजी अभी तक के लिए यहाँ पर अपनी माँ की दुआ लेकर बैठे हैं और बच जरूर जाते हैं, ना जाने किस तरीके से ये प्लेयर बचता है, वो माँ की दुआएं यहाँ पर दिख जरूर है और माँ से याद है कि कैस्केड भी उनके साथ मौजूद जरूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ का किरदार भी अदा इनकी जानब से किया जरूर जाता है। लेकिन नफ्सी की जानब से यहाँ पर कुछ नफ्सियाती शॉट्स दागते हुए मेंटी के ऊपर, क्या ही बेहतरीन M24 4X के यहाँ पर कुछ क्विक शॉट्स हमें देखने को मिलते जरूर है। और नफ्सी के बारे में एक बात यहाँ पर हम कहते जरूर है कि जहां पर ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है उसी के साथ कहीं ना कहीं बैठ के ये प्लेयर भी सब कुछ देख जरूर रहा होता है, जिस तरह के व्यू के ऊपर हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन
एक प्लेयर यहाँ पर नफ्सी की एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से नफ्सी ने यहाँ पर अपना नाम नफ्सी रखा है, वहीं पर नफ्सियाती तौर पर कितना ये एक प्लेयर बेहतरीन है, किस तरह ये साइकोलॉजिकली एक स्ट्रॉन्ग गेम प्लेयर हमें दिखाते हुए दिखाई देते हैं एट टाइम्स, और हमने इनको कॉल ऑफ ड्यूटी के टाइम से भी देखा जरूर है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन अभी तक के लिए यहाँ पर डिनिस्टर और नफ्सी को कुछ बेहतरीन कवर फाइव प्रोवाइड करने पड़ेंगे बिकॉज पी एस टनर्स यहाँ पर गेट कीप करके बैठे हुए दो प्लेयर को, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इन दोनों प्लेयर जिस तरह का इनका वाया है ये एक गाड़ी के पीछे कवर ले कैसे रहे हैं, क्योंकि जहां पर शेजी मौजूद होते हैं वहां पर शायद पूरे मैदान के अंदर किसी के पास कवर नहीं मौजूद रहेगा, लेकिन वहीं पर बात करें कैस्केड की, सो कैस्केड भी यहां पर मौजूद रहते हैं, कैस्केड भी यहां पर मौजूद रहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर बात करते चले अभी तक के लिए टीम्स की ना करा, सो एक इमरजेंसी एयर ड्रॉप लगाया जरूर जाता है, लेकिन क्या उसको यूज करेंगे, बिकॉज अक्सर औकात हमने यहां पर देखा है कि जो है इमरजेंसी पिकअप को यहाँ पर बैन जरूर किया जाता है, लेकिन एक अच्छा बेट कराया जाता है इमरजेंसी पिकअप के चलते। जानते हैं कि जैसी देखेंगे कि यहाँ पर इमरजेंसी पिकअप डिप्लॉय किया गया है, पीएस यहाँ पर फॉल बैक जरूर करेगी, लेकिन उस फॉल बैक के चलते यहाँ पर क्या ही बेहतरीन दिमाग लड़ाया जाता है, बेट किया जाता है इमरजेंसी पिकअप। जानते हैं कि लेकिन शेजी को यहाँ पर फायर नहीं करना था, शेजी को यहाँ पर नहीं बताना था कि अभी तक के लिए इधर मौजूद है, लेकिन अब क्या ये बेट काम आता है या नहीं इनके, क्या पीएस टनर्स यहाँ पर इनको छोड़ के इस एरिया को एबैंडन करेगी, क्योंकि जानते हैं इमरजेंसी पिकअप यहां पर लग जरूर चुका था अभी तक के लिए, क्या अब यहां पर होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ही बेहतरीन दिमाग लड़ाया जाता है, क्या ही बेहतरीन बेट किया जाता है इस आईक्यू के। अगर मैं नंबर दूं 10 में से तो शायद मैं 10 में से 100 नंबर दूंगा इस प्लेयर को, इस टीम को, क्या बेहतरीन दिमाग लड़ाया जाता है यहां पर टैग ऑफिशियल की जानिब से, टूर्नामेंट के रूल्स को, लूप होल्स को यहाँ पर इनकी जानिब से क्या किया जाता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर ब्रांड की, एक प्लेयर को नॉक किया था, दूसरे प्लेयर को भी लो ऑन एचपी करने में कामयाब जरूर रहते हैं, बट लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द टाइम बीइंग एलिमिनेट जरूर कर दिए जाते हैं, लेकिन नॉट गरोमी अब यहाँ पर खुद को हील करेंगे। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग जरूर रहते थे इस एरिया के अंदर, एक प्लेयर इनका रयान रहता है, रयान भी यहाँ पर अपनी टीम को रिवाइव जरूर देंगे, लेकिन नॉट ऑफिशियल अभी तक के लिए अपनी यहाँ पर टीम्स को रिवाइवल जरूर दे देंगे। 3-man stand, 4-man standing स्क्वाड रहता है, 3 kills अभी तक के लिए अपने बैक पे के अंदर कंफर्म जरूर कर लेते हैं, लेकिन टैग ऑफिशियल कहाँ पर मौजूद है, और उस बेट के चलते अब उस एरिया से यहाँ पर निकलने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से मैं यहाँ पर बात करूंगा कि अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शेजी इस छोटी सी खिड़की से बाहर कैसे निकले, लेकिन वहीं पर डिनिस्टर जाते हैं, मेंटी को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है, इंस्टेंटली नॉक फिनिश दिया जाता है, वो बदला लिया जाता है, वो जो कहर बरसाया गया था टैग ऑफिशियल के ऊपर, लेकिन डिनिस्टर जाते हैं और डिनिस्टर उस बात का बदला ले जरूर लेते हैं, लेकिन डिनिस्टर की जानिब से अब यहाँ पर गाड़ी लेकर वापस आया जरूर जाएगा, और यहाँ पर इनकी जानिब से अब वो जो रोटेशन है उनको कंटिन्यू जरूर किया जाएगा। स्कॉर्पी अभी तक के लिए यहाँ पर मौजूद रहते, लेकिन अभी तक के लिए शेजी यहाँ पर अब रोटेट करने में कामयाब हो जाते हैं। डिनिस्टर की जानिब से वो जो रोटेशन है उस रोटेशन को जरूर किक ऑफ किया जाएगा, लेकिन जोन में अब टीम्स यहाँ पर किस तरह समाएंगी बहुत बड़ा सवाल रहता है। जोन की जानिब भी हम जाएंगे और जोन हमें क्या दिखाता है, बिकॉज जोन यहाँ पर जोन की जानिब जैसे ही हम जाते हैं क्या जोन हमें कहानी सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल के लिए डिनिस्टर की अगर बात करें तो डिनिस्टर यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं। जी हाँ नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से यहाँ पर एक छोटी सी वाटर ब्रेक के बाद हम यहाँ पर आपके पास मौजूद जरूर रहते हैं, लेकिन प्रोडक्शन की जानिब से यहाँ पर मैप थोड़ा सा डिले किया जाता है, ना जाने प्रोडक्शन हमारी यहाँ पर क्या सोच रही थी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर अगर बात करते चले डेनिस्टर की, सो डेनिस्टर यहाँ पर अभी तक लिए जोन ले जरूर चुके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए जोन एक बेहतरीन शिफ्ट लेकर जाता है, बेहतरीन शिफ्ट यहाँ पर जोन की जानिब से लिया जरूर जाता है, लेकिन टैग ऑफिशियल को यहाँ पर जिस फाइट से वो निकल कर आए थे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर जो है एक शिफ्ट आता है, और उस शिफ्ट का फायदा टैग ऑफिशियल से पहले एसआईआर रॉयल्स उठाती हुई दिखाई देगी, बिकॉज कल भी हमने देखा था कि एक दफा जब रॉयल्स सेंटर को होल्ड करती है तो उसके बाद फिर उस सेंटर से इनको निकालना और वहां से चिकन डिनर को तब्दील करना अपने लिए बहुत ज्यादा इजी जरूर रहता है, लेकिन अभी तक के लिए एसआईआर रॉयल्स
अपने लिए सेंटर जरूर ले चुकी है मैप का, पूरा का पूरा सेंटर इनकी जानिब से अभी तक लिए होल्ड जरूर कर लिया जाता है। लेकिन पीएस टनर्स उनके ऊपर यहाँ पर एक पुश जरूर दिखाएंगे, एक बेहतरीन फाइट हमें यहाँ पर देखने को मिल जरूर सकी है पीएस टनर्स वर्सेज एसआईआर रॉयल्स। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए पीएस ऑफिशियल वर्सेस वीआरएक्स की भी एक फाइट यहां पर होती है, पीरो को इंस्टेंटली एलिमिनेट जरूर कर दिया जाएगा लेकिन टैग ऑफिशियल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। वीके के जिगरा सोलोमैन स्टैंडिंग जरूर रहते हैं, क्या यहां पर किया जाता है इनकी जानिब से बहुत बड़ा सवाल रहता जरूर है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन अगर बात करें यहां पर हमारे पीएस स्टनर्स की, सो थग और मुजरिम यहां पर दिखाई जरूर देते हैं, उन्हीं के बिल्कुल बैक के ऊपर आरी का स्क्वाड भी आ जरूर रहा है। आरई भी यहाँ पर क्या करते हैं बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर रहता जरूर है। लेकिन वहीं पर उससे पहले अगर बात करें सो प्लेयर्स ऑफिशियल की रोटेशन को आप देखें, क्या ही बेहतरीन रोटेशन यहाँ पर इनकी जानिब से की जाती है, बेहतरीन रोटेशन एक और दफा यहाँ पर प्लेयर्स ऑफिशियल हमें दिखाती हुई कि जैसे सब जानते हैं लेकिन जाना इनकी जानिब से कुछ नहीं जाता। जाना अगर किसी चीज़ को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस मैप को जाना जाता है, वो एक्सपीरियंस दिखाता है कि क्या यहाँ पर कितना एक्सपीरियंस रहता है, जोन की प्रिडिक्शन यहाँ पर कितनी की जा सकती है। लेकिन अब ये स्प्लिट को इनके लिए इनको यहाँ पर थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो स्प्लिट के चलते यहाँ पर एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो कल भी मिरामार के मैप के अंदर पहला मिरामार खेला थे चिकन डिनर निकाला था। लेकिन वहीं पर शेजी वहां पर जाएंगे, वीके के जिगरा को एलिमिनेट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले वाइपर वाइटी की यहां पर गाड़ी बर्स्ट कर दी जाती है, गाड़ी यहां पर बर्स्ट होने के बाद अभी तक सर्वाइव जरूर करे लेकिन वीआरएक्स फिलहाल के लिए यहां पर टू मैन स्टैंडिंग रहती है। वहीं पर मॉर्टल करंगर के बहुत ज्यादा क्लोज जरूर पहुंच जाते हैं, हमारी प्लेयर्स ऑफिशियल यहां पर एक बहुत जल्दी एक फाइट के अंदर आते हुए दिखाई जरूर देगी अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग स्क्वाड राइट नाउ एसआईआर रॉयल्स यहाँ पर रहते जरूर है, करंगर बहुत ज्यादा करीब रहते हैं। लेकिन वहीं पर बैक से एक्सआरएस भी उसी एरिया के अंदर आ रही है, आरएनजी का स्क्वाड वहीं पर मौजूद जरूर रहेगा, टीम पीएस यहाँ पे पीएस ऑफिशियल भी वहीं पर मौजूद रहेगी, कुछ अच्छी फाइट्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे जरूर। लेकिन उससे पहले ही एक और प्लेयर को यहाँ पर वीआरएक्स के नॉक किया जाता है और इसी के साथ वीआरएक्स इस मैप से हमें अब यहाँ पर अलविदा कहती हुई दिखाई देगी, ऑल द वे फ्रॉम इंडिया ये टीम हमें खेलती हुई दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो पीएस ऑफिशियल यहाँ पर उनको इंस्टेंटली एलिमिनेट करेंगे जरूर। लेकिन वहीं पर स्मोकर की जानिब से हार्डएक्स के ऊपर भी यहाँ पे कुछ नॉक्स निकाले जरूर जाते हैं। पीएस के स्मोकर की बात की जाए तो वो यहाँ पर टीम एक्सआरएस के खिलाफ कुछ बेहतर फाइट्स यहाँ पर निकालने में कामयाब जरूर रहते हैं। लेकिन अभी तक के लिए जोन एक और करवट खाता जरूर है, हम अगर तो अपना जोन देख पाए तो हमारे लिए हम देखेंगे जरूर कि कहाँ पर यह जोन करवट खाया है। अगर अपने इस जोन की करवट की बात की जाए तो एक और बेहतरीन हार्ड शिफ्ट, एक साउदर्न शिफ्ट लेकर जाता हुआ एक दफा फिर से टैग ऑफिशियल को यहाँ पर जोन बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता हुआ। लेकिन अभी तक के लिए आशर को नॉक जरूर कर दिया जा चुका है। प्लेज ऑफिशियल की बात करते चले तो तीन बेहतरीन किल अपने लिए यहाँ पर कंफर्म जरूर कर पाते हैं लेकिन रिवाइवल का प्रोसेस इनिशिएट जरूर कराया जाता है। लेकिन हमारी अगर स्क्रीन के ऊपर फाइट की बात की जाए, जिस छोटी स्क्रीन की हम यहाँ पर बात करेंगे तो स्मोकर अभी तक के लिए मौजूद रहते हैं और छह किल्स अभी तक के लिए पीएस ऑफिशियल की जानिब से भी उठाए जरूर जाते। अगर बात करें पावर शो की तो कुछ बेहतरीन फायर यहाँ पर दिखाए जरूर जाते हैं, बैनकाय के ऊपर यहाँ पर कुछ शॉट दागने की कोशिश की जाती है लेकिन वहीं पर अपने उस प्रे के इरादे को तर्क करके एक दफा फिर से अपनी यहाँ पे हीलिंग को इनिशिएट किया जाता है। लेकिन उससे पहले मॉर्टल यहाँ पर जाएंगे सैयर रॉयल्स करंगर का, वो एक किल अपने बैक पर कंफर्म जरूर कर लेंगे, अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर मौजूद थे और रॉयल्स कहते हैं यहाँ पर चढ़ते जरूर है। लेकिन टैग ऑफिशियल की अब यहाँ पर फाइट्स होती हुई दिखाई दे रही है, डिनिस्टर की बात की जाए, शेजी की बात की जाए तो वो यहाँ पर फाइट्स के अंदर आ जरूर रहे हैं। टैग ऑफिशियल अब जिस एरिया के अंदर मौजूद है यहाँ से वो चिकन डिनर के एक अच्छे हकदार बन जरूर सकते हैं, बेहतरीन फाइट्स यहाँ पर निकाली जरूर जाती हैं। लेकिन कुछ शॉट्स भी दागी जा रही है डिनिस्टर की जानिब से, अभी तक के लिए ESR के ऊपर यहाँ पर कोई भी किल कंफर्म करने में कामयाब नहीं रहते। लेकिन टोटल अगर बात की जाए तो दो किल्स अभी तक के लिए इनके पास रहते जरूर। लेकिन शेजी अब इस रिज को पूरे तरीके से होल्ड जरूर करके बैठे हुए हैं और शेजी की अगर बात की जाए तो आज शेजी की जानिब से हमें बहुत कम एमो उठाते हुए दिखाई जरूर दे रहे, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि 450 के करीब 5 की गोलियां इनके बैकपैक के अंदर मौजूद रहती है, शायद बैकपैक से कुछ निकाल कर जेबों में भी डाल लेते हैं क्योंकि इतनी जगह तो हमारे बैकपैक में रहती नहीं है। वहीं पर अगर बात करते चले अभी तक के लिए सो एक किल इनके बैकपैक मौजूद रहेगा, वहीं पर दूसरा किल डिनिस्टर अपने बैकपैक में कंफर्म जरूर करते हैं। लेकिन मॉर्टल भी अभी तक के लिए यहाँ पर सिर्फ दो ही किल्स लेकर बैठे हुए हैं, एक किल यहाँ पर मिटेलो के बैकपैक में जाता है, एक किल स्कॉर्पी के बैकपैक में जाता जरूर है। अगर एसआईआर रॉयल्स की बात की जाए तो दो ही किल्स रहते हैं लेकिन जोन का एक अच्छा होल्ड इनके पास भी मौजूद है। लेकिन पीएस ऑफिशियल क्या कर रही है, क्या ही बेहतरीन किल टैली अपनी यहाँ पर निकाली जाती है। लेकिन आशिर वहाँ पर एनएक्सजी के कॉशन वाइटी को एलिमिनेट करते हैं, एक और किल प्लेज ऑफिशियल अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म कराने में कामयाब जरूर हो जाती है।
अब यहाँ पर वो फाइट्स का समय हर जानब चल जरूर रहा है। पी एस की जानब अगर हम जाएं, पी एस के दो प्लेयर्स को अभी तक के लिए नॉक जरूर कर दिया जाता है। पी एस के बाकी के दो प्लेयर्स अब यहाँ पर क्या करते हैं, स्मोकर को एलिमिनेट किया जाता है, बिलाल भी अभी तक के लिए एलिमिनेट जरूर हो जाते हैं। पावर शॉट ऑफ जोन यहाँ पर दम तोड़ देंगे, यमरूद को यहाँ पर मॉडल जो है रोटेशन के अंदर कैच कर लेते हैं, जोन के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाती। लेकिन अब मॉडल की जानब से एक यूटिलिटी का इस्तेमाल जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही आशर को यहाँ पर स्पॉट करते हैं, एलिमिनेट नॉक जरूर किया जाता है। लेकिन एक और अच्छी 1v1 की फाइट यहाँ पर लेके जाते हैं और मॉडल की जानब से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर 1v3 निकल कर आता जरूर है। टोटल 5 किल्स पर ये टीम पहुंच जरूर चुकी है। नफ्सी को भी वहाँ पर बैकेंड पर नॉक जरूर कर दिया जाता है, मिटेलो जाएंगे, डिनिस्टर को भी यहाँ पर नॉक जरूर करेंगे। प्लेज ऑफिशियल भी यहाँ पर एलिमिनेट करने के बाद अब तक के लिए टैग ऑफिशियल भी थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत में दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन उससे पहले वी आर डाउन टू द लास्ट 3 टीम्स, RE वर्सेस SIR, रॉयल्स वर्सेस टैग ऑफिशियल। लेकिन टॉन टॉप आएंगे, स्कॉर्पी को यहाँ पर नॉक किया जाएगा। 4v4v4 की ये फाइट है, लेकिन 4v4v4 से किस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट किया जाती है ये फाइट्स बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन शेजी अभी तक के लिए टैग ऑफिशियल के आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग जरूर रहते हैं। डिनिस्टर यहाँ पर हमें अपना दम तोड़ते हुए दिखाई जरूर दे सकते हैं, और वही होता है कि डिनिस्टर यहाँ पर हमें दम जरूर तोड़ जाते हैं। लेकिन उससे पहले नफ्सी को अभी तक के लिए रिवाइव दे दिया जाता है, कैस्केड को भी रिवाइवल का प्रोसेस इनिशिएट जरूर कराया जाता है। बट जोन बहुत जरूरी रहता है, जोन की जानब भी यहाँ पर अब इनकी जानब से जाया जरूर जाएगा। वहीं पर अगर SIR की बात की जाए तो मॉर्टल और स्कॉर्पियो तक के लिए डाउन जरूर रहेंगे, मॉर्टल को रिवाइवल दे जरूर दिया जाता है। बट RE यहाँ पर फोर मैन स्टैंडिंग रहती जरूर है, एक फाइट जो कि यहाँ पर जोन किसी की भी फेवर में नहीं आता, तमाम की तमाम टीम्स को कहीं ना कहीं जोन में आना है। हाँ, कुछ यहाँ पर जो है जोन का पार्ट RE के पास मौजूद जरूर रहेगा, बट टैग को अब इस फाइट का फायदा उठाना है। RE वर्सेस SIR रॉयल्स की फाइट का फायदा उठाकर अब टैग को अब जोन के अंदर जाना बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन स्कॉर्पी को यहाँ पर रिवाइवल दिया जाएगा, बहुत बड़ा सवाल रहेगा जरूर। लेकिन फिलहाल के लिए मॉर्टल के सामने यहाँ पर स्वांसी आ जाते हैं, स्प्लिट स्क्रीन में दोनों प्लेयर दिखाई जरूर दे। लेकिन बैनकाय अभी तक के लिए यहाँ पर जोन के अंदर आने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। लेकिन मिटेलो ऑन टॉप को डाउन करेंगे, स्वांसी वहां पर वहीं पर बैनकाय को नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश किया जाता है। कैस्केड वहां पर आउट ऑफ द जोन ही नॉक हो जाएंगे, नफ्सी की जान से भी आउट ऑफ द जोन नॉक जरूर हुआ जाता है। शेजी प्लेयर्स यहां पर अब आखिरी प्लेयर बच जरूर चुके हैं अपनी टीम के लिए, यहां पर #2 जरूर लेना पड़ेगा इनको, कुछ थोड़ा सा यहां पर कवर में जाकर इनकी जानिब से थोड़ा प्रोन डाउन जरूर किया जाता है। अभी तक के लिए स्कॉर्पी की बात की जाए तो यहां पर पूरी की पूरी SIR रॉयल्स यहां पर RE के ऊपर जो है चढ़ चुकी है। शबाब अभी तक के लिए हमारी आंखों के सामने यहां पर ऑन टॉप रिवाइव देते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। मॉर्टल यहां पर अपनी टीम्स को कॉल आउट जरूर दे रहे हैं कि एक प्लेयर आउट इन द ओपन यहां पर क्रॉसिंग जरूर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देखेंगे जरूर स्कॉर्पी उस जानब देख जरूर रहे हैं। लेकिन शेजी अभी तक के लिए यहाँ पर सेफ जरूर रहते हैं, आखिरी 5 प्लेयर सर्वाइव कर जरूर रहे हैं। यहाँ पे 2v2v1 रहता जरूर है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर मॉर्टल नॉक रहेंगे। SIR रॉयल्स की अगर बात की जाए तो स्कॉर्पी यहाँ पर आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग जरूर रहेंगे, और RE स्कॉर्पी का किल यहाँ पर अपने बैकपैक में कंफर्म करने के लिए बहुत ही डेस्परेट दिखाई दे रही है, और इस डेस्परेशन का फायदा यहाँ पर शेजी प्लेयर्स पूरे तरीके से उठा जरूर सकते हैं। और शेजी की जान से ऑन फुट रोटेट किया भी जाता है, मॉर्टल को इंस्टेंटली एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है अभी के लिए। लेकिन शेजी, मैं अब शेजी को देखना चाहूंगा कि क्या शेजी यहां पर जोन के अंदर जाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, क्या एट द एंड यहां पर कोई अच्छी क्लच मोमेंट इनकी जानिब से दिखाई जा सकती है या नहीं, इन तमाम की तमाम चीजों का जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। लेकिन शेजी अभी भी यहां पर 20 मीटर दूर जरूर रहते हैं जोन से। लेकिन स्कॉर्पी यहां पर उनके ऊपर कुछ शॉट्स दागेंगे, और स्कॉर्पी की जानिब से अच्छा ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाया जाता है। शेजी अभी तक के लिए जोन में एक बेहतर स्पॉट लेने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। RE अब जिस एरिया के अंदर मौजूद रहती है, RE अब यहां पर क्या करके निकलती है बहुत बड़ा सवाल रहता है। शेजी की जानिब यहाँ पे स्कॉर्पी को स्पॉट किया जाता है, बेहतरीन स्प्रे जाता है, एक लेजर स्प्रे यहाँ पे शेजी की जानिब से जाता है, बेहतरीन स्प्रे यहाँ पर जायरो का इस्तेमाल इनकी जानिब से दिखाया जाता है। हिलाते ही यहाँ पर जायरो को लेडीज एंड जेंटलमैन एक प्लेयर को एलिमिनेट किया जाता है। नाउ इट्स अ 1v2, एक अच्छी स्नाइपर शॉट यहाँ पे शेजी को डाली जरूर जाती है, लेकिन अब हील करने का मौका जरूर दे दिया जाता है। लेकिन उससे पहले शेजी की जानिब से यहाँ पर एक ग्रेनेड जरूर पुल कर दिया जाता है, ये ग्रेनेड अगर तो यहाँ पर किसी प्लेयर को क्लिक करता है और शबाब को क्लिक करेगा, लो ऑन एचपी जरूर करेगा। लेकिन ऑन टॉप यहाँ पर स्नाइपर लेकर पुश जरूर करे, शेजी की जानिब से यहाँ पर आगे आ जाते हैं, लो ऑन एचपी यहाँ पर कुछ शॉट दागने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1v2 करने में नाकामयाब जरूर रहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर इनकी जानिब से निकाली जरूर जाती है, क्या ही परफॉर्मेंस यहाँ पर, टैग ऑफिशियल यहाँ पर निकालने में कामयाब हो जाती है अभी तक के लिए। बट यहाँ पर दूसरे पायदान पर जरूर फिनिश ऑफ किया जाता है, लेकिन RE बेहतरीन चिकन डिनर यहाँ पर अपने नाम करके जाती हुई, कूडोज टू द टीम, जहाँ पर टोटल 6 किल्स के साथ इनकी जानिब से टीम यहाँ पर अब इस मैच को इख्तिताम किया जाए। लेकिन वहीं पर अगर मैन ऑफ द मैच की जानिब जाया जाए, स्टार ऑफ द मैच की जानिब जाया जाए, तो वीके के फ्यूरी यहाँ पर बहुत इनिशियल्स में एलिमिनेट जरूर होते हैं, लेकिन 4 ही किल्स इनकी जानिब से कंफर्म किए जाते हैं, और ये चीज़ बताती है कि क्या ही बेहतरीन तरीके से इस मैच के अंदर किल्स पूरी की पूरी लॉबी में बटे हैं। क्योंकि फ्यूरी की अगर बात करते चलें, सो सिर्फ 4 ही डिफीट्स इनके बैकपैक के अंदर कंफर्म जरूर कराई जाती हैं, लेकिन शेजी की अगर बात करते चले तो टोटल 3 रेस्क्यूज इनकी जानिब से किए जरूर जाते हैं, अपने लिए टीम के लिए बेस्ट कंपेनियन निकल कर आते हैं। लेकिन वहीं पर
जो M7 शहाब रहते हैं, शहाब रहते हैं, उनकी जानिब से आखिरी यहाँ पर किल जरूर कंफर्म किया जाता है। और पहला ही किल अपने बैक पे कंफर्म जरूर किया गया था, लेकिन क्या ही बेहतरीन मैच अपने अख्ताम को पहुंचता हुआ यहाँ पर। चिकन डिनर एक दफा फिर से हमें बताया जाता है कि जी हाँ चिकन डिनर किया गया था, जी हाँ प्रोडक्शन हमें याद है कि चिकन डिनर किया जाता है आरी की जानिब से। और इसी के साथ मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक दफा फिर से मौजूद हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी कास्टिंग पसंद आ रही है तो मेक श्योर कर दीजिएगा, अगर अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया हो तो लाइक जरूर कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा भाई अभी तक कर क्या रहे हो, ये रसूमात अदा करने के अंदर इतनी दिक्कत क्यों यहाँ पर आप लोगों को दिखाई जा रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस यहाँ पर हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की जानिब, जिसके बाद हम यहाँ पर आगे देखेंगे दूसरा मैदान यहाँ पर कौन सा खेला जाता है। मोस्ट प्रोबेबली रेंगल का वो कन्वेंशनल मैदान रहेगा, लेकिन उसके ऊपर टीम्स को इन एक्शन देखने से पहले वी विल बी ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वी विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। एक दफा फिर से खुशामदीद कहेंगे आपको मल्टी गेमर्स ईस्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1 लीग स्टेजेस डे 2 की स्ट्रीम के अंदर। और पहला मैच हमने देखा, क्या ही बेहतरीन तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचा। द मैच वॉज फुल ऑफ एग्रेशन, द मैच वॉज फुल ऑफ अनइवननेस, बिकॉज हमने देखा कि कोई भी टीम यहाँ पर बहुत ज्यादा किल्स करने में कामयाब नहीं रहती। लेकिन उससे पहले हमारी आंखों के सामने आज का जो शेड्यूल रहता है, जिस सीट के अंदर आज के हमारे यहाँ पर मैदान हमें दिखाई देंगे, हमें दिखाई जरूर जाते हैं, लेकिन अभी तक के लिए मिरामार का मैप हमने देखा था कि आरई डिसाइडर्स अपने नाम का ताज यहाँ पर, अपने नाम का झंडा मिरामार की उन ऊंची पहाड़ियों के अंदर गाड़ के जरूर जाती है। लेकिन दूसरा मैदान यहाँ पर एरेंगल का रहेगा, कन्वेंशनल मैप जरूर रहता है। ग्रुप डी यहाँ पर हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देगा। ग्रुप डी के अंदर कौन सी वो टीमें रहती हैं जो कि इस मैच के अंदर यहाँ पर हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगी, वो हमारी आंखों के सामने आज जरूर जाती हैं।
السلام علیکم ناظرین و حضرات، ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ہے اسٹریم کے اس پارٹ کے اندر کے جہاں پر آپ لوگوں سے رابطہ میرا ایک دفعہ پھر سے منقطع کر دیا گیا تھا، اور آپ لوگوں کو سنائیں گے یہ دکھ بھری کہانی جس طریقے سے یہاں پر ہمیں دکھائی ضرور جاتی ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک دفعہ پھر سے ہم جائیں گے ضرور ہماری سلاٹ لسٹ کی جانب۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کون کون سی وہ ٹیمز رہتی ہیں جو کہ اس میچ کو ابھی تک کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گی، لیکن وہیں پر بات کرتے چلیں، اگر فی الحال کے لیے تو گروپ ڈی کھیلتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے یہاں پر ٹیمز دکھ ضرور رہی ہیں۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آئی ایم ریئلی سوری فار آل دا انکنوینئنس جو گئے یہاں پر آپ لوگوں کو اسٹریم پہ درپیش ضرور آ رہی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید ہے آپ لوگوں کا۔ ملٹی گیمر جی اسپورٹس پریزنٹس ایم جی آر ایل سیزن ون کی لیگ اسٹیجز کے ڈے ٹو کے اندر گروپ ڈی کی بات کرتے چلے تو پی ایس ٹنرز، آر ای ڈیسائیڈرز، ایس آئی آر 2.0، وی کے ایلیٹس اور ایس کیو میکس آفیشیل یہاں پر رہیں گے ہماری آنکھوں کے سامنے، جو کہ فی الحال کے لیے شاید اس میچ کے اندر ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی نہ دیں، لیکن اگر بات کرتے چلیں ہماری باقی کی ٹیمز کی، سو ٹیمز ہماری آنکھوں کے سامنے ضرور دکھائی دے رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے اندر ہم اپنی میچ کی جانب بھی جائیں گے ضرور، لیکن ایک دفعہ پھر سے ہم یہاں پہ نظر ڈالیں گے ہمارے ڈے شیڈیول کی جانب، اور ڈے شیڈیول ہمیں کیا کہانی سناتا ہے؟ ڈے شیڈیول ہمیں یہ کہانی سناتا ہے کہ پہلا میپ یہاں پر میرا مار کا کھیلا گیا تھا، آر ای ڈیسائیڈرز اپنے نام کا جھنڈا گاڑ کے جاتے ہیں، لیکن دوسرا میپ یہاں پر ایرنگل کے میدان کے اوپر کھیلا ضرور جائے گا۔ ایرنگل سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آخری تین میپس ابھی بھی آج کے دن میں باقی ضرور ہے، سینوک، میرا مار اور ایک مزید ایرنگل یہاں پر کھلایا ضرور جائے گا ٹیمس کے لیے، اور فی الحال کے لیے ایرنگل کا میپ ہمارے آنکھوں کے سامنے تھوڑی دیر کے اندر براجمان ضرور دکھائی دے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہاں پر اگر ٹیمز کی بات کرتے چلے تو ہماری آنکھوں کے سامنے یہاں پر ہم نے دیکھا ضرور تھا کہ کون کون سی ٹیمز فی الحال کے لیے یہاں پر لائیو ضرور تھی، بٹ اب وہ موقع آ ضرور چکا ہے، تھوڑی دیر کے اندر ہمارا جو جہاز ہے وہ پروان ضرور بڑھے گا۔ اگر بات کرتے چلے یہاں پر ٹیمز کی، سو تھوڑی سی بات ہم یہاں پر اپنے اسپانسرس کی بھی ضرور کریں گے کہ پرونوبز لائیو یہاں پر ہمیں اسپانسر کرتے ہوئے دکھائی ضرور دیتے ہیں ایونٹ کو، خواہ آج وہ یہاں پر ان ایکشن نہیں دکھائی دیتے ابھی تک کے لیے، لیکن ہمیں امید رہے گی کہ آگے یہاں پر اس میچ کے اندر ہمیں ضرور دکھائی دے، اور ہمیں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ اس میچ میں یہاں پر ایک پھر سے پرونوبز لائیو جوائن ضرور کر چلے، لیکن انہیں کے شانہ بشانہ یہاں پر موجود رہتے ہیں اللہ دے حکم نال ایس آئی آر کے جٹ صاحب، جٹ صاحب کی جانب سے بھی ایک بہترین انیشیٹو لیا ضرور جاتا ہے کہ جیسے ایم جی آر ایل کی یہاں پر اسپانسرشپ ٹیم ان کے پاس پہنچتی ہے، ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ ہم تو یہاں پر پہلے سے تیار بیٹھیں گے اس طرح کی کسی بھی ایونٹ کو، یہاں پر ہمیں ملیٹر کمیونٹی کے اندر تھوڑی سی زیادہ پریفرنس دیں، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا میپ ہے وہ تھوڑی دیر کے اندر یہاں پر ہماری اسکرینس کے اوپر لائیو ضرور دکھائی دے گا، لیکن تب تک کے لیے یہاں پر سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک کے لیے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میک شور کر دینا ایک دفعہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اگر اسٹریم کو لائک نہیں کیا ہوا ابھی تک تو یہ تو آپ لوگوں کی جانب سے بالکل بھی سپورٹ نہیں دکھائی جا رہی، کیونکہ ابھی تک یہاں پر اسٹریم کے اوپر منیمم 50 لائکس ہو جانے چاہیے ٹیمز کی جانب سے دکھائی جاتی ہے آج کی سٹریم کے اوپر، لیکن اس سے پہلے اگر تو آپ لوگوں کو ایم جی آر ایل کا یہ ٹورنمنٹ پسند آ رہا ہے تو میک شور ٹو سپورٹ دی آرگنائزیشن، ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ڈسکاؤنٹ کا لنک مل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے یہاں پر کاؤنٹ ڈاؤن ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہوئی، کاؤنٹ ڈاؤن ہمیں یہ بتاتی ہے کہ میپ از ریڈی، اور میچ یہاں پر ہمارے آنکھوں کے سامنے لائیو ہوتا ہوا جارجو پول کی ایسٹرن سٹی کی طرف سے یہاں پر لپوفکا تک یہ پلین پاتھ جو ہے کنکلوڈ کرتا ہوا ضرور دکھائی دے گا۔ ٹیمز کی جانب سے اپنے اپنے ڈراپ کی طرف جایا ضرور جائے گا، وہ ٹیمز جو کہ ملٹری آئلینڈ جانا پسند کرتی ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں مشکلات ضرور درپیش آئیں گی، لیکن ابھی تک کے لیے کون سا وہ نام رہے گا جو کہ اس میچ کا تاج اپنے سر پہ سجائے گا، اپنے نام کا جھنڈا اس میپ کے اندر گاڑا جائے گا؟ ان تمام چیزوں کے جواب ہمیں تھوڑی دیر کے اندر ملیں گے جس ٹائم یہ میچ اپنے اختتام کو پہنچے گا، بٹ فار ناؤ یہاں پر ٹیمز اپنے اپنے ڈراپس کی جانب اتر ضرور رہی ہیں، اور ٹیمز کی جانب سے اترا جاتا ہے جارج پل کے اس ایریا کے اندر ایک بڑا کلسٹر اترتا ہوا دکھائی دیتا ہے، شاید ان گیراجز کے اوپر کچھ فائٹس بھی ہمیں یہاں پر ہوتی بھی دکھائی دیں، کیونکہ وہ ٹیمز جو کہ یہاں پر گارڈ کا پریموس فیری پیئر یا پھر ملٹری آئلینڈ جانا پسند کرتی ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی فیوریبل اسپاٹ رہے گا کہ یہاں پر ڈراپ لے کر اپنے لیے کچھ وہیکلز ڈھونڈی جائیں اور اپنے ڈراپ کی جانب یہاں پر اپنا جو سفر ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن وہیں پر
दूसरा मैप आज जो दूसरा मैच जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है वो PSL का फाइनल रहता है जरूर है। और अगर आप लोग PSL का फाइनल एंजॉय कर रहे हैं तो वहीं पर आपने ये स्ट्रीम भी एंजॉय करनी है, और उसके साथ साथ आपने हमारे पास आना है, MGRL की स्ट्रीम को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेडीज एंड वो पहली फाइट यहाँ पर हमारी आंखों के सामने निकल कर आती हुई कि NS7 के ब्रांड यहाँ पर आते हैं, ESR के मॉन्स्टर को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाए, तो जॉर्जपुर के एरिया के अंदर ही वो फाइट रहती जरूर है। हमने बात जरूर की थी थोड़ी देर पहले कि यही वो एरिया रहेगा कि जहाँ पर हमें इनिशियल्स के अंदर कुछ फाइट होती हुई दिखाई जरूर दे सकती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ब्रांड ने जहाँ पर एक किल भी कंफर्म कर लिया वहाँ पर अभी तक के लिए वो दीवारें हमारी स्क्रीन के अंदर लोड नहीं होती, और दीवारें लोड जरूर कराई जाती हैं, बड़ी स्क्रीन यहाँ पर दिखाई जरूर जाती है। अभी तक के लिए ब्रांड यहाँ पर मौजूद रहते हैं, एक किल इनके बैकग्राउंड रहते हैं, इनके बिल्कुल सामने ये SR के तीन प्लेयर्स रहते हैं, एक प्लेयर का किल अपने बैकग्राउंड कन्फर्म जरूर कर पाते हैं, लेकिन वहीं पर SIR रॉयल्स के भी एक प्लेयर के ऊपर नॉक जरूर डील किया जाता है। GS की जानब से स्क्रिपी को फिनिश जरूर किया जाता है। जॉर्जपुर सिटी के अंदर ये फाइट चलती हुई कल भी हमने देखा था, लेकिन उससे पहले एक दफा हम यहाँ पे जाएंगे हमारी जोन की जानिब, और जोन हमें क्या कहानी सुनाता है। जोन अपनी पहली करवट जरूर ले चुके हैं, और जोन हमें ये कहानी सुनाता है कि 80% ऑफ द लॉबी विल बी आउट ऑफ द सर्कल। 80% ऑफ द लॉबी जो कि ईस्टर्न एज के ऊपर मौजूद रहती है वो सर्कल से बाहर रहती है। जोन एक एक्सट्रीम वेस्टर्न हार्ड शिफ्ट लेके जाता हुआ सेंट्रलाइज स्पॉट यहाँ पे टोटली वैकेंट रहेंगे, लेकिन RE ऑफिशियल अभी तक के लिए सबसे ज्यादा फेवरेट टीम रहेगी बिकॉज दे हैव द सेंटर। लेकिन वहीं पर VRX का वो स्क्वाड जो कि इंडिया से यहाँ पर हमें खेलता हुआ दिखाई देता है अभी तक के लिए पहला खेल अपने बैक पर कंफर्म जरूर कर पाएंगे। पहले मैप के अंदर को खातिर खा कारकर्दगी इनकी जानब से भी नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अभी तक के लिए बेहतरीन कारकर्दगी जहाँ पर इनकी जानब से दिखाई जा रही है। वहीं पर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी क्या ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखा जरूर रही है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर बाउंड्रीज की भरमार जरूर कर दी जाती है। लेकिन उन्हीं बाउंड्रीज के चलते अगर बात करें हमारी टीम की, तो जिस तरीके से इनकी जानब से किल्स की भरमार की जाती है ये भी बहुत ज्यादा खातर ख्वाह परफॉर्मेंस जरूर रहती है इन टीम्स की जानब से। लेकिन टैग ऑफिशियल को मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, अभी तक के लिए एक अच्छे फेवरेबल स्पॉट के ऊपर मौजूद जरूर रहते हैं, लेकिन वहीं पर अगर बात करें प्लेज ऑफिशियल की, सो प्लेज ऑफिशियल यहाँ पर नोर अपनॉय जाने का अपना जो सफर है उसको इनिशिएट जरूर कर चुकी है। ब्रिज के ऊपर से यहाँ पर इनकी जानब से रोटेशन जरूर हमें दिखाई जा रही है, नोर अपनॉय जाकर खुद को लूट करते हुए दिखाई भी देंगे। लेकिन अगर बात करते चले टीम YTF की, सो YTF यहाँ पर 3 मैन स्टैंडिंग हमें दिखाई जरूर देती है। अगर बात करें BPR के नैनो OP की, सो वो अभी तक के लिए मिल्टा के स्क्वाड उसके अंदर मौजूद जरूर होते हैं, और यहाँ पर हमने कल भी देखा था एक 3-way ड्रॉप क्लैश यहाँ पर NS7 बाद के NS7 के प्लेयर्स भी यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं। अपनी टीम्स को यहाँ पर कॉल्स दी जा रही है, कॉल्स के ऊपर खेलने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी तक के लिए जो फाइट्स हैं उन फाइट्स को एक प्रॉपर आगाज नहीं दिया जाता। सारी की सारी टीम बहुत ज़्यादा संभल के ज़रूर खेल रही है, जानती हैं कि वो आखिरी मौका है फाइनल्स के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन को यकीनी बनाने का, उस मौके को बिल्कुल भी इनके जाने से ज़ाया नहीं किया जा रहा। चाहते हैं कि हर तरीके से जो अपनी कंफर्मेशन है उस फाइनल के स्लॉट की उसको कंफर्म ज़रूर किया जाए। लेकिन वहीं पर दरिंदा यहाँ पर आते हैं, दरिंदा की जाने से नैनो OP को नॉक ज़रूर कर दिया जाता है और किल कन्फर्म भी करने की पूरी कोशिश की जा रही है, बट जिस एरिया के अंदर नैनो मौजूद रहते हैं क्या यहाँ पर रिवाइवल पॉसिबल होगा YTF के लिए, उसका जवाब रहेगा अभी तक के लिए नहीं, क्योंकि कुछ शॉट दागे जरूर जाते हैं लेकिन रिवाइवल तो नहीं आया जरूर है। बट गोकू अभी यहाँ पर पुशिंग करना चाह रहे हैं, गोकू जाने से क्लोजिंग किया भी जाता है, लेवी अभी तक के लिए रिवाइवल यहाँ पर दे जरूर चुके हैं, रिवाइवल कंप्लीट जरूर कराया जाए। बैक एंड से कुछ कवर फायर आते हुए थोड़ा सा लोन एक्सपी जरूर किया जाएगा गोकू को, बट गोकू की जाने से यहाँ पर बिल्कुल भी अपना जो एग्रेशन उसको रोका नहीं जा रहा, गोकू जाने से कंप्लीट यहाँ पर पुश किया जरूर जाता है। डेनवर अभी तक के लिए उसी एरिया के अंदर मौजूद रहेंगे, लेकिन किस तरीके से अब ये फाइट कंक्लूड की जाती है, क्योंकि अगर SIR रॉयल्स की बात की जाए तो SIR रॉयल्स भी वहाँ पर कुछ बेहतरीन किल नंबर्स अपने लिए उठा जरूर नहीं है। अभी तक के लिए हमने देखा है कि किल फीड के अंदर बहुत ज़्यादा किल्स यहाँ पर अपने कंफर्म जरूर करते हुए दिखाई देते हैं, बट डेनवर यहाँ पर आगे जाएंगे, इनके बिल्कुल सामने यहाँ पर जो है SEO मौजूद जरूर रहते हैं, लेकिन नैनो को एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाता है, और इस दफ़ा टीम VRX वो टीम रहती है जो कि ये नॉक डील करती है, लेकिन डेमन को भी यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाता है। VRX भी उस एरिया के आती है अभी तक के लिए, पीरो को भी यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाता है, बट व्हाट इज VRX डूइंग। VRX की जानिब से यहाँ पर एक बगी लाई जाती है, बगी के अंदर यहाँ पे दो प्लेयर्स को नॉक करने में कामयाब जरूर रहते हैं, लेकिन वहीं से बैक एंड से कवर फायर आता हुआ टीम YTF का वोल्डी को यहाँ पर नॉक जरूर कर देते, बट पीरो स्टैंडिंग देख, पीरो को अब यहाँ पर अपने प्लेयर को रिवाइवल देना बहुत ज़्यादा जरूरी रहेगा। पीरो किस तरीके से यहाँ पर अपने प्लेयर को रिवाइवल देते हैं बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर रहेगा जरूर, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर पीरो की तो एक अच्छा नॉक इनकी जानिब से दिखाया जरूर जाता है, बेहतरीन नॉक यहाँ पर डील करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, बट वहीं पर थोड़ी
बात भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती ज़रूर है, लेकिन अभी तक के लिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन एक दफ़ा फिर से यहाँ पर शायद थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर दरपेश आई थी हमारे पास यहाँ पर, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर बैक, यहाँ पर हम आ जरूर चुके एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पर वापस। लेकिन पीरो, पीरो की बात करते चले, सो पीरो यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद ज़रूर रहते हैं लेडीज। अगर बात करें पीरो की, पीरो की जानी से आउट इन द ओपन जाकर एक यूटिलिटी ड्रॉप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसी यूटिलिटी के चलते उनको नॉक जरूर किया जाता है। बट वाइट यहाँ पर पूरी दी है स्क्वाड के ऊपर भरपाई यहाँ पर कर कामयाब जरूर होती है। गूगल यहाँ पर बहुत लोन एचपी रहेंगे, लेकिन लोन एचपी एक अच्छा नॉक निकाला जरूर जाता है इसी सब असना के अंदर। जो पीरो है, पीरो का किल यहाँ पर कंफर्म जरूर हो जाएगा, लेकिन नैनो, नैनो वर्सेस गूगल यहाँ पर ब्रेज जरूर जाएगा। नैनो के हाथ में यहाँ पर मैच कैप देखने को मिलती जरूर, नैनो जब पुश जरूर किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं बैकवर्ड नैनो की जान पर क्या भी दिन करेंगे। और गोकू यहाँ पर जाएंगे जरूर, वो किल पॉइंट्स कुछ अपने यहाँ पर बैक में कंफर्म जरूर करेंगे, कुछ किल स्टीलिंग भी इनकी जान से हमें दिखाई जरूर देगी। लेकिन वहीं पर हम टैग ऑफिशियल की जानब भी जाएंगे जरूर, हमने देखा है कि किल फीट के अंदर वो भी यहाँ पर रूनुमा जरूर होते हैं, कुछ फाइट्स अच्छी उनकी जान से यहाँ पर ली जरूर जाती हैं। वीके के स्क्वाड के ऊपर स्टॉलबर के एरिया के अंदर ये फाइट अक्सर देखी जरूर है, अक्सर वहाँ पर ये फाइट चल जरूर रही होती है। लेकिन डेनवर, डेनवर अभी तक के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं, डेनवर यहाँ पर कुछ शॉट जरूर दागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीम वाई टी एफ अब इस एरिया से यहाँ पर रिट्रीट करने में आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन टीम यहाँ पर अभी तक के लिए रिट्रीट बैक करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। लेकिन नफसी, नफसी के बैक पैक के अंदर यहाँ पर वीके का एक किल जरूर कन्फर्म हो जाता है। अभी तक के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा टैग ऑफिशियल का स्क्वाड मौजूद रहता है, कोशिश कर रहे हैं कि वो बाकी के प्लेयर्स का किल भी अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म ज़रूर किया जाए इनकी जानिब से। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करते चले टीम्स के स्प्लिट की, सो टीम्स का स्प्लिट हमारी आंखों के सामने देखने को मिल जरूर रहा है। अभी तक के लिए पूरी की पूरी वीके की स्क्वाड यहाँ पर रिजिस के ऊपर ज़रूर आ जाती है, दो प्लेयर यहाँ पर टीम के करीब ज़रूर रहते हैं टीम टैग ऑफिशियल के। वीके के हंटर वाइट बहुत ज़्यादा यहाँ से दूर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी दूसरी विकेट से हार जरूर दो बैठती है। पावर प्ले का अख्ताम 46-2। लेकिन हम यहाँ पर आएंगे हमारे जो मैच हमारी आंखों के सामने यहाँ पर चल रहा है, टीम टैग ऑफिशियल यहाँ पर कुछ वर्चुअल कवर जरूर डिप्लाई कर रही है, चाहते हैं कि एक अच्छा नॉक निकाला जाए और उसके बाद वो पुश जरूर लिया जाए। लेकिन वीके का एक प्लेयर कहाँ पर मौजूद है, वीके का एक प्लेयर अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर जरूर मौजूद रहता है, वीके के हंटर वाइट ही रहते हैं, मोर देन 1000 मीटर यहाँ पर उनकी जानिब से दूरी ज़रूर बनाई जाती है अपनी टीम से। ना जाने ऐसा क्या कर दिया जाता है इनकी टीम की जानिब से कि जहाँ से उनसे इतनी दूरी बना ली जाती है, शायद आज के दिन भी टीम्स के प्लेयर्स की जानिब से यहाँ पर नहाया नहीं जाता कि इतनी दूरी ज़रूर जो है उनसे बनाई जा रही है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें बाकी के प्लेयर्स की, सो बिलाल भी यहाँ से फॉल बैक कर रहे हैं, वहीं पर गालिब को भी यहाँ पर बिठाएंगे ज़रूर, उनके यहाँ पर फॉल बैक करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। लेकिन क्या शेजी की जानिब से कोई स्पॉटिंग दिखाई जा सकती है, और एक अच्छा स्प्रे यहाँ पर अगर तो जाता है सो उनको भी यहाँ पर गाड़ी से उतारने में कामयाब ज़रूर हो सकेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर टीम जो है वो रिट्रीट बैक करने में कामयाब ज़रूर हो जाती है। अभी तक के लिए टीम वी के अपना एक प्लेयर यहाँ पर गंवाने के बाद, एक किल पॉइंट यहाँ पर देने के बाद गवाज यहाँ से जो है रिट्रीट बैक ज़रूर करेगी। लेकिन वहीं पर बात करते चले हमारी मैप स्क्रीन की, सो मैप स्क्रीन हमें क्या कहानी बताती है, मैप स्क्रीन हमें ये कहानी बताती है कि ब्रिज के ऊपर यहाँ पर टीम SIR साइरो वर्सेस SIR रॉयल्स होने ज़रूर वाले हैं। हम उस फाइट की जानिब जाना ज़रूर चाहेंगे कि किस तरीके से ये फाइट कंक्लूड होती है, कि जहाँ पर SIR के दो मोस्ट एग्रेसिव लाइनअप से एक दूसरे के आमने सामने आ ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये फाइट किस तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगर टैड की बात की जाए तो टैड की जानब से डाइस एरिया को अभी तक के लिए होल्ड जरूर किया जा रहा है, रॉयल्स की जानब से टीम को देखा जरूर जाता है, ब्रिज के दूसरी जानब अपना पड़ाव डाला जरूर जाता है। क्या यहाँ पर ये फाइट ली जाएगी, ये वो फाइट रहती है जो कि टेबल के टॉप स्पॉट्स को डिसाइड जरूर करेगी, क्योंकि कल के दिन पे हमने देखा जरूर था कि पहला और दूसरा पायदान दोनों टीम्स की जानब से लिया जरूर जाता है। लेकिन अब यहाँ पर इन टीम्स को फाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये फाइट अब यहाँ पर हमें बताएगी कि कौन सी वो टीम रहेगी जो कि पहला पायदान अपने नाम करेगी। लेकिन मिटेलो की अगर बात करते चले तो 4 किल्स इनके बैकपैक मौजूद ज़रूर रहते हैं, आई बिलीव सो GS के ऊपर यहाँ पर एक अच्छा 1v4 इनकी जानब से ज़रूर दिखाया जाता है, क्योंकि आखिरी प्लेयर अपनी टीम के लिए बचे ज़रूर थे। जॉर्ज पुल के स्क्वाड के अंदर GS के खिलाफ यहाँ पर एक अच्छी फाइट ली ज़रूर जाती है, बट वो 1v4 हमने यहाँ पर मिस ज़रूर किया था, लेकिन एक अच्छा 1v4 ज़रूर दिखाया जाता है। लेकिन क्या अब ये एक किल पॉइंट कोई टीम यहाँ पर आके उठाएगी, या फिर वो एक किल पॉइंट से भी इनको यहाँ पर जो है
मरहूम जरूर कराया जाएगा। लेकिन वहीं पर बात करते चले अगर मिटेलो की, तो मिटेलो अभी तक स्क्वाड उसके एरिया को लूट जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी की टीम्स को भी हम यहाँ पे जाएंगे जरूर। SQMax ऑफिशियल की अगर बात करते चले, SQMax ऑफिशियल हमें एक्शन दिखाई दे रही है। MES के चौधरी एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पर टीम के साथ हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। कल का दिन यहाँ पर चौधरी की जानिब से जो है खेला नहीं जाता, बट आज एक दफ़ा दोबारा से चौधरी यहाँ पर इन एक्शन जरूर दिखाई देंगे। लेकिन अभी तक के लिए जिस एरिया को इनकी जानब से होल्ड किया जा रहा है, नीचे नॉट ऑफिशियल का स्क्वाड जरूर रहेगा और कहीं ना कहीं यलमाज की जानब से ये कॉल दी भी जाती है, स्काउटिंग की जाती है। और अब टीम यहाँ पर इस फाइट के अंदर मोर देन इंटरेस्टेड दिखाई जरूर दे रही है। पुचिंकी की अपसाइड के ऊपर, ये पुचिंकी बान हाउसेस के ऊपर ये फाइट हमें जरूर देखने को मिल सकती है। बिकॉज अगर तो यहाँ पर SQMax ऑफिशियल को कुछ अच्छे नॉक्स मिलते हैं तो एक स्ट्रेट स्लैम हम इनकी जानब से देख जरूर सकते हैं, जो कि अक्सर औकात हमने देखा है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर डिसीजन ये लिया जाता है कि वी विल नॉट बी फाइटिंग हेयर। जोन को थोड़ी सी प्रेफरेंस जरूर दी जाती है, जोन की जान भरवान की अपनी इख्तियार जरूर करेंगे, लेकिन जोन हमारा अपनी पहली करवट खाने को तैयार जरूर रहता है। कहाँ पर वो करवट जाएगी बहुत जरूरी रहता है। लेकिन उससे पहले ये सार के बिल्ला यहाँ पर किल फीड के अंदर रूनमा होते हैं। SIR के अय्यर को यहाँ पर एलिमिनेट जरूर किया जाता है। SIR सायरो अपने एक प्लेयर को यहाँ पर गवान जरूर देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करते चले हम हमारे मैप की यहाँ पर करवट की, तो करवट यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से जो है जोन लेकर जाता है। और क्या यहाँ पर कहानी हमारे सामने निकल कर आती है, एक और ईस्टर्न हार्ड शिफ्ट। इतने हार्ड शिफ्ट हमने यहाँ पर अभी तक भी MGC की स्ट्रीम में शायद नहीं देखे थे, जितने हार्ड शिफ्ट हमें MGRL के सीजन 1 में दिखाई दे रहे हैं। अभी तक 30% जो है जो जोन है वो वाटर बॉडी के ऊपर जरूर रहता है। लेकिन ESR यहाँ पर SIR सायरो के ऊपर कुछ बेहतरीन नॉक जरूर डील कर रही है। आखिरी प्लेयर अभी तक के लिए SIR सायरो के रहते जरूर है। वहीं पर टीम रिटायर्ड भी कहीं ना कहीं क्लोज से जाती जरूर है। लेकिन ताहा को भी यहाँ पर एलिमिनेट करने में कामयाब जरूर हो जाते। ESR के बिल्ला यहाँ पर टोटल 6 किल्स अपने बैकपैक में बना जरूर चुके हैं। क्या इनकी जाने से भी एक क्लच हमें दिखाया जाता है? उसका जवाब रहता है जी हाँ शायद, क्योंकि जो किल नंबर इस टीम के पास मौजूद है 7 किल्स रहते जरूर है। लेकिन एक ही किल यहाँ पर डेंजर के बैकपैक जाते हैं, बाकी के 6 किल बिल्ले के बैकपैक यहाँ पर जरूर जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर ESR ऑप्शन में दिखाते हुए। लेकिन वहीं पर अगर बात करते चले मिटेलो की, सो बहुत दूर से यहाँ पर हमने देखा है कि SAR रॉयल्स के आखिरी प्लेयर जो मिटेलो रहते हैं, बहुत दूर से ट्राई की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो गाड़ियाँ उनको देख रही है उनके ऊपर कुछ शॉट जरूर दागी जाएँ। स्पॉटिंग यहाँ से दूर से प्रॉपरली करने में नाकामयाब रहते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ ज़रूर उनको दूर से रेंडर ज़रूर हो जाती है और उसके ऊपर कुछ शॉट ज़रूर दागी जाती है। लेकिन अभी तक के लिए मिटेलो यहाँ पर बिल्कुल सुमन बुकमन बैठ जरूर चुके हैं। जानते हैं कि यहाँ पर उनकी जानब से कुछ ज़्यादा अगर तो किया जाता है वो नुकसानदेह ज़रूर साबित होगा, लेकिन रोटेशन का वो समाज ज़रूर शुरू हो चुका है। लेकिन मिटेलो की जानब से अब यहाँ पर कुछ अच्छे स्प्रे ज़रूर दागने की कोशिश की जा रही है। क्या यहाँ पर कोई नॉक निकाल पाएंगे? लेकिन नॉक निकालने के बाद भी कुछ ज़्यादा मुस्तफ़ीद तो नहीं होंगे उस नॉक से। लेकिन अगर ESR यहाँ पर इनके ऊपर कुछ डैमेज डील करती है तो शायद इनको नॉक के साथ एलिमिनेट भी हो जाए, क्योंकि आखिरी प्लेयर रहते हैं। लेकिन क्या ही बेहतरीन पिन पॉइंट स्प्रे जाता है, एक लेज़र स्प्रे दिखाया जरूर जाता है। प्लेयर को बहुत ज़्यादा लो ऑन HP जरूर करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन रोटेशन का कमाल है। ये रोटेशन किस तरीके से अब यहाँ पर अख्ताम को पहुँचेंगी, क्योंकि हर टीम अब जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है। वहीं पे पीछे से टीम रिटायर्ड आती है। टीम रिटायर्ड की जानब से ESR के ऊपर एक अच्छा नॉक जरूर किया जाता है। अगर हम बात करें हमारे फाइट की, तो वहीं पर यहाँ पर सैफी की जानब से वो किया जाता है अच्छे तरीके से। यहाँ पर फोन डाउन होकर कुछ शॉट्स दागने में कामयाब रहते हैं, लैंड भी कराया जाता है उस स्प्रे को, प्रॉपरली लैंड कराने में कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फाइट्स यहाँ पर चलती हुई। थोड़ा सा हम हमारी मैप की बात भी ज़रूर करेंगे कि किस तरीके से टीम्स की जानब से यहाँ से रोटेशन लेके जोन के अंदर आया जाता है, और उसका जवाब रहता है कि मैप हमारी आंखों के सामने आ जाता है। सबसे बेहतरीन रोटेशन की अगर बात करें तो अभी तक के लिए टैग ऑफिशियल की वो रोटेशन ज़रूर रहेगी। टोटल नॉर्दर्न एज को यूज़ किया जाता है, जॉर्जपुल सिटी के ब्रिज को यूज़ करके यहाँ पर जो है रोटेट करके ब्रिज जोन के अंदर आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर बैक एंड से VK भी आ जरूर रही है। अगर तो अर्ली यहाँ पर ब्रिज की तरफ जाया जाता तो VK के कुछ किल्स यहाँ पर बतौरे जरूर जा सकते हैं। लेकिन SQMax के ऑफिशियल के स्लेयर को भी तक के लिए यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाता है। वहीं पर पैंथर को यलमाज यहाँ पर नॉक जरूर करने में कामयाब हो जाते हैं। 3 मैन यहाँ पर RE ऑफिशियल का स्क्वाड हमें ज्वाइन जरूर करता है, बट अभी तक के लिए SQMax ऑफिशियल के साथ एक अच्छी फाइट बन जरूर जाएगी। लेकिन लेजेंड हमारी आंखों के सामने रहेंगे जरूर, अपने नाम की किस तरीके से लाज रखी जाएगी बहुत बड़ा सवाल रहेगा जरूर। एक प्लेयर को जरूर एलिमिनेट किया था, लेकिन सैवी की जान से कवर फायर आते हुए लेजेंड को यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाता है। लेजेंड को इंस्टेंट एलिमिनेट भी किया जाएगा। ऑन टॉप यहाँ पर अभी तक के लिए अपनी टीम के लिए लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग जरूर रह जाते हैं। चौधरी को भी अभी तक के लिए नॉक जरूर कर दिया जाता है, लेकिन यलमाज बैक एंड से कुछ कवर फायर जरूर दे रहे हैं। सैवी की जानब से कुछ फायर जरूर दिए जाते हैं। 3 मैन स्टैंडिंग रह जाती है SQMax ऑफिशियल, लेकिन ऑन टॉप
टॉप की जानब से यहाँ से पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि वो एक प्लेयर का किल जो अपने बैकपैक के अंदर परफॉर्म जरूर कराया जाए। बट यलमाज और सैवी दोनों यहाँ पर क्लोजिंग करते हुए दिखाई जरूर देंगे। चौधरी को यहाँ पर रिवाइवल जरूर दिया जा रहा है अभी तक के लिए, लेकिन ऑन टॉप को अब यहाँ पर पुश करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा डिसीजन उससे भी ज्यादा लिया जाता है, एक यूटिलिटी के चलते यहाँ पर कुछ बेहतर नॉक निकाल जरूर सकते हैं और यूटिलिटी यहाँ पर दागी भी जाती है। उस यूटिलिटी के चलते एक चौधरी को यहाँ पर एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले यलमाज यहाँ पर एलिमिनेट जरूर कर देंगे। आखिरी सेकंड के ऊपर वो जो रिवाइवल छोड़ा जाता है, वो रिवाइवल क्या बताता है कि एमईएस के चौधरी को एलिमिनेट जरूर कराया जाता है, एक बड़ा ब्लो जरूर निकल कर आता है। लेकिन यलमाज एक बेहतरीन तरीके से 1v3 करके जाते हुए आरी ऑफिशियल्स के ऊपर और हाथ के अंदर यहाँ पर खंजर पकड़ के बताया जरूर जाता है, एक बड़ा यहाँ पर एक जो है वो पैगाम दिया जाता है कि इस खंजर से मिलता जुलती हलकत जो आप लोगों ने यहाँ पर की थी प्लेयर्स को एलिमिनेट करने वाली, उसका जवाब हम यहाँ पर आपको देंगे जरूर, उसका क्या ही बेहतरीन तरीके से वो जवाब दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने जोन की बात करें तो तमाम की तमाम टीम्स अभी तक के लिए जोन के अंदर यहाँ पर आ जरूर चुकी हैं, सिर्फ एक NA7 का स्क्वाड रहता है वो, जिनकी जानिब से जोन के अंदर आना कुछ खासा मुश्किल रहेगा नहीं। लेकिन मिटेलो अभी तक के लिए बात करें जोन की, लेकिन उससे पहले वहां पर बैकएंड से पीएस का वो स्क्वाड आता जरूर है। SQ Max के ऊपर एक और नॉक दागा जरूर जाता है, यलमाज को भी तक लिए नॉक जरूर कर दिया जाता है। अगर तो किल फीड रीड की गई थी यहां पर पीएस की जानिब से तो वो अब एक पुश करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले अगर बात करते चले टैग ऑफिशियल की रोटेशन की, सो अभी तक के लिए जॉर्जो पुल की नॉर्दर्न सिटी के अंदर अपना पड़ाव जरूर डाले बैठे हैं, मिटेलो ब्रिज के इस पार बैठे जरूर रहते हैं, आखिरी प्लेयर अभी तक के लिए मौजूद रहते हैं। अगर तो टैग ऑफिशियल की जानिब से टाइमली जोन के अंदर रोटेट किया जाता है तो वो एक किल अपने बैकपैक में कंफर्म जरूर कर सकते हैं, 4-man स्टैंडिंग ये स्क्वाड रहता जरूर है। 3 किल अभी तक के लिए टैग ऑफिशियल अपने बैकपैक के अंदर लेके बैठा जरूर है। लेकिन अब क्या यहाँ पर जोन बताता है अगला शिफ्ट, यहाँ पर कुछ ही लम्हात के अंदर जोन का हमारी आंखों के सामने रूनुमा हो जरूर जाएगा। स्टेज 4 यहाँ पर जोन का जो है, स्टेज 3 की जानिब हम यहाँ पर बढ़ेंगे जरूर, और ये जोन जैसी क्लोज होता है ये बताता है कि कंप्लीट सेंट्रलाइज शिफ्ट जरूर लिया जाता है। लेकिन अभी तक नॉर्दर्न एरिया पूरे के पूरे जोन का स्टिल वेकेंट जरूर रहेगा। लेकिन मिटेलो जिस एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं वीके के पास, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लोज जरूर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी तक के लिए उस एरिया से व्हीकल को यहाँ पर अपनी जो है दूर लेके जरूर जाया जाता है। लेकिन अब टैग ऑफिशियल यहाँ पर रोटेट करके जोन के अंदर आ जरूर जाएगी, वो मौका जरूर दिया जाता है इनको रोटेट करके जोन में आने का, और जोन के अंदर खासी बेहतरीन जगह भी अभी तक के लिए मौजूद रहेगी, और अच्छा यहाँ पर स्पॉट अपने लिए हासिल करने में टैग ऑफिशियल कामयाब जरूर हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम्स की जानिब से दिखाई जरूर जा रही है। थोड़ा सा रुका जाता है, आगे ज्यादा से ज्यादा एरिया को स्काउट जरूर करेंगे यहाँ पर टैग ऑफिशियल की जानिब से। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए साउदर्न एच की, तो एक बहुत बड़ा क्लस्टर वहां पर बन जरूर चुका है, और इसी क्लस्टर के अंदर बहुत सी टीमें यहाँ पर एलिमिनेट जरूर होंगी, और वो टीम्स जो कि अभी तक के लिए नॉर्दर्न एच के ऊपर मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सेफ अभी तक के लिए हमारे पास हमारा टैग ऑफिशियल का स्क्वाड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर VK SIR के मिटेलो भी एक अच्छे स्पॉट के अंदर मौजूद जरूर है, लेकिन वहीं पर 4R वर्सेस YTF की एक फाइट बनती हुई मिटेलो की जानिब से VK के ऊपर एक नॉक दागा जरूर जाता है, बहुत एक लॉन्ग रेंजेस के अंदर मिटेलो यहाँ पर नॉक जरूर करके जाते हैं। बट हमारी आंखों के सामने यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर मौजूद है, प्रोनोबिज लाइव यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी दिखाई जरूर जाती है, और शोरूम देखे क्या ही बेहतरीन शोरूम इनकी जानिब से बनाया जाता है। कहते हैं कि गेम शेम तो चलती रहेगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अपनी अमीरी का थोड़ा सा फ्लैग जरूर दिखाएं, लेकिन उस अमीरी की यहाँ पर कहानी बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सी रातों की मेहनत जरूर लगती है इस तरह का शोरूम बनाने में। लेकिन प्रोनोबिज लाइव की जानिब से क्या ही बेहतरीन तरीके से स्पॉन्सर यहाँ पर करके दिखाया जाता है कि कितना वो इस कम्युनिटी को, कितना ही बेहतरीन तरीके से इस कम्युनिटी को वो जानते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इंटरव्यू के अंदर भी इनके जानिब से हमने सुना जरूर था कि जब ये कहते थे कि हम खुद टूर्नामेंट कराते थे तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें नहीं मिलती थी, लेकिन उस सपोर्ट को यहाँ पर अब हम खुद जरूर दिखाएंगे। लेकिन प्रोनुब जाएंगे, आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, टैग ऑफिशियल अभी तक के लिए जोन के दौरान में कामयाब हो जाती है। लेकिन वहीं पर यलमाज को एक दफ़ा दोबारा से नॉक कर दिया जाता है, यलमाज को यहाँ पर मंदिर का वो घंटा बना दिया जाता है कि जो आ रहा है सबसे पहले यलमाज को बजा रहा है। लेकिन वो पहला किल बेहतरीन, पहला एक 1v3 जरूर दिखाया गया था इनकी जानिब से, उस 1v3 के बाद अभी तक के लिए यलमाज हमें किल फीड के अंदर दिखाई जरूर दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किल फीड की राइट साइड भी दिखाई दी, और एक दफा फिर से यलमाज को यहाँ पर नॉक किया जाएगा, और इस दफा सादिया यहाँ पर सैवी को भी एलिमिनेट करके एक अच्छा 1v2 SQMax ऑफिशियल के ऊपर भी करके SQMax ऑफिशियल को एलिमिनेट जरूर करेगी। अभी तक के लिए SQMax ऑफिशियल की जानिब से हमने वो परफॉर्मेंस नहीं देखी जो परफॉर्मेंस इन्होंने हमें क्वालिफायर्स में दिखाई थी, और हम चाहते हैं कि ये वही परफॉर्मेंस यहाँ पर अभी तक के लिए दिखाएं जरूर, क्योंकि वो परफॉर्मेंस यहाँ पर हम इनकी जानिब से कहीं ना कहीं मिस जरूर कर रहे हैं। SQMax ऑफिशियल
वो स्क्वाड है कि जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जरूर सकता है, वो एग्रेसिवनेस हमें अक्सर यहाँ पर इनकी जानिब से दिखाई जरूर जाती है, लेकिन क्या वही एग्रेसिवनेस एक दफा वापस से दिखाई जाएगी। लेकिन अगर हम बात करते चले प्लेज ऑफ शेयर की, तो टीम XRS एक दफा दोबारा से उनके बिल्कुल सामने आन खड़ी हो जाएगी। टीम XRS के साथ प्लेज ऑफ शेयर की एक और फाइट यहाँ पर हमें जरूर देखने को मिल सकती है, बिकॉज प्रोरूम इज लाइव अभी तक के लिए जिन एरियाज को यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए थे वहीं पर थोड़ा सा दूर यहाँ पर टीम XRS का स्क्वाड यहाँ पर आ जरूर जाता है और एक और फाइट यहाँ पर इनिशिएट जरूर हो सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर टीम VK वर्सेस टैग ऑफिशियल यहाँ पर जरूर स्टार्ट होता हुआ, कैस्केड को भी तक के लिए नॉक जरूर कर दिया जाता है कुछ लॉन्ग रेंजेस के अंदर, यहाँ पर कैस्केड एक नॉक खाते जरूर है VK से, और उस जाने भी हम यहाँ पर जाएंगे जरूर। क्या फाइट यहाँ पर चल रही है, लेकिन शेजी की अगर बात करते हैं तो शेजी यहाँ पर कुछ वर्चुअल कवर जरूर डिप्लॉय किया जाता है, यहाँ पर रिवाइवल जरूर दिया जा रहा है, लेकिन VK अभी तक के लिए बहुत ज्यादा दूर जरूर मौजूद रहेगी, ईजी रिवाइवल रहता जरूर है, रिवाइवल दे भी दिया जाता है, लेकिन अब शेजी यहाँ पर हर तरफ देख जरूर रहे हैं, जानते हैं कि एक टीम ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद है, कुछ बगीज उनको वहां पर स्पॉट जरूर होती है, लेकिन प्लेयर्स यहाँ पर बहुत दूर होने की वजह से अभी तक के लिए रेंडर नहीं हो पाते। लेकिन क्या अब यहाँ पर टैग ऑफिशियल पिछले मैच के अंदर चिकन डिनर नहीं कर पाते हैं, दूसरे पायदान के ऊपर ही अपने मैच का अख्ताम किया जाता है, क्या यहाँ पर ये वो रिडेम्पशन मैच हो सकता है? लेकिन उससे पहले जोन एक और करवट खाता हुआ, पांचवा फेज हमारी आंखों के सामने नाजरीन जोन का मौजूद रहता है, और जोन की बात करते चले तो एक कंप्लीट सेंट्रलाइज शिफ्ट जरूर रहता है, हर टीम के लिए कहीं ना कहीं कोई आसानी जरूर रहेगी क्योंकि ज्यादा दूर नहीं रहेंगे टीम से, और जोन अभी तक के लिए अच्छी खासी जगह रखता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये रहेगा इस जोन का कि सेंट्रल एरिया जो है इस सवाए इसके कि जहां पर PS ऑफिशियल का स्क्वाड मौजूद है वो एरिया, उसके अलावा सेंट्रलाइज कोई भी स्पॉट प्लेएबल नहीं रहेगा, आउट इन द ओपन जरूर कटता है, रिजिस को यहाँ पर देखना जरूर पड़ेगा, लेकिन XRS वहां पर आशिर प्लेस को नॉक जरूर कर देती है, और आशिर का किल यहाँ पर सावा अभी तक के लिए कंफर्म भी करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। सो प्लेज ऑफिशियल यहाँ पर अपना एक किल गवा जरूर चुके, लेकिन वहीं पर सावा जाएंगे, प्रोनूब को भी अभी तक के लिए नॉक किया जाएगा, तीन XRS यहाँ पर चार्ज इन करते हुए दो प्लेयर्स को एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है अभी तक के लिए। लेकिन वहीं पर अगर बात करते ऐसे यार रॉयल के मेटेरियल वो अभी तक सर्वाइव जरूर कर रहे हैं, कुछ अच्छे प्लेसमेंट पॉइंट इंतजाम से निकाल जरूर लिया जाता है, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर आएगा और यमरूद को लो NHP जरूर करेगा, दूसरे प्लेयर को भी यहाँ बहुत लो NHP किया जाएगा, इस मोलोटॉप से चलते यहाँ पर यमरूद एलिमिनेट नहीं हो सकते थे, लेकिन मोलोटॉप तो नहीं क्लिक करती, वो गैस कैन यहाँ पर जरूर जो है ब्लास्ट होता है, और उस गैस कैन के डैमेज से यहाँ पर अभी तक के लिए यमरूद को भी नॉक कर दिया जाता है। एक्सपीरिया यहाँ पर अब अपनी टीम के लिए मौजूद है, लेकिन क्या यहाँ पर एक्सपीरिया कुछ एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं इस गेम का, बिकॉज दिस इज द मोमेंट जहाँ पर एक क्लच जरूर चाहिए हमें। लेकिन बैक एंड से कुछ थोड़े बहुत कवर फायर आते जरूर है, बैक एंड से भी यहाँ पर टीम्स कुछ थोड़ा बहुत कवर फायर यहाँ पर तेज ऑप्शन को दे जरूर देते हैं, टेक्टिकल मोलोटॉप जानते ठेके जरूर जाते हैं, टेक्टिकल मोलोटॉप का ब्लॉक जरूर किया जा रहा है, लो NHP जरूर हो जाएगी, लेकिन इसी के चलते टीम XRS प्लेज ऑप्शन को इस मैच से जो है बाहर का रास्ता दिखाएगी, लॉबी की जान में रवाना किया जाता है। लेकिन बात करते चले हमारी टीम XRS की, तो दो प्लेयर नॉक जरूर होते हैं और अब उन दोनों को रिवाइवल देना खासा आसान जरूर रहेगा, तीन ही किल्स अभी तक के लिए ये टीम अपने बैकपैक के अंदर लेके जरूर जाती है। लेकिन वहीं पर फोर आर यहाँ पे PS ऑफिशियल के ऊपर कुछ क्रॉसर जरूर दागते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें टैग ऑफिशियल की, तो टैग ऑफिशियल अभी तक के लिए कुछ नॉर्दर्न एज से ही रोटेशंस दिखा जरूर रहे हैं। थोड़ा सा अगर जोन की हम यहाँ पर बात कर सकें तो जोन हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाएगा, मैप स्क्रीन हमारी आंखों के सामने दिखाई जाती है, बट व्हाट इज दिस टीम डूइंग? एक प्लेयर को वहां पे स्पॉट किया जाता है शायद, और क्या ही बेहतरीन रोटेशन यहाँ पर ली जरूर जा रही है इनकी जानिब से, जानते हैं कि डायरेक्टली जोन के अंदर जाने इनके लिए खासा मुश्किल रहेगा, लेकिन बैक एंड से कम्प्लीटली रोटेट किया जाता है और रोटेशन करके एक ईस्टर्न एज से जोन के अंदर एंट्री जरूर ली जाती है। लेकिन क्या जानते हैं कि वहां पर एक प्लेयर मौजूद है? क्योंकि अगर तो इनको जो है यहाँ पर पता रहता है कि कोई टीम वहाँ पर मौजूद है तो शायद एक फाइट जरूर ले सके, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर उसी एरिया के ऊपर आया जाता है टैग ऑफिशियल की जाने से, जिस एरिया के अंदर थोड़ी देर पहले हमने प्लेज ऑफिशियल को एलिमिनेट होते हुए देखा जरूर था, क्या ही बेहतरीन तरीके से जोन को देखा जाता है। लेकिन जोन एक दफा दोबारा से एक एक्सट्रीम ईस्टर्न शिफ्ट लेकर जाता है, एक साउथ ईस्टर्न शिफ्ट जरूर जोन लेकर जाता है, VS के स्क्वाड को यहाँ पर पूरे तरीके से जो है प्रायोरिटाइज कर जाता है, फेवर कर जाता है जोन को। लेकिन वहीं पर लावा का एक ग्रेनेड आता है, शेजी को भी तक के लिए नॉक जरूर कर देगा। अब यहाँ पर टीम टैग ऑफिशियल को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, टीम के बाकी के प्लेयर्स को यहाँ पर कवर डिप्लॉय करने पड़ेगा, प्लेयर को यहाँ पर बचाना जरूर पड़ेगा,
जितना यहाँ पर जरूरी रहता है, लेकिन कैस्केट भी वहाँ पर नॉक जरूर हो जाते हैं अभी तक के लिए। नफ्सी को यहाँ पर बैकहेंड से कुछ शॉट्स का सामना जरूर करना पड़ता है। आगे जाएंगे टोन डाउन करेंगे, बहुत लो एन एच पी रहते हैं, इसी के चलते खुद भी यहाँ पर नॉक जरूर हो जाएंगे। फिर डिनिस्टर की बात करते हैं, डिनिस्टर यहाँ पर रिवाइवल जरूर दे रहे हैं, शेजी को यहाँ पर रिवाइव किया जरूर जा रहा है, लेकिन इसी सब असना के अंदर नफ्सी और कैस्केट ये दोनों यहाँ पर एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे। डिनिस्टर की जान से कच्चा ग्रेनेड दागा जरूर जाते हैं, लेकिन वो ग्रेनेड यहाँ पर कुछ भी डैमेज जरूर नहीं निकालेगा। लेकिन रावा दूसरी जाने बैकहेंड के ऊपर पी एस के स्क्वाड के ऊपर भी कुछ कहर जरूर ढा रहे हैं, लेकिन मिटेलो भी वहाँ पर बैकहेंड जो रोटेट जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर टीम एक्सआरएस आई बिलीव सो जोन की जानब अब जरूर अपना जो है वो ध्यान करेगी और इस फाइट को अबैंडन किया जाता है। शेजी की बात करें तो शेजी की जानब से थोड़ा सा ओपन निकल कर ढूंढा जा रहा है कि कहाँ पर गई है वो टीम, लेकिन अभी तक के लिए जिस एरिया के अंदर इनकी जानब से जाया जाता है वो एरिया वहाँ पर इनके लिए ज़्यादा मुश्किल रहता है, क्योंकि वहीं पर एक और YTF का स्क्वाड रहता ज़रूर है। लेकिन उससे पहले ही SIR के मिटेलो वो जो आखिरी प्लेयर मौजूद रहते हैं उनको भी अभी तक के लिए एलिमिनेट ज़रूर कर दिया जाता है। टीम PS यहाँ पर एलिमिनेट ज़रूर करने में कामयाब होती है। लावा की अगर बात की जाए तो आउट इन द ओपन यहाँ पर ऑन फुट रोटेशन जरूर दी जा रही है, लेकिन डिनिस्टर जाएंगे, डिनिस्टर की जानब से रावा को जरूर बैकेंड से नॉक किया जाता है। हार्ड गेमिंग बहुत लो एन एच पी जरूर रहते हैं, लेकिन रावा को दिया जाता है डिनिस्टर की जानब से, तो एक अच्छा रिवेंज यहाँ पर इनकी जानब से भी दिखाया जाता है। वो रिवेंज जरूर लेने में कामयाब होते हैं, खुद भी बहुत लो एन एच पी जरूर हो जाएंगे, लेकिन टीम फोर राइवल्स के वसी हमारी आंखों के सामने यहाँ पर आते हैं और उनके ना जाने कहाँ से ये कैमरा एक दफ़ा अपने जो है वो ड्रोन व्यू की तरफ शिफ्ट जरूर होता है, हमने देखा है। लेकिन उससे पहले ही अब यहाँ पर आखिरी 8 टीम्स मौजूद जरूर रहती हैं, ये छोटा सा जोन हमारी आंखों के सामने नाजिर मौजूद है। लेकिन डिनिस्टर यहाँ पर आउट ऑफ द जोन ही अपना दम जरूर तोड़ देंगे, लेकिन वहीं पर पावर शो की जानब से शेजी को भी बहुत दूर से मिनी 14 के चलते एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। टैग ऑफिशियल यहाँ पर दूसरे मैच के अंदर भी कुछ खातिर का परफॉर्मेंस दिखाए बगैर ही फिलहाल के लिए एलिमिनेट जरूर हो जाएगी, बट दिस इज नॉट द एंड बिकॉज टीम रिटायर्ड यहाँ पर जाएगी और पीएस के ऊपर कुछ नॉक जरूर निकाले जाएंगे। वहीं पर बैक एंड से वीके की जानब से भी एक नॉक पीएस के ऊपर डील जरूर कराया जाएगा। पीएस जो कि अभी तक के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन के ऊपर मौजूद थी, उनके ऊपर हर तरफ से अब कुछ यहाँ पर शॉट जरूर दागे जा रहे हैं और पीएस इसी के चलते बहुत जल्द एलिमिनेट भी होते हुए दिखाई जरूर दे सकती है। लेकिन वहीं पर टीम VS यहाँ पर आती है और नॉट ऑफिशियल के ऊपर अपना धावा जरूर बोल देती है। हर जानब यहाँ पर अब कुछ फाइट्स का समय शुरू हो चुका है। टीम रिटायर्ड की बात करते चले वहाँ पर कुछ शॉट दागे जा रहे हैं, स्मोकर यहाँ पर लाल के ऊपर कुछ शॉट दागे स्पॉट भी किया जाता है, लेकिन क्या एलिमिनेट कर पाएंगे फिलहाल के लिए जवाब रहता है नहीं, क्योंकि अपनी टीम के लिए फिलहाल यहाँ पर लास्ट अंडरस्टैंडिंग जरूर रहते हैं, लेकिन वो फाइनल बुलेट यहाँ पर कनेक्ट कराने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। बिलाल को फिलहाल के लिए एलिमिनेट करने में कामयाब होते हैं, लेकिन इसी के चलते VK का स्क्वाड तो यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन अपने प्लेयर्स को रिवाइव देना बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि सामने मौजूद रहेगी टीम रिटायर्ड और टीम रिटायर्ड की जानब से हर तरफ से घेरने की कोशिश जरूर की जा रही है। आखिरी 5 टीमें अभी तक के लिए सर्वाइव जरूर कर रही है, लेकिन पीएस के यहाँ पर स्मोकर आखिरी प्लेयर मौजूद रहते हैं और किस तरीके से पूरी की पूरी टीम रिटायर्ड का सामना करेंगे बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। लेकिन बैकेंड से बात की जाए टीम VS को हमने देखा जरूर है कि जोन के अंदर कहीं निकालने की कोशिश करते हैं और अली की जाने से टीम रिटायर्ड के ऊपर एक अच्छा नॉक निकाला जरूर जाता है। फिलहाल के लिए ये पुश यहाँ पर जाएगा जरूर स्मोकर के ऊपर, स्मोकर किस तरीके से अब यहाँ पर इस पूरी की पूरी फाइट का सामना करते हैं और उसका जवाब निकल कर आता है कि बैकेंड से UMP से एक नॉक निकाला जाता है, इंस्टेंटली एलिमिनेट जरूर करने में कामयाब होंगे। लेकिन वहीं पर टीम VS चार्जिंग कर चुकी है, VS वर्सेस रिटायर्ड यहाँ पर शुरू जरूर हो चुका है, दोनों ही जाने कुछ नॉक्स यहाँ पर डील जरूर किए जाते हैं। रिटायर्ड अभी तक के लिए फ्लैश यहाँ पर हमारी आंखों के सामने मौजूद है, बहुत लो एच पी हो जाएंगे, दो ही प्लेयर लास्ट प्लेयर अपनी टीम के लिए स्टैंडिंग रह जरूर जाते हैं। फुट के पहले हमने देखा जरूर था कि क्या ही बेहतरीन तरीके से 4v4v5 टीम के खिलाफ निकाली जाती है, लेकिन अभी तक के लिए अपनी टीम के लिए आखिरी ही प्लेयर सर्वाइव करते हैं, लेकिन उनको भी बैकेंड से एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। स्मोकर अपने लिए वो आखिरी किल कन्फर्म जरूर करने में कामयाब हो जाते हैं। बिंगो भी बैकेंड से अंदर कुछ फायर यहाँ पर करते हैं, बी एस के अली को नॉक जरूर करते हैं, फ्लैश का किल कन्फर्म करेंगे, बिंगो की जान से बोरेक्स को भी यहाँ पर नॉक किया जाता है। बिंगो की जान से एक अच्छा 1v4 देखने को मिल जरूर सकता है, बोरेक्स का किल अपने बैक पर कन्फर्म जरूर करेंगे। सादी FPS अभी तक के लिए सर्वाइव जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब बिंगो को यहाँ पर जोन में जरूर आना है। बिंगो किस तरीके से जोन में आते हैं बहुत बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें स्मोकर के ऊपर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बिंगो अपना दम जरूर तोड़ देते हैं। आखिरी 3 टीम्स अभी तक के लिए सर्वाइव कर रही हैं, स्मोकर की जैसे एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पे सादिया का इख्तिताम कर सकता है, लेकिन सादिया ना कि सिर्फ यहाँ पर अपने नाम की याद रखती है लेकिन माँ की दुआ भी लेकर आती है, ना जाने किस तरीके से उस ग्रेनेड से बचा जरूर जाता है। लेकिन स्मोकर यहाँ पर हार नहीं मानेंगे, एक और दफा यहाँ पर एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर इनकी पिन किया जाता है, एक ग्रेनेड जाता है, लो एन एच पी करेगा जरूर सादिया को, हाफ एन एच पी यहाँ पर हो जरूर जाते हैं, लेकिन 3v2v1 की ये फाइट रहती जरूर है। स्मोकर अभी तक
के लिए खुद को यहाँ पर हील जरूर करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वीएस के यहाँ पर दो प्लेयर्स रहते हैं, फोर राइवल्स यहाँ पर अपना पहला चिकन डिनर लेने में कामयाब जरूर हो सकते हैं। अच्छे यहाँ पर स्पेशल हाजिर हो चुके हैं चिकन के लिए, लेकिन वहीं पर वस ही जाते हैं। स्मोकर का किल कन्फर्म किया जाएगा। नाउ इट्स अ 3v2 फाइट, वीएस वर्सेस टीम फोर राइवल्स, विक्ट्री सीकर वर्सेस फोर राइवल। कौन रहेगा इस मैच का विनर, कौन सजाएगा अपने सर पे इस एरेंगल का ताज, कौन से वो नाम रहेगा जो कि अपना झंडा इस मैप के अंदर गाड़ेगा। ये जहां पर आप लंबा सा टावर देख सकते हैं, इसको देख के आपने कुछ और नहीं सोचना, यहां पर सिर्फ वो झंडा रहेगा जो कि गाड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सादिया की जाने से यहां पर आगे जाया जाता है वीएस के, सादी एफपीएस को यहां पर एलिमिनेट जरूर कर देगा। सादी यहां पर पुश करने के मूड में रहते जरूर है। अगर बात की जाए सादिया की, सादिया अभी तक के लिए वहीं पर प्रोन डाउन हो चुकी है, और क्या यहां पर सादिया की जाने से कुछ अच्छी फाइट दिखाई जाएगी या नहीं, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। फवाद और सादिया यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन सादिया यहाँ पर जाएंगे लो एन एच पी जरूर करेंगे। सादिया को यहाँ पर बहुत लो एन एच पी किया जाता है, लेकिन सादिया की जानब से यहाँ पर बाइजन के फायर के चलते हैं एलिमिनेट जरूर किया जाता है वीएस के। अगर अली ओपी की बात की जाए तो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम। इट्स अ 3v1 फाइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इन राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। क्या यहाँ पर मौका दिया जाएगा टीम, यहाँ पर अगर बात की जाए 4R को तो रीसेट का मौका जरूर दे दिया जाता है अभी तक, बट इट्स अ 1v3 फाइट। क्या यहाँ पर एक क्लच मोमेंट अली की जानिब दिखाया जाएगा या फिर अली यहाँ पर ऐसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसका जवाब रहेगा कि वो एलिमिनेशन ही इनका मुकद्दर बनेगी, क्योंकि फोर राइवल्स अपने लिए पहला चिकन डिनर अपने नाम करके जाती हुई बेहतरीन चिकन डिनर इनकी जानिब से निकाला जरूर जाता है। हर गेम में यहाँ पर हमने देखा है कि एक नया नाम निकल कर आता है, एक नया नाम चिकन डिनर करके जाता है, और कुछ बहुत ज्यादा किल्स भी हमें यहाँ पर एक ही टीम के पास जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कंपटीशन यहाँ पर जरूर दिखाया जा रहा है इस लॉबी की जाने से, बताते हैं कि हमने अब टीम्स को रीड कर लिया। वो पहले दिन के अंदर हमने देखा था कि ज्यादातर किल्स कुछ ही नामों के पास मौजूद रहते थे, लेकिन आज वो किल्स हर स्क्वाड के अंदर बढ़ जरूर है। अगर ESR के बिल्ला की बात की जाए तो 6 kills यहाँ पर निकाले जाते हैं। टॉप फ्रेगर की लिस्ट के अंदर अपना नाम सर फहरिस्त यहाँ पर दिखाया जाता है। वहीं पर अगर लेवी की बात की जाए टीम YDF के, तो ही इज द बेस्ट कंपेनियन विद 3 rescues यहाँ पर, 3 दफा अपने प्लेयर्स को रिवाइवल दिया जाता है। बट फोर राइवल्स के फवाद यहाँ पर फिनिशर का टाइटल अपने नाम करके जाते हैं। बेहतरीन मैच एक दफा फिर से बेहतरीन तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचता है, लेकिन ये तो सिर्फ आज का दूसरा मैच था। अभी यहाँ पर 3 और मैदान आपकी आंखों के सामने दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये एग्रेशन, ये एक्शन कहीं भी रुकने नहीं वाला, और ये तो सिर्फ लीग स्टेजेस है। इसके बाद अभी जो है ग्रैंड फिनाले भी बाकी है। मल्टी गेमर्स ईस्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL का season 1 ये रहता जरूर है, और अभी ये एक्शन यहाँ पर बिल्कुल भी इख्तिताम को नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एक्शन तो अभी शुरू हुआ है। आज का ये आखिरी दिन रहेगा टीम्स के पास, आखिरी मौका अपने यहाँ पर टीम्स के पास रहेगा फाइनल्स को स्लॉट को अपने लिए यकीनी बनाने के लिए। लेकिन मजीद यहाँ पर कुछ बात करेंगे इन टीम्स के ऊपर, उससे पहले वी विल बी गोइंग ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वी विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर बैक। हमारा यहाँ पर जो अगला मैच है वो हमारी आंखों के सामने यहाँ पर आ जरूर चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर बात करते चले जो सैनो का मैदान है, सैनो का मैदान यहाँ पर शुरू जरूर कराया जाता है टीम्स की जानिब से। अगर बात करते चले हम अपनी तमाम की तमाम टीम्स की, सो वो अभी तक के लिए यहाँ पर रेडी जरूर हो चुकी है और थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर विद इन अ फ्यू सेकेंड्स जो मैप है वो हमारी आंखों के सामने यहाँ पर लाइव जरूर हो जाएगा और हम यहाँ पर जाएंगे जरूर अपनी मैप की। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ही बेहतरीन तरीके से हमारे पास इरेंगल का मैदान भी अपने कंक्लूजन को पहुंचता है, लेकिन लीग स्टेजेस के मराहिल के अंदर अब यहां पर हमारे पास आखिरी तीन मैचेस बचे हैं और कौन से यहां पर वो 18 नाम रहेंगे जो कि यहां पर अगले स्टेज के अंदर, अगले फाइनल्स के अंदर जो है वो क्वालिफाई जरूर करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए काउंटर हमारी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर हमारा मैप जरूर लाइव हो चुका है और अगर मैप की बात करते चलें सो हमारी आंखों के सामने यहां पर निकल कर आते हैं हमारा प्लेन पाथ, जो कि कंप्लीट ईस्टर्न प्लेन पाथ हमें दिखाई जरूर दे से। और अभी तक के लिए टीम्स की जाने से यहाँ पर अपने अपने ड्रॉप्स की जाने जो है रवानगी इख्तियार जरूर कर ली जाती है बेहतरीन तरीके से। अभी तक के लिए यहाँ पे जो टीम्स हैं वो मौजूद जरूर रहती हैं और अगर बात करते चले टीम्स की सो अपने अपने प्लेन पार्क की जानब जाया जरूर जाता है, लेकिन वो टीम्स जो कि यहाँ पर ईस्टर्न एजिस के ऊपर उतरना पसंद करती है उनके लिए भी यहाँ पर कुछ मुश्किलात जरूर दरपेश आ सकती हैं, बिकॉज अभी तक के लिए कुछ एरियाज जरूर रहेंगे जो कि फिलहाल के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। जिस तरीके से कैंप ब्रावो का एरिया रहता है, जिस तरीके से बान का एरिया रहता है, मोंगाई रहता है, कैंपोंग रहता है, लकावी रहता है, केव रहता है, वो ही कुछ एरियाज रहेंगे जो कि फिलहाल के लिए टीम्स की एक्सेस से थोड़ा सा दूर जरूर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर टैग ऑफिशियल वर्सेस VRX यहाँ पर टैग ऑफिशियल के ड्रॉप के ऊपर जाती जरूर है और एक अच्छा ड्रॉप क्रश हमें वहाँ पर देखने को मिल जरूर सकता है। र्यून्स के एरिया के अंदर यहाँ पर ये फाइट मिल जरूर रही है और वहीं पर VK के जादूगर भी उसी एरिया के अंदर से कहीं पर ग्लाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वट इज हैपनिंग, हमने यहाँ पर शेजी को देखा जरूर। अगर शेजी की बात करें सो प्लेयर ही शायद इतना कुछ भारी हो जाता है, कुछ इतना हैवी प्लेयर हमारी आंखों के सामने आ जाता है कि प्रोडक्शन की यहाँ पर स्क्रीन ही रेंडर नहीं हो पाती। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पर स्क्रीन रेंडर हो चुकी है, लेकिन अब मुझे डर है इन फट्टों का क्योंकि ये बहुत ही कमजोर टांगों पर खड़े और इनके ऊपर यहाँ पर अगर शेजी की जानब से कुछ अपना जो दिखाया जा रहा है, क्या शेजी अब यहाँ पर कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? क्योंकि अभी तक हमने टैग ऑफिशियल की जानब से देखा है कि पहले मैच के अंदर दूसरा पैदान हासिल किया जाता है, दूसरे मैप के अंदर कुछ खातर खा कारकर्दगी अभी तक के लिए इनकी जानब से नहीं दिखाई जाती। लेकिन वहीं पर मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा अभी तक के लिए PSN के फाइनल के अंदर, जहां पर इस्लामाबाद 106 पे 4 जरूर रहेगा और 14वें ओवर की यहां पर आखिरी बॉल अभी तक के लिए डाली जरूर जाएगी। लेकिन आजम खान यहां पर सरवाइव कर रहे हैं, इमाद भाई अभी तक के लिए यहां पर सरवाइव जरूर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए RNG वहां पर, वो सर वहां पर VK रहमान बैठी वो सरवाइव नहीं कर रहे, फ्लो की अभी तक के लिए सरवाइव नहीं कर रहे। टीम्स यहां पर कुछ थोड़ा सा अपने अपने यहां पर ड्रॉप स्पॉट से थोड़ा सा दूर उतरने के चक्कर, लेकिन VK इसी जब बसना के अंदर एलिमिनेट होती है। लेकिन गूगल यहां पर डिनिस्टर को एक नॉक जरूर देंगे और डिनिस्टर को अभी तक के लिए यहां पर फिनिश ऑफ भी कर दिया जाता है। लेकिन कैस्केड का ये एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज कैस्केड जहां से आ रहे हैं वो यहां पर टीम के ऊपर कुछ अच्छे एंट्री नॉक्स निकाल जरूर सकते हैं। VRX ऑलरेडी यहां पर अपने लिए कुछ बेहतर परफॉर्मेंस निकाल के जाती है क्योंकि वो पहला नॉक निकाला जरूर जाता है। 4v4 को 3v4 की अब फाइट के अंदर तब्दील कर दिया जाता है। टैग ऑफिशियल किस तरीके से रिटेलिएट करती है बहुत बड़ा सवाल हमारी आंखों के सामने रहेगा। लेकिन कैस्केड जान से यहाँ पे प्रोन डाउन जरूर हुआ जा रहा है। लेकिन जोकर को यहाँ पर अगर तो जोकर को स्पॉट नहीं करते तो बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर आ जाएगी, स्पॉट किया जरूर जाता है। लेकिन अभी तक के लिए यहाँ पर वो बेहतरीन स्प्रे नहीं दागा जाता, लेकिन अब दोनों जान से फंस जरूर जाते हैं यहाँ पर। लेकिन फिलहाल के लिए जोकर को नॉक जरूर किया गया था, लेकिन खुद भी इसी से बचना के अंदर नॉक जरूर हो जाते हैं। लेकिन कैस्केड को भी एलिमिनेट यहाँ पर कर दिया जाता है। गूगल गेमिंग की जान से 2 kills जरूर कन्फर्म किया जाता है, लेकिन अब जोकर को यहाँ पर रिवाइवल जरूर दिया जाए। लेकिन क्या यहाँ पर शेजी के पास कुछ अच्छा ग्रेनेड मौजूद है? वो मौजूद तो रहता है, लेकिन वो ग्रेनेड टाइम पर यहाँ पर नहीं किया जाता, बिकॉज अगर एक अच्छा ग्रेनेड दागा जाता तो दोनों प्लेयर्स यहाँ पर अब तक एलिमिनेट जरूर दिखाए जा सकते थे। लेकिन गूगल अभी तक के लिए 2 बेहतरीन किल अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म जरूर कर चुके हैं। वहीं पर शेजी दूसरे एंड के ऊपर अगर बात करें उनकी, सो वो यहाँ पर बेहतर तरीके से अभी तक के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड जरूर करे। शेजी की जान से कुछ स्कोपिंग किए जरूर जाते हैं। इनके साथ यहाँ पर अभी तक के लिए नफ्सी जरूर मौजूद रहते हैं। नफ्सी कहाँ पर मौजूद है वो बहुत बड़ा सवाल रहेगा। नफ्सी भी उन्हीं के क्लोज ही कहीं ना कहीं मौजूद जरूर रहेंगे। लेकिन VRX अब यहाँ पर पुश कर
कंपनी की जानिब से गूगल को जरूर नॉक कर दिया जाता है। जो पेज जो अभी तक सबसे ज्यादा खतरा था, जो दो पेज को वहाँ पर नॉक करने में कामयाब रहा था उसको नॉक किया जाता है। वहीं पर शेजी की जानिब से एक और प्लेयर को नॉक किया, जोकर को भी नॉक किया जाए, लेकिन पीरो पीरो बैकेंड से यहाँ पर नफ्सी को नॉक जरूर कर देंगे। अब शेजी यहाँ पर अकेले सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन पीरो यहाँ पर जाएंगे, वोल्डी यहाँ पर जाएंगे, इट्स अ 2v1 फाइट। लेकिन शेजी की जानिब से यहाँ पर रिवाइवल जो है जरूर दिया जाएगा, वापस और 2v2 के अंदर इस फाइट को तब्दील जरूर किया जाएगा। लेकिन पीरो की जानिब से अगर यहाँ पे एक अच्छी यूटिलिटी जाती है तो वो एक अच्छा नॉक निकालने में कामयाब जरूर हो जाएंगे। लेकिन वोल्डी यहाँ पर जाएंगे, जोकर को रिवाइव देने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर शेजी अपना किल अपने बैकपैक के अंदर कन्फर्म जरूर करेंगे। वो फाइट जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर बनाई गई थी, वो फिलहाल के लिए 2v2 पे जरूर तब्दील की गई थी, लेकिन अभी तक के लिए शेजी को यहाँ पर दोबारा से नॉक जरूर कर दिया जाता है। नफ्सी को भी बहुत लो एनएचपी किया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब से पीरो का एक ग्रेनेड जाएगा, नफ्सी को एलिमिनेट जरूर करेगा। यहाँ पर दो किल्स अपने लिए कंफर्म जरूर किए गए थे टैग ऑफिशियल की जाने से, लेकिन एक इनिशियल में यहाँ पर एलिमिनेट जरूर हो जाते हैं, और दिस विल हर्ट बिकॉज ये टीम टॉप 5 के अंदर मौजूद थी आज के दिन के आगाज से पहले, लेकिन आज का दिन अभी तक के लिए कुछ बहुत बेहतरीन नहीं जाता इनके लिए। तो वो प्लेयर्स जो कि अभी तक के लिए बहुत कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो आज का दिन बेहतर नहीं जाता, तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो ओवरऑल स्टैंडिंग है उसको गिराएगा ज़रूर। लेकिन उसी से पहले अगर बात करते चले लेडीज में हमारे जोन की, तो एक और हार्डशिप यहाँ पे जोन करके जाता है। मैं देखना यहाँ पर सिर्फ ये चाहूँगा कि जोन क्या कर रहा है, ये जोन करना क्या चाहता है, कौन सी कहानी रचना चाहता है। एक दफ़ा फिर से 55% जोन जो है वो जो है प्लेएबल रहता है सिर्फ, लेकिन बाकी का 45% वाटर बॉडी रहता है, नॉन प्लेएबल जोन रहता ज़रूर है। यहाँ पर जोन सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा चैलेंज टीम्स के लिए यहाँ पर बन जरूर चुका है। किस तरीके से अब इस चैलेंज को यहाँ पर फेस किया जाता है टीम्स की जानिब से, बहुत बड़ा सवाल ये रहेगा ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर बात करते चले हमारे प्लेयर्स की, तो वो यहाँ पर मौजूद रहते हैं। 17 टीमें अभी तक के लिए सर्वाइव ज़रूर कर रही हैं। यहाँ पर टैग ऑफिशियल हमारा साथ ज़रूर छोड़ कर गई थी, लेकिन वीके के फ्यूरी अभी तक के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे ज़रूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बिल्कुल सामने अगर बात की जाए तो टीम मौजूद ज़रूर रहेगी, कौन सी वो टीम रहेगी अभी तक के लिए फॉल बैक ज़रूर किया जा रहा है। दो प्लेयर अपने इनिशियल्स के अंदर गवाए जाते हैं वीके की जानिब से, लेकिन अब फ्यूरी की जानिब से यहाँ पे फॉल बैक किया जा रहा है। हंटर भी उनके साथ यहाँ पे फॉल बैक ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन कौन सी वो टीम रहेगी बहुत बड़ा सवाल ये रहता ज़रूर है। और अब वो टीम भी यहाँ पर देखना ज़रूर चाहेंगे कि कौन सी टीम यहाँ पर इनके करीब थी जिनकी जानिब से यहाँ पर इनके किल ज़रूर कन्फर्म कराए जाते हैं। लेकिन एक ख़तरे से निकल कर जिस दूसरी जानिब रवानगी इनकी जानिब से इख्तियार की गई है, वहाँ पर भी ESR का स्क्वाड अभी तक के लिए मौजूद ज़रूर रहेगा। तो क्या एक ख़तरे से निकल के दूसरे ख़तरे को यहाँ पर मोल लेके, या फिर यहाँ पर अभी तक के लिए ख़ुद को सर्वाइव करा कर बचाया जाएगा इनकी जानिब से। लेडीज एंड जेंटलमैन अभी तक अगर बात करते चले तो खासा बेहतरीन हमने यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी है तमाम की तमाम टीम्स की जानिब से, लेकिन उसी जानिब यहाँ पर 4R वर्सेस YTF की भी एक फ़ाइट यहाँ पर चल ज़रूर रही है हमारी आंखों के सामने। उस फाइट की जानिब भी हम जाएंगे ज़रूर। अगर यलमाज की बात करें, यलमाज हमारी स्क्रीन में आ ज़रूर जाते हैं, यलमाज अभी तक के लिए सर्वाइव करें। SQMax ऑफिशियल को एक मैच अब यहाँ पर अच्छा निकालना बहुत ज़रूरी है इनकी खातिर। वहीं पर 4R की वसी भी यहाँ पर कुछ हीलिंग ज़रूर कर रहे हैं। 4R के फवाद की बात कीजिए, फवाद यहाँ पर हमारी आंखों के सामने आ ज़रूर जाते हैं। नैनो ओपी को अभी तक के लिए नॉक ज़रूर कराया जाता है, अपने टीममेट्स के ऊपर यहाँ पर कुछ आइडिया ज़रूर किया जाता है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानब अगर हम जाएं दूसरी स्क्रीन की जानब जहाँ पर हमारा दूसरा POV रहता है 4R के वसी, यहाँ पर एक कोश की जानब जा ज़रूर है। वसी की जानब से यहाँ पर कुछ नॉक निकालने की कोशिश की जाती है, प्लेयर को नॉक ज़रूर किया जाता है। अभी तक के लिए अगर बात करते चले शैतान भी यहाँ पर नॉक हो जाते हैं, वसी भी यहाँ पर हमारी आंखों के सामने आ ज़रूर जाते हैं। लेकिन अब क्या यहाँ पर एक क्लच निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले बैकहेंड से कवर फायर आता हुआ और ये फाइट भी कंक्लूड होती हुई 4 Rivals के खाते हुए। टीम YTF एक और फाइट यहाँ पर हारती हुई, टीम YTF की जानिब से भी आज हमने देखा जरूर है कि YTF वो परफॉर्मेंस अभी तक के लिए दिखा नहीं पा रही। NS7 हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाती है, बट वट इज हैपनिंग यहाँ पर, ये कौन सा स्क्वाड रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक हर जानिब से सारे के सारे प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग, घोस्ट यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन वहीं पर 4R की अगर बात की जाए तो 4R यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं। अगर बात कर चले घोस्ट की, सो घोस्ट यहाँ पर मौजूद है हमारी आंखों के सामने आज रू जाते हैं। थोड़ा सा लो एनएचपी जरूर होंगे, बैंडेजेस अपने आप को लगाने में कामयाब फिलहाल के लिए जरूर हो जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा करें मैच एंजॉय, मुझे यहाँ पर चाहिए रहेगी 1-2 मिनट की ब्रेक में आप लोगों को काफी जल्दी ज्वाइन करूंगा आप लोग, वेरी शॉर्ट ब्रेक, तब तक के लिए आप लोगों ने यहाँ पर मैच को एंजॉय जरूर करना है।
लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। एक दफा फिर से आप लोगों को खुश आमदीद में जरूर कहना चाहूंगा। थोड़ी सी यहाँ पर एक वाटर ब्रेक जरूर मेरी जानिब से ली जाती है, क्योंकि आप लोगों के सामने यहाँ पर इतनी ज्यादा कास्टिंग करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा भी गला सूख जाता है, लेकिन उसी को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। हमारी आंखों के सामने यहाँ पर अगर बात की जाए तो एमएस के चौधरी यहाँ पर एक कुछ हमें किल फीट के अंदर जरूर रुनमाया होते हैं, एक अच्छा नॉक उनकी जानिब से निकाला जरूर जाता है। एसक्यू मैक्स ऑफिशियल यहाँ पर अभी तक के लिए अपनी उस फॉर्म में नहीं दिखाई दी जो फॉर्म हमने इनकी देखी थी, लेकिन जैम्बो हमारी आंखों के सामने यहाँ पर रहते जरूर है वहीं पर बैकएंड के ऊपर। सेवी भी यहाँ पर एक नॉक निकालेंगे जरूर। एसक्यू मैक्स ऑफिशियल अपनी उसी फाइट को यहाँ पर आ जरूर जाती है, लेकिन बात करते चले सेवी वहां पर वीके के फ्यूरी को भी एलिमिनेट जरूर कर दे। तो एसक्यू मैक्स ऑफिशियल इनिशियल्स के अंदर ही एक फाइट यहाँ पर अपने लिए रजिस्टर करती हुई, तीन बेहतरीन किल अपने बैकपैक के अंदर इनकी जानिब से कन्फर्म जरूर करा लिए जाएंगे। तो अच्छे तरीके से कुछ यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या ही बेहतरीन तरीके से तमाम की तमाम टीम्स अभी तक के लिए, जिस चीज़ की मैं दाद देना चाहूँगा इन टीम्स की, के बहुत सीरियस यहाँ पर खेला जरूर जा रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम अपनी रोटेशंस की बात की जाए तो मैप्स की हमारी आंखों के सामने यहाँ पर आ जरूर जाती है। अभी तक SIR का स्क्वाड अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा दूर जरूर रहता है, और आई बिलीव सो वाटर बॉडी से एक रोटेशन जरूर ली जाती है, एक बोट रोटेशन। बहुत अरसे बाद हमने यहाँ पर एक वाटर रोटेशन देखी है, क्योंकि अक्सर औकात हमें यहाँ पर वाटर रोटेशन नहीं देखने को मिलती, लेकिन SIR यहाँ पर बिल्कुल एक साउदर्न एच से जोन के एक रोटेशन जरूर दे रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करते चले तो SIR 2.0 का वो स्क्वाड जरूर रहता है, लेकिन जोन के अंदर वो वाहिद टीम रहेगी जो कि सबसे ज्यादा दूर रहेगी। लेकिन नार्कोस यहाँ पर हमारी स्क्रीन के ऊपर लाइव जरूर आ जाते हैं, स्पॉन्सर जरूर रहते हैं MGRL के सीजन 1 के, यहाँ पर स्पॉन्सर जरूर रह जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए दूसरे स्पॉन्सर के स्क्वाड की अगर बात करें तो प्लेज ऑफिशियल एक प्लेयर को अपने गवाह जरूर बैठते, लेकिन वहीं पर अ ह्यूज शाउट आउट टू SIR नार्कोस, ही इज द स्पॉन्सर, ये ही वो नाम रहते हैं प्रो न्यूबिज लाइव और SIR नार्कोस के, जिनकी वजह से ये इवेंट आपकी नजरों के सामने लाना यहाँ पर पॉसिबल बन पाता है, वरना शायद ये इवेंट कभी भी आप लोगों की आंखों के सामने लाना इम्पॉसिबल जरूर रहता। लेकिन Kudos to all the sponsor, लेकिन वहीं पर एक बेहतरीन रोटेशन की जानिब से दिखाई जरूर जाती है, और इस रोटेशन के चलते यहाँ पर देखने को हमें क्या मिलता है कि वाटर रोटेशन एक जरूर दिखाई जाती है, लेकिन दूसरी जानिब कुछ फाइट्स हमें यहाँ पर होती हुई जरूर दिखाई दे रही है, और उन फाइट्स की जानिब भी हम यहाँ पर जाएंगे। वो फाइट्स हमें क्या बताती है कि SIR साइरो यहाँ पर एक ऑलमोस्ट ब्लास्टेड यहाँ पर गाड़ी को लेकर, मिराडो को लेकर रोटेट जरूर कर रहे हैं। एक यहाँ पर अगर तो इनकी जानिब से एक और रखकर की जाती है, मैं यही बात कर रहा था कि वो भी इनको एलिमिनेट जरूर करा सकती है, लेकिन वहीं पर एयर की जानिब से उतर के क्या ही बेहतरीन तरीके क्रॉसर ओपनिंग की जाती है सार के बिल्ला के ऊपर, लेकिन वहीं पर एक पिन पॉइंट स्प्रे जाता हुआ और टीम प्लेयर को यहाँ पे नॉक जरूर करी, लेकिन बैक एंड से सेव है वो अकेले अभी तक के लिए कंफर्म जरूर कर लेंगे। यलमाज की जानिब से एक और प्लेयर को नॉक जरूर किया जाता है, लेकिन अब SIR साइरो भी यहाँ पर पुश इन जरूर करना चाह रही है। क्या यहाँ पर एसक्यू मैक्स ऑफिशियल ये दोनों टीम्स के किल अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म कर पाएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो पुश जाता है ये पुश यहाँ पर किस तरीके से कंक्लूड होता है, बिकॉज अभी तक के लिए प्लेयर की एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर अय्यर को मालूम नहीं रहती, अभी तक के लिए किस तरीके से ये यहाँ पर निकल कर आती है, क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई जाती है इनकी जानिब से, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन सेवे यहाँ पर से शेर खान को जरूर नॉक किया जाता है सेवे की जानिब से, सो क्या ही बेहतरीन स्टांस में वापसी एक दफा दिखाई दे रही है। एसक्यू मैक्स ऑफिशियल अपने उसी एग्रेशन को एक दफा दोबारा से यहाँ पर किक स्टार्ट किया जाता है, लेकिन रिवाइव होते हैं शेर खान, वहीं पर दोबारा से एक दफा ESR के यहाँ पर मॉन्स्टर का ग्रेनेड जाता है, उसके चलते शेर खान को दोबारा से नॉक करेंगे, अय्यर का ग्रेनेड जाता है यहाँ पर, डेंजर को नॉक किया जाएगा, और इसी के चलते टीम ESR का यहाँ पर खात्मा किया जाएगा। लेकिन नाउ इट्स अबाउट टू टीम्स, 4v4 की ये फाइट एसक्यू मैक्स ऑफिशियल वर्सेस SIR साइरो, वो टीम जो कि दोनों यहाँ पर टेबल के टॉप के ऊपर रहना पसंद करती हैं, क्या ही बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकलती है। लेकिन यलमाज का एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसी एंगल के चलते दो अच्छे नॉक्स निकाले भी जाते हैं। दिस इज द टाइम जहाँ पर एसक्यू मैक्स ऑफिशियल अब हमें चार्जिंग करती हुई दिखाई देगी, लेकिन शेर खान यहाँ पे यलमाज को नॉक करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, लेकिन यलमाज को अब यहाँ पर रिवाइवल देना बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर रहेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर स्लेयर और सेवी मौजूद रहते हैं, इस फाइट को कंक्लूड करना जरूर पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करते चले चौधरी की, चौधरी यहाँ पर रिवाइवल की कोशिश जरूर करेगी, लेकिन क्या वो रिवाइवल दिया जाता है, शेर खान की जाने से एक अच्छा ग्रेनेड पुल जरूर किया जाता है, सेवी के ऊपर ग्रेनेड जाता है, लो ऑन HP जरूर कर दिया जाएगा, चौधरी को भी तक के लिए यहाँ पे स्पॉट जरूर कर लिया जाता है, टैड की जाने से
कुछ डैमेज भी यहाँ पे दिया जरूर जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए चौधरी भी यहाँ पर हील को प्रेफरेंस जरूर देंगे। शेर खान की जानब से रिवाइवल दिया जा रहा है, टैड की जानब से यहाँ पे रिवाइवल दिया जा रहा है, दोनों ही तरफ टीम्स को रीसेट का मौका जरूर दिया जाता है। ऐसा यार सैरो यहाँ पे फोर मैन स्टैंडिंग रह जरूर जाती है। चौधरी को भी यहाँ पर आउट इन द ओपन पकड़ लिया जाता है, आउट करके ऑन फुट रोटेशन देने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर पुश आता है और क्या ही बेहतरीन पुश हमें देखने को मिलता है जरूर है स्लेयर का। दो प्लेयर को नॉक किया, तीसरे प्लेयर को भी तकली नॉक शुरू कर दिया जाता है। शेर खान यहाँ पर आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग जरूर रह जाते हैं फिलहाल के लिए, उनके ऊपर यहाँ पर पुश करने की कोशिश जरूर की जा रही है सैवी की, लेकिन शेर खान यहाँ पे आगे जाने की कोशिश करेंगे। सैवी अब यहाँ पर 1v1 की फाइट निकल कर आएगी। शेर खान वर्सेस सैवी, शेर खान की जाने से क्या बेहतरीन तरीके सैवी को पुल किया जाता है, लेकिन स्लेयर को भी बहुत ज्यादा लो एनएचपी करेंगे। ऑलमोस्ट एक क्लच मोमेंट यहाँ पर बचता हुआ, लेकिन स्लेयर की जाने से यहाँ पर बगैर हिल की ओपन में यहाँ पर दौड़ लगाई जाती है, अपने आईजीएल को बचाने की यहाँ पर कोशिश जरूर की जाएगी, बेहतरीन तरीके से कोशिश की जा रही है। क्या ये रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा? और उसका जवाब रहेगा जी हाँ, बेहतरीन यहाँ पर रिवाइवल की कोशिश की जाती है। पिन पॉइंट एचपी के ऊपर यहाँ पर चौधरी को रिवाइवल देने में कामयाब हो जाते हैं। स्लेयर अपनी एचपी भी लो जरूर रहती है, लेकिन दिस इज द टीम, ये रहती है यहाँ पर टीम स्पिरिट। क्या ही बेहतरीन तरीके से अपने किल से पहले यहाँ पर कोशिश की जाती है कि अपनी टीम्स को जरूर रिवाइवल दिया जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज पबजी मोबाइल एट दिस बेस्ट फॉर यू, टीम एचक्यूमएक्स ऑफिशियल एट इट्स बेस्ट। क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन फाइट निकाली जाती है, बेहतरीन फ्लैंक्स दिखाए जाते हैं, और उसके बाद एक बेहतरीन टीम गेम भी दिखाई जरूर जाती है। दिस इज वाई दे हैव बीन नोन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स ऑफ दिस कम्युनिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कूडोस टू द टीम, हैट्स ऑफ जिस तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाई जाती है एचक्यूमएक्स ऑफिशियल को। लेकिन खतरा अभी इनके लिए टला नहीं है, अगला खतरा इनके लिए यहाँ पर मौजूद जो रहेगा वो जोन रहेगा। किस तरीके से जोन को चेस किया जाता है बहुत बड़ा सवाल रहता है, क्योंकि जिस एरिया से यहाँ पर ये रोटेट करके जोन में जाएंगे हाथ इनके एरिया के अंदर, वहां पर पूरा का पूरा टीम रिटायर्ड यहाँ पर मौजूद रहती है, अपना पड़ाव डाल के बैठी रहती है। किस तरीके से यहाँ पर जोन में जाने में कामयाब होते हैं बहुत बड़ा सवाल रहता जरूर है, लेकिन वहीं पर SIR 2.0 जोन के अंदर आने में कामयाब जरूर हो जाते हैं और एक अच्छा स्पॉट यहाँ पर जोन में आ जरूर जाते हैं। उस अच्छे स्पॉट के चलते यहाँ पर एक अच्छी जगह लगती है, लेकिन उससे पहले नॉट ऑफिशियल हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाती है। अभी तक के लिए स्टेल्थीनेस दिखाई जाती है, एक पैसिव अप्रोच अपनाई जाती है, हालांकि हमने इस टीम को बहुत ज्यादा पैसिवली खेलते हुए नहीं देखा, हमने अक्सर देखा है कि एग्रेशन पसंद करती है, लेकिन वहीं पर पैंथर के FB यहाँ पर निकल कर आते हैं, PSK फिरोज FB की यहाँ पर एलिमिनेशन हमारी आंखों के सामने निकल कर आते हुए। लेकिन अगर बात करते चले यहाँ पर नॉट के स्निपी की, तो वो यहीं पर मौजूद जरूर रहते हैं। टीम रिटायर्ड के ऊपर यहाँ पर कुछ अपने क्रॉसेस बनाए जरूर जाते हैं अभी तक के लिए, बट अगर बात करें नॉट के सिम्बा की, तो वो यहीं पर मौजूद रहते हैं अच्छे तरीके से, यहाँ पर जो है पूरे की पूरी रिज को यहाँ पर अभी तक के लिए होल्ड किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर आरी के एक प्लेयर इनके यहाँ पर क्रॉसेस में आ जरूर जाते हैं, लेकिन सिम्बा को अब यहाँ पर देखना पड़ेगा। SQMX ऑफिशियल बी से एरिया से अभी तक के लिए रोटेशन देकर आ जरूर रही है। SQMX ऑफिशियल के रोटेशन की बात करें तो वो ब्रिज के यूज करते हुए रोटेशन देते हुए दिखाई जरूर देंगे, लेकिन दो टीम्स के दरमियान से निकल कर जाना पड़ेगा। अगर तो SQMX ऑफिशियल यहाँ पर इधर से रोटेट करके जोन में जाने में कामयाब होती है तो ये रोटेशन आज के दिन की सबसे बेस्ट रोटेशन रहेगी जरूर, लेकिन अगर तो वो नाकामयाब रहते हैं तो SIR 2.2 की रोटेशन अभी तक मेरी नज़र में सबसे बेहतर रहेगी जरूर। कल भी हमने देखा था मिरामार के मैदान के अंदर इन्होंने टोटल ईस्टर्न साइड मिरामार की फ्रॉम द वेरी टॉप टू द बॉटम इनकी जानब से रोटेट किया जाता है, तो अक्सर यहाँ पर एक्सटेंसिव रोटेशन हमें दिखाई जरूर जाती है। SIR नार्कोस की जानब से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखते हैं, एट टाइम्स यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर दिखाई जरूर जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते चले हमारे PSL के मैच की, तो एक और यहाँ पर विकेट ली जरूर जाती है 128/6 अभी तक के लिए। अगर हमारे जो फाइनल रहता है PSL का वो भी यहाँ पर एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे रहता जरूर है। इट इज 32 रन रिक्वायर्ड ऑन जस्ट 22 बॉल्स, वो एक अच्छा टोटल यहाँ पर रोका जरूर था, लेकिन अभी तक के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी कुछ मुश्किलें जरूर दरपेश आएंगी जिस तरीके से फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारी टीम्स को जोन को चेस करने के अंदर मुश्किलें दरपेश आ रही है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी तो लीग स्टेजेस रहेंगी, लेकिन PSL अपने फाइनल को यहाँ पर पहुंच जरूर जाते हैं, और कुछ ही दिनों में यहाँ पर MGRL भी अपने फाइनल्स के मैचेस आपकी आंखों के सामने इसी चैनल के ऊपर लाइव जरूर दिखाएगा। और उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अगर अभी तक के लिए बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, बिकॉज फाइनल्स के आम मैचेस हमारे पास नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर खेलते हुए जरूर दिखाई देंगी ये टीम। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं ये बात जरूर करता चलूं कि अगर तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर कर दीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कर दे, अगर अभी तक के लिए लाइक नहीं किया स्ट्रीम को तो एक दफा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चौधरी हमारी आंखों के सामने यहाँ पर आ जरूर जाते हैं, फिलहाल के लिए हाथ इनके आइलैंड के ऊपर इनकी जानिब से एंट्रेंस जरूर ले ली जाती है, लेकिन अब यहाँ से आगे किस तरीके से रोटेट किया जाएगा। लेकिन वहीं पर सैवी की जानिब से एक साइबर ट्रक हमें दिखाया जाता है, साइबर ट्रक के अंदर यहाँ पर रोटेट करके आते हैं फिलहाल के लिए
हील जरूर कर रही है लेकिन वहीं पर ऑन टॉप। जानते हैं कि हस्सा मारी के ऊपर मौजूद जरूर रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर हम यहाँ पर हमारे मैप की जानिब भी जाएंगे, बिकॉज हम देखेंगे कि मैप हमारा हमें क्या कहानी सुनाता है। मैप हमारा हमें जो कहानी सुनाएगा वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जरूर रहेगी। और मैप हमें क्या कहानी सुनाता है कि एक और एक्सट्रीम ईस्टर्न शिफ्ट जरूर जाता हुआ क्या ही बेहतरीन शिफ्ट यहाँ पर जोन लेकर जाता है। स्टिल 20-25-30% जोन जो है वो वाटर बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, अनप्लेबल रहेगा टीम्स के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई टीम यहाँ पर अब एडवांटेज में है तो इट इज़ SIR 2.0, जिनको थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ऑन बोट रोटेशन दी जाती है, वाटर रोटेशन के चलते बेहतरीन तरीके से बेहतरीन स्पॉट लेने में कामयाब जरूर हो जाते हैं जोन के। लेकिन इन्फर्नो आपको अब यहाँ पर होशियार रहना है, क्योंकि आपके पीछे एक टीम मौजूद जरूर है। टीम रिटायर्ड वहाँ पर मौजूद जरूर रहती है, रिटायर्ड के सेवन यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन वहीं पर टीम VRX वो भी एंट्री जरूर ले रही है जोन के अंदर, साउदर्न एज के ऊपर मौजूद रहते हैं। लेकिन SQMAX ऑफशिप की रोटेशन की बात करें अगर, वो जिस एरिया के बजा रहे चौधरी की जानिब से, यहाँ पर सैवेज को नॉक भी किया जाता है। क्या ही कर रही है ये टीम। अगर हम वहाँ पर हमारी बड़ी स्क्रीन की जानिब जाएं तो सैवी अभी तक के लिए 5 किल उठा चुके, टोटल 9 किल्स अभी तक के लिए इस टीम के पास मौजूद जरूर रहेंगे। लेकिन एक और प्लेयर को स्पॉट किया जाता है सैवी की जानिब से, स्प्रे दागा जरूर जाता है, नॉक अभी तक करने से कासिर रहेंगे, लेकिन फाइनली वो नॉक निकल कर आता है, वो फाइनल बुलेट्स लैंड कराने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। एक और प्लेयर को यहाँ पर स्पॉट करने की कोशिश जरूर की जा रही है सैवी, अभी तक के लिए क्या ही बेहतरीन यहाँ पर हमें फॉर्म में दिखाई जरूर दे रहे हैं। जानते हैं सैवी की पोजीशन को, यहाँ पर कुछ शॉट भी दागे जरूर जा रहे हैं और सैवी यहाँ पर एक और नॉक निकाल के आते जरूर है। क्या एक और अच्छा बल्ली फोर इनकी जाने से देखने को मिलेगा या नहीं, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। रिटायर्ड का आखिरी प्लेयर यहाँ पर चौधरी की जाने मौजूद जरूर रहता है और अब चौधरी को यहाँ पर नॉक भी किया जाता है। किस तरीके यहाँ पर सैवी की जानिब से वो कवर फायर लैंड कराया जाता है, सैवी की जानिब से आगे जाया जरूर जाता है, स्लेयर को भी फ्लैश की जानिब से नॉक जरूर कर दिया जाता है, बट वहीं पर स्लेयर फिनिश जरूर हो जाएंगे। लेकिन आखिरी प्लेयर का किल जो है वो बैक एंड से कंफर्म जरूर हो जाएगा। आरी का रेड है यहाँ पर, वो किल कंफर्म करते हुए दिखाई जरूर देंगे। 11 किल्स के ऊपर SQMAX ऑफिस का स्क्वाड पहुंच जरूर चुका है, लेकिन ये किल नंबर से इनफ नहीं रहेंगे, आपको एक अच्छी प्लेसमेंट पॉइंट भी कुछ लेके जाने हैं, किसी अच्छे स्पॉट के ऊपर फिनिश ऑफ जरूर करना है, बहुत जरूरी रहेगा अभी तक के लिए। लेकिन वहीं पर आरी वर्सेज SQMAX ऑफिशियल भी अब यहाँ पर पॉसिबल होता हुआ जरूर दिखाई देगा। रशर फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बैक एंड के ऊपर मौजूद रहेंगे। NA7 की अगर बात करते चले तो बैक एंड से प्रोनोबिस लाइव का फायर आता हुआ, दो प्लेयर को नॉक करने में कामयाब रहते हैं, फिनिश भी यहाँ पर करने की कोशिश जरूर की जा रही है। एक प्लेयर को फिनिश किया जाएगा, दूसरे प्लेयर को फिनिश करने में फिलहाल के लिए कासिर जरूर रहेंगे। रिवाइवल शायद घोष की जानिब से दे जरूर दिया जाए, लेकिन इस रिवाइवल के बाद क्या यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे बहुत मुश्किल रहेगा, बिकॉज फिलहाल के लिए ये जोन तो यहाँ पर इनको नहीं बचने देगा। गोस्ट भी यहाँ पर एलिमिनेट जरूर हो सकते हैं, वहीं पर एक दफा दोबारा से आउट ऑफ जोन ये एलिमिनेट जरूर हो जाएगा। शाम की जानिब से किल जरूर डिनाई किया गया था और आखिरी के लिए यहाँ पर प्रोनूब अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म जरूर कर लेंगे। प्रोनूब अभी तक के लिए आउट ऑफ जोन जरूर मौजूद रहते हैं, लेकिन कुछ बेहतर किल पॉइंट्स उनकी जानिब से पिक जरूर कर लिए जाते हैं, क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस की जानिब से निकल कर आती है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें VSK LEOP, उनको भी यहाँ पे नॉक जरूर कर दिया जाएगा। वोल्टी फिलहाल के लिए आउट ऑफ जोन एलिमिनेट जरूर हो जाएंगे। 4R के बस यहाँ पर RE के लेजेंड को जरूर एलिमिनेट करेंगे, लेकिन बोरेक्स को अब यहाँ पर अपने उस एरिया से उतरना पड़ेगा जिस टेबल के ऊपर चढ़ के इनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से थोड़ी सी ऊंचाइयों को जरूर टच किया जाए, लेकिन ऊंचाइयों से एक दफा वापस यहाँ पर आएंगे जरूर। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा ये कि अब ये मैच किस तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचे। क्यों वोल्डी यहाँ पर एलिमिनेट जरूर हो जाते हैं, पीरो अपनी टीम के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग जरूर रहते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर किया जाता है। पीरो का किल भी यहाँ पर 4R के शैतान जरूर अपने बैक में कंफर्म करेंगे। 4 Rivals का बैक टू बैक एक और अच्छा मैच जाता हुआ, पिछले मैच भी हमने देखा था कि 4 Rivals क्या ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा रही है। लेकिन वहीं पर प्लेज ऑफिशियल के भी एक और प्लेयर को नॉक किया जाएगा, एक्सपीरिया को भी यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाता है। प्रोनूबिस लाइव अब यहाँ पर बच जरूर जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर हमारे स्पॉन्सर अपनी टीम को बचाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा। एक किल उनके बैकपैक के अंदर कंफर्म जरूर हो जाएगा। वी आर डाउन टू द लास्ट 6 टीम्स, यहाँ पर VSK भी 2 प्लेयर्स मौजूद रहते हैं, आगे जोन के अंदर जाने की कोशिश जरूर की जा रही है, बट प्रोनूबिस लाइफ कहाँ पर मौजूद है। प्रोनूबिस लाइफ फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा आउट ऑफ जोन मौजूद रहेंगे, कुछ हील बैटल्स करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अली अपनी ही गाड़ी के नीचे यहाँ पर आके मर जरूर जाएंगे। लेकिन बोरेक्स अब यहाँ पर लास्ट मैन स्टैंडिंग जरूर रहेंगे और बोरेक्स को भी फिलहाल के लिए एलिमिनेट जरूर कर दिया जाएगा। द गुड थिंग इज यहाँ पर प्रोनूबिस लाइफ अपने लिए एक और पोजीशन पॉइंट जरूर ऊपर ले जाएंगे, लास्ट 5 टीम स्टैंडिंग जरूर रहती हैं और वहीं पर वो लास्ट 5 से लास्ट 4 जरूर हो जाएंगी प्रोनूबिस लाइफ के एलिमिनेट होते साथ ही। लेकिन अभी तक के लिए अगर बात करें हमारी टीम्स की तो 4-man squad यहाँ पर 4 Rivals का रहेगा जरूर, एक और अच्छा मैच अपने लिए निकालने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। लेकिन आरी के रशर वहाँ पर MES के चौधरी को नॉक जरूर करेंगे, लेकिन रशर वाइटी के बैक पर इन्फर्नो का किल जरूर कंफर्म हो चुका है। सैवी अब यहाँ पर बच जाते हैं, लेकिन नार्कोस अब यहाँ पर क्या कहते हैं, सैवी की जाने से यहाँ पर आगे जाने की कोशिश जरूर की जा रही है।
वो प्लेयर जो कि अभी तक के लिए सबसे ज्यादा खेल अपने बैक पैक में यहाँ पे कंफर्म जरूर करते हैं, उसको बैक एंड से यहाँ पर बहुत लो एनएचपी जरूर कर दिया जाए, लेकिन टाइमली रिफ्लेक्सेस दिखाए जाते हैं, प्रोन डाउन किया जाता है, लेकिन शैतान के इस ग्रेनेड के चलते क्या यहाँ पर कोई एलिमिनेशन निकल कर आएगी, क्योंकि एक ग्रेनेड सामने से आता जरूर है, लेकिन अब कोशिश जरूर की जा रही है कि अपने प्लेयर को यहाँ पर रिवाइवल दिया जाए। और यही बात मैं जानता हूँ इस टीम की कि अपने रिवाइवल्स को इस तरीके से प्रायोरिटाइज किया जाता है कि जैसे अपना एक प्लेयर भी गंवाने नहीं आइए, बेहतरीन यहाँ पर टीम गेम दिखाई जरूर जाती है स्क्वाड की जानिब से, लेकिन वहीं पर फोर राइवल्स क्या ही बेहतरीन यहाँ पर फाइट निकाल के जाते हैं, एफआईआर 2.0 को मैच से बाहर किया जाता है, 4R के प्लेयर्स यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आते हैं जरूर है, लेकिन फवाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स इनके एक अच्छे स्पॉट के अंदर मौजूद जरूर, अगर तो उनको यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो एक चिकन डिनर के कंटेंडर बन जरूर सकते हैं, लेकिन वहीं पर हील बैटर को जरूर प्रेफरेंस दी जाती है। किस तरीके से अब ये मैच अपने अख्ताम को पहुंचेगा, बिकॉज आरी इस मैच के अंदर एलिमिनेट जरूर हो जाएगी, लास्ट यहाँ पर अपने दूसरे पैदान पे पहुंचा जरूर जाता है, 4v2 की ये फाइट रहती जरूर है जो कि बहुत जल्द शायद 4v3 में तब्दील हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए फवाद जोन के अंदर जाने में कामयाब जरूर हो जाएंगे, वसी भी फिलहाल के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं रहते, SQMax ऑफिशियल के लिए फिलहाल के लिए ये फाइट 2v2 की जरूर रहती है, और इस फाइट को इसी वक्त यहाँ पर अपने जो इख्तिताम को पहुंचाना जरूर होगा, क्योंकि एक अच्छा ग्रेनेड जाता है यहाँ पर सैवी का, लेकिन उसी के यहाँ पर चौधरी का एक फॉलो अप मोलोटोव आता है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर एलिमिनेशन जरूर निकाली जाती है, लेकिन इन रिटेलिएशन शैतान यहाँ पर चौधरी को नॉक जरूर कर देंगे, सैवी की जानब से यहाँ पर रिवाइवल जरूर दिया जा रहा है, सैवी यहाँ पर फिलहाल रिवाइवल के लिए बैठे हुए जरूर है, लेकिन शैतान की जानब से आगे जाया जाएगा, सादिया को यहाँ पर रिवाइवल देने की कोशिश जरूर की जाएगी, फिर बैक एंड के ऊपर फवाद भी इस फाइट के अंदर अब इन्वॉल्व होने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन SQMax ऑफिशियल को अब जोन के अंदर जाना है, वो टाइम था कि जहां पर जा सकते हैं, लेकिन क्या फवाद की यहां पर लोकेशन का पता है, अगर तो फवाद की लोकेशन का नहीं पता तो वो बहुत बड़ा एक अपसेट हो जरूर सकता है। SQMax ऑफिशियल अपने लिए पहला चिकन डिनर लीग स्टेजेस का ले रहे हुए बहुत करीब आ जरूर जाते हैं, लेकिन इनके सामने यहां पर 4 प्लेयर्स अभी तक के लिए मौजूद रहते हैं 4R के, वसी यहाँ पर प्लेएबल नहीं रहते, लेकिन चौधरी को एक दफा दोबारा से बहुत लो एनएचपी जरूर कर दिया जाता है, लेकिन कुछ स्मोक ट्रेल्स बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दागी जरूर जाती है, लेकिन उसमें उससे पहले ही सादिया का एक अच्छा ग्रेनेड आता है, सैवी को यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाएगा। चौधरी की बात करते चले तो उनकी जाने से जोन के अंदर जाने की कोशिश जरूर की जा रही है, एक 1v3 की फाइट यहाँ पर जरूर लेने की कोशिश करे, लेकिन स्मोक्स के अंदर ही बहुत लो एनएचपी जरूर कर दिया जाता है, अब हील भी यहाँ पर कर देंगे जरूर, लेकिन इनके पास फर्स्ट एड मौजूद नहीं रहती, और उसी के चलते यहाँ पर 4 राइवल्स एक और चिकन डिनर अपने नाम करके जाती हुई, चिकन डिनर यहाँ पर हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाता है, बेहतरीन तरीके से ये परफॉर्मेंस दिखाई जाती है इन टीम्स की जानिब से। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज पबजी मोबाइल एट इट्स बेस्ट, 4 राइवल्स बैक टू बैक कुछ अच्छे मैचेस अपने निकाल के जाते जरूर है, और हम यहाँ पर जाएंगे हमारी अगर स्टार ऑफ द मैच की बात करें तो सैवी यहाँ पर निकल कर आते हैं MVP की फेरिस में, अपना नाम सरे फेरिस दिखाते हैं, वे 7 एलिमिनेशन निकाली जरूर जाती हैं, और वहीं पर सैवी ही बेस्ट कंपेनियन भी रहते हैं, 3 बेहतरीन रिवाइवल्स अपनी टीम को दिए जरूर जाते हैं, और शैतान वो फिनिशर का खिताब अपने नाम करके जाते हुए 2 दफा इनकी जानिब से 2 असिस्ट दिए जाते हैं, और 5 टोटल किल्स अपने नाम किए जरूर जाते हैं, और ये थी इस मैच की समरी, और इसी के बाद हम यहाँ पर जाएंगे जरूर हमारे नेक्स्ट मैच की जानिब, लेकिन उससे पहले वी विल गो ऑन अ वेरी शॉर्ट ब्रेक लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद हम यहाँ पर आपसे मिलेंगे हमारे आज के दिन के चौथे मैदान के साथ, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वी विल बी राइट बैक।
Assalamualaikum नाज़रीन व ज़ानन, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम ऑफ MGRL सीजन 1. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर हियर आफ्टर द विन ऑफ इस्लामाबाद इन द PSL सीजन 9. एंड लेडीज, व्हाट अ ब्यूटीफुल विन फॉर दैट. एंड दिस टाइम वी हैव बीन गिवन अ डेट दैट वी हैव टू कास्ट द होल मैच इन बर्गर. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव वन द मैच. This is the time when every Islamabadi is out there in the streets to celebrate the victory. But before that, ladies and gentlemen, what we have in front of our screens, this is the team, not official, in the well of death. He is there. He is this looting. Darinda is there looting. Ladies and gentlemen, but first of all, I would like to congratulate you all, ladies and gentlemen, on the victory of Islamabad United in the PSL 9. This was the reason why the casting was delayed, but the match was right in front of your screens. Ladies and gentlemen, we have been busy in the match of PSL 9, the final match, still won by Islamabad United. But yahi par hum wapas zarur aayenge hamare apne match ki janib, kyunki ek dafa yahan par jo hai jo hamara match tha wo apne ikhtitam ko pahunch zarur chuka hai, lekin dusra match yahan par hamari jo aankhon ke samne filhal ke liye maujood hai, aaj ke din ka dusra mera maar rehta hai. चौथा मैच रहेगा जरूर, नॉट ऑफिशियल अभी तक के लिए हमारी स्क्रीन के ऊपर मौजूद जरूर रहती है. लेडीज जेंटलमैन, यहाँ पर आप लोगों ने शायद थोड़ी सी कास्टिंग को मिस जरूर किया होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं किया क्योंकि मैं मशरूफ था यहाँ पर PSL का फाइनल देखने के. उधर क्या बेहतरीन यहाँ पर फाइनल खत्म होता है. इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी जो जीत के राह है उसको हमवार करती है बेहतरीन तरीके से. जिस तरीके से इस्लामाबाद की जानिब से जीता जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर भी कौन सा एक नाम निकल कर आएगा. क्या वो SQMax ऑफिशियल का नाम रहेगा, या फिर SAR रॉयल्स रहेंगे, या फिर कोई और नया नाम यहाँ पर हमें इस तरह इस लेवल की डोमिनेशन दिखाता हुआ मिलेगा. ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें थोड़ी देर में पता ज़रूर लगेंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर बात करते चले हमारे स्पॉन्सर्ड स्क्वाड की, स्पॉन्सर स्क्वाड प्रो न्यूबिस लाइव हमारी आंखों के सामने यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं. सैन मार्टिन के एरिया को अपने लिए यहाँ पर लूट जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल के लिए टीम टैग ऑफिशियल साउदर्न एच के ऊपर बात करते चले सो प्रिजन आइलैंड को मौजूद जरूर रहती है. बट प्रो रूम इज लाइव राइट इन फ्रंट ऑफ अवर स्क्रीन, और इसी के साथ उनको एक झटके के साथ शायद यहाँ पर रुकना पड़ जाता है. क्या हो गया यहाँ पर प्रो रूम लाइव को, शायद वो जानते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, तो स्क्रीन को एंजॉय जरूर किया जा रहा है उनकी जानिब से. लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल के लिए यहाँ पर हम बात करते चले, अगर जोन अपनी पहली करवट खाता हुआ, दूसरी करवट इनफेक्ट खाता हुआ, और एक और ईस्टर्न शिफ्ट यहाँ पर सर्कल का जाएगा जरूर. बहुत सी टीमें यहाँ पर आउट ऑफ जोन मौजूद जरूर रहेंगी, लेकिन SIR रॉयल्स की अगर बात करते चले सो वो अभी तक के लिए यहाँ पर मौजूद जरूर है. चुमासिरा के एरिया के अंदर वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं. SQMax ऑफिशियल यहाँ पर सैन मार्टिन के एरिया से रोटेट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं. रिडेम्पशन मैच है उनका, ये पहला मैच उन्होंने मिस किया था, अगला मैच भी खेलते हुए दिखाई जरूर देंगे. क्या यहाँ पर अपने उस पहले पायदान को हासिल किया जाएगा या नहीं, जबकि ये आखिरी मैच रहेगा SIR रॉयल्स का. अभी तक के लिए हमने पॉइंट्स टेबल यहाँ पर देखा था पिछले दिन का, जिसके अंदर हमारी नज़रों के सामने SIR साइरो मौजूद रही थी टॉप के ऊपर. SIR रॉयल्स अभी तक के लिए #2 के ऊपर मौजूद थी, लेकिन आज का दिन SIR साइरो को कुछ खासा बेहतरीन जाता नहीं है. कोई ना कोई टीम उनको ओवरकम जरूर कर चुकी होगी. फोर राइवल्स वो एक नाम जरूर रहता है जो ओवरकम जरूर कर सकता है, क्योंकि क्या ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस फोर राइवल्स की जानिब से दिखाई जाती है. दो बैक टू बैक चिकन निकाले जरूर जाते हैं, बट वीके की स्क्वाड हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाती है. हंटर को यहाँ पर एलिमिनेट कराया था, बिलाल भी यहाँ पर एलिमिनेट जरूर करा दिए गए थे, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी देर में अपनी मैप की जानिब भी जाएंगे जरूर. फिलहाल हमारी स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई दे रहे वीके के गालिब, बट जैसे ही हम मैप के ऊपर यहाँ पर जाते हैं तो मैप हमें क्या कहानी बताता है, मैप हमें यह कहानी बताता है कि PS ऑफिशियल्स अभी तक के लिए लॉस लियोनिस के एरिया के अंदर मौजूद है. वहीं पर टैग ऑफिशियल्स अभी तक के लिए उनको भी जोन के अंदर रोटेट करके जाना है. बहुत ज़्यादा दूर ज़रूर रहते हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा आई बिलीव अगर कोई जोन से दूर रहेगा तो टैग ऑफिशियल का ही वो स्क्वाड रहेगा, लेकिन जोन के अंदर जाना उनके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा. लेकिन फिलहाल के लिए अगर हमारे प्लेज ऑफिशियल की बात की जाए तो वो भी यहाँ से रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं. जानते हैं कि एक बहुत बड़ा क्लस्टर अब उनके एरियाज के अंदर बनने वाला है, उन क्लस्टर को अवॉइड किया जाता है या फिर यहीं पर रहकर फाइट्स की जाती है. लेकिन उससे पहले SIR रॉयल्स की यहाँ पर एक फ़ाइट छिड़ ज़रूर जाती है. अभी तक के लिए SIR रॉयल्स यहाँ पर एक फाइट में आ जाती है आरी के खिलाफ, आई बिलीव सो वो स्क्वाड फाइट में आती जरूर है. मॉर्टल की बात करते चले तो हमारी स्क्रीन के सामने आ जरूर जाते हैं. अभी तक के लिए टोटल 5 बेहतरीन किल निकाले जरूर जाते हैं. SIR साइरो के खिलाफ ये फाइट रहती जरूर है, इनिशियल्स के अंदर फाइट जरूर ली जाती है SIR साइरो से, अपने ही दूसरे स्क्वाड से फाइट ली जाती है. 5 किल अभी तक के लिए करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं. बेनकाय के बैकपैक में अभी तक के लिए हमें कोई किल दिखाई नहीं देगा. अफान रहते जरूर है बेनकाय के नाम से, अभी तक के लिए हमने देखा है कि खेल जरूर रहे हैं, लेकिन उनके बैक में कोई किल मौजूद नहीं रहेगा. वहीं पर मिटेलो की जानिब से 2, मॉर्टल की जानिब से 2, और स्कॉर्पी 1 किल अपने बैकपैक में कंफर्म करने के लिए कामयाब जरूर रहते हैं. 5 टोटल किल टैली अभी तक के लिए SIR रॉयल्स की पहुंच जरूर चुकी है. विल बी दे कंटेंडर ऑफ द फर्स्ट स्पॉट इन लीग स्टेजेस, और देयर विल बी अनदर नेम
हमने देखा है कि एस क्यू मैक्स ऑफिशियल अभी तक के लिए कुछ खास खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती, बट क्या यहाँ पर अब टीम यहाँ पर करती है, बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए ये रहेगा ज़रूर। फिलहाल के लिए हीलिंग्स को ज़रूर प्रेफरेंस दी जा रही है, हीलिंग्स यहाँ पर दिखाई ज़रूर जा रही है, लेकिन ऐसे ही रॉयल्स अभी तक के लिए सेफ ज़रूर रहती है। लेकिन अगर बात करें मॉर्टल की तो वो यहाँ पर ज़रूर रहती है, लेकिन वहीं पर अगर एक और फाइट की बात की जाए, एक और फाइट हमारी आंखों के सामने यहाँ पर रूनमा होती हुई दिखाई ज़रूर देगी थोड़ी देर के अंदर। वो वक्त आ जाता है जब एन एस एवन के जिनी यहाँ पर आ जाते हैं, प्लेज ऑफिशियल के खिलाफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज आ जरूर जाया जाता है। गोकू की जानब से कुछ M24 के शॉट दागने की कोशिश की जाती है, बट गोकू की जानब से अब यहाँ से थोड़ा सा फॉल बैक ज़रूर किया जाएगा। क्या यहाँ पर गोकू कुछ अच्छे नॉक्स निकाल पाएंगे या नहीं, बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए डिस्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है, और उसी डिस्टेंस के चलते फिलहाल के लिए यहाँ पर टोनू बिज लाइव रोटेशन देकर अपनी थोड़ी सी यहाँ पर इनकी गाड़ी बर्स्ट होने के बहुत करीब थी, लेकिन द गुड थिंग इज सेफ एंड साउंड यहाँ पर मॉन्टेन्योवो के करीब जो स्क्वाडोस रहते हैं वहाँ पर पहुंचे। लेकिन वहीं पर टीम XRS वर्सेस VK एक और फाइट यहाँ पर हमें किलफ्लीट के अंदर रूनमा होती भी दिखाई देती है। हर तरफ फाइट्स का एक समा बन जाता है कि जैसे हर टीम यहाँ पर सेलिब्रेशन दिखा रही हो। और इसी के साथ में एक दफ़ा दोबारा से ये बात करना चाहूँगा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने देखा कि क्या ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL 9 का खिताब अपने नाम करके जाती है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल टूर्नामेंट जो उन लोगों ने यहाँ पर हमें दिखाया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन वहीं पर अगर बात करते जो लोग हमारी टीम में मौजूद, हमारी स्क्रीन पर मौजूद रहती है टीम, प्लेज ऑफिशियल का वो स्क्वाड रहता है ज़रूर है, लेकिन इनकी जानब से भी अब तक के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। कल के दिन मीरामार के ऊपर एक चिकन डिनर निकाला ज़रूर था, आज के दिन वो चिकन डिनर अभी तक के लिए निकालने में नाकामयाब रहे, लेकिन क्या ये वो मैप रहेगा जहाँ पर ये चिकन डिनर निकाल पाएंगे या नहीं। आखिरी मैच खेल रही है प्लेज ऑफिशियल भी, ये इससे अगला मैच ये नहीं खेलते हुए दिखाई। लेकिन यलमाज जाते हैं, गोकू को नॉक करते हैं, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। एक और पहला किल यलमाज यहाँ पर अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म करने में कामयाब जरूर होते हैं। वहीं पर दूसरी जानब कार 98 को एटेक्स को उसको ओपन खोला जरूर जाता है, जानते हैं टीम्स कहाँ पर मौजूद, लेकिन टीम XRS सब एरिया के अंदर मौजूद रहती है। बैनकाई की अगर बात की जाए, सो बैनकाई अभी तक के लिए यहाँ पर जा जरूर चुके हैं, इनके बिल्कुल सामने PS Tunners का स्क्वाड जरूर रहता है। एक और फाइट इनकी जानिब से यहाँ से ज़रूर स्टार्ट की जाएगी, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं SQMax ऑफिशियल और टीम रिटायर्ड भी इनके बहुत ज़्यादा क्लोज रहेगी ज़रूर। बैनकाई जिस एरिया के अंदर मौजूद है कुछ अच्छे किल्स निकाल जरूर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से ज़रूर बच के रहना है। फिरोज़ को यहाँ पर नॉक जरूर किया जाता है बैकेंड से, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड जाता है अफान का अभी तक के लिए। लेकिन वहीं से जिस थर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा था, टीम रिटायर्ड के सैवेज यहाँ पर और सैफी दोनों मिलकर यहाँ पर बैनकाई को कुछ डैमेज करने की कोशिश करते हैं, डैमेज करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए नॉक ना हो पाते हैं उनसे। यहाँ पर लो ऑन HP रहेंगे, लेकिन मॉर्टल यहाँ पे क्लोज से जरूर कर सकते हैं। मॉर्टल की जानिब से आगे आया जरूर जाते हैं, मुझे को यहाँ पे नॉक जरूर कर दिया जाएगा, दो अपने नॉक जरूर। मॉर्टल यहाँ पे ग्रेनेड के इनके हाथ में मौजूद रहता है, ग्रेनेड यहाँ पे सही से कर नहीं पाते, लेकिन मॉर्टल को नॉक किया जाता है। वहीं पर थक को भी नॉक जरूर कर दिया जाएगा, थक को एलिमिनेट कर देते साथ यहाँ पर मिटेलो के ऊपर एक अच्छा ग्रेनेड जाता है, बहुत लो एन HP जरूर हो जाएगा। मिटेलो को भी यहाँ पर स्टेप अप करना पड़ेगा, खुद को हील भी करना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर स्कॉर्पियो आ जाते हैं, मॉर्टल को यहाँ पर रिवाइव जरूर दिया जाएगा। लेकिन टीम रिटायर्ड सबसे बड़ा खतरा रहेगी इन दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि अगर तो उनकी जानब से वो टॉप पर जाके टाइमली होल्ड की जाती है तो ये तमाम किल्स अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म जरूर करा पाएंगे। अगर PS Tunners की बात करें तो मेंटी यहाँ पर रिवाइवल जरूर दे रहे हैं, रिवाइवल का प्रोसेस उनके इनिशिएट किया जाता है, खत्म भी कर दिया जाता है, रिवाइवल दे भी दिया जाता है। फिलहाल के लिए अगर बात की जाए, एक प्लेयर को थक को अभी तक के लिए गवाया जरूर जाता है, लेकिन थ्री मैन स्टैंडिंग वो जरूर जाते हैं। फिरोज अभी तक नॉक जरूर है, फिरोज को रिवाइवल दे पाएंगे यानी बहुत बड़ा सवाल रहता जरूर है, बिकॉज उनके सामने फिलहाल के लिए SIR रॉयल्स मौजूद है। लेकिन बैकेंड के ऊपर टीम रिटायर्ड भी आ जरूर जाती है, हबशी की जानब सारी के टॉक्सिक को भी बैकेंड के ऊपर कहीं ना कहीं जो है नॉक जरूर निकाला जाता है। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, फिलहाल के लिए ये थ्री वे फाइट किस तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचेगी, जो सबसे ज़्यादा ग्रेट एडवांटेज की बात की टीम रिटायर्ड के पास रहेगी, लेकिन सैबिक को बहुत लो एन HP जरूर किया जाता है। वहीं पर अगर बात की जाए SQMax ऑफिशियल वर्सेज NS7, वो भी एक फाइट चल रही है। यलमाज को एक दफ़ा फिर से इनिशियल्स के अंदर एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है, चौधरी की जानब से कुछ रिटेलिएशन नॉक्स निकाले जाते हैं, दो से तीन प्लेयर्स को NS7 के अभी तक के लिए नॉक जरूर किया जाए। लेकिन सैफी प्लेयर्स का यहाँ पर एक ग्रेनेड जाएगा, मॉडल को नॉक करेंगे, स्कॉर्पियो भी साइड पुशिंग जरूर करेंगे, टीम रिटायर्ड वर्सेज SIR रॉयल्स यहाँ पर आए जरूर जाएगी। PS Tunners अभी तक के लिए थोड़ा सा उनको टाइम जरूर दे दिया जाएगा, वहां पर ब्रीथ करने का कुछ थोड़ी बहुत सांसें जरूर ली जाएंगे, रीसेट करने का PS Tunners के पर टाइम जरूर आ जाता है। लेकिन बैक एंड से आशिर प्लेज आउट ऑफ नोवेयर एक नॉक निकालते हैं, प्लेज ऑफिशियल भी इसी फाइट के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखा जरूर रही है, मल्टीपल थर्ड पार्टीज हमें देखने को मिल रही है। बैक एंड से एक और दफा यहाँ पर फायर आता हुआ टीम प्लेज ऑफिशियल, सैफी भी बहुत लो एन HP करेंगे, लेकिन मेंटी यहाँ पर मिटेलो को नॉक जरूर करेंगे, बहुत मुश्किल यहाँ पर बन जरूर चुकी है टीम SIR रॉयल्स के लिए। मॉर्टल भी यहाँ पे लास्ट मैन स्टैंडिंग जरूर रहते हुए मुजरिम जाएंगे, बैनकाई का खेल अपने बैकमैन कन्फर्म जरूर किया जाएगा। फ्लैश अब यहाँ पर PS Tunners के ऊपर एक
पुश जरूर दिखा रहे हैं, हर तरफ यहाँ पर थर्ड पार्टीज दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन SIR रॉयल्स इन थर्ड पार्टीज का फायदा उठाते हुए एक वर्चुअल कवर के अंदर खुद को यहाँ पर रिवाइवल जरूर दिए जा रहे हैं। टीम रिटायर्ड वर्सेज PS टर्नर्स, अब ये वो फाइट हो चुकी है थोड़ी देर पहले, जहाँ पर PS टर्नर्स को मौका दिया गया था रीसेट करने का, वो मौका SIR रॉयल्स को दिया जरूर जा चुके, एक प्लेयर को फिलहाल के लिए एलिमिनेट जरूर कराया जाता है, लेकिन वहीं पर मेंटी यहां पर आएंगे रिटायर्ड के फ्लैश को अभी तक के लिए S12 के चलते यहां पर एलिमिनेट जरूर कर दिया जाएगा। सेवेज अब यहां पर पुशिंग जरूर करने की कोशिश करेंगे, अच्छा मोलोटोव दागा जरूर जाएगा, लेकिन वहां पर कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन SIR रॉयल्स वो वापस फाइट के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। मेंटी अभी तक के लिए ऊपर मौजूद रहते हैं, मिटेलो आते हैं, मिटेलो की जानब से सैफी को नॉक जरूर कर दिया जाता है, वहीं पर सामने जाएंगे मेंटी यहाँ पर निकलेंगे, मेंटी की जानब से सैवेज को भी यहाँ पर नॉक जरूर कर दिया जाएगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई जरूर जा रही है रिटायर्ड के आखिरी प्लेयर माफिया अभी तक के लिए सर्वाइव करे, स्कॉर्पियो को यहाँ पर नॉक करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, वहीं पर मॉर्टल का ग्रेनेड जाता है, मुजिम को नॉक जरूर करेगा, लेकिन मिटेलो आएंगे DBS के जो है शॉट आता हुआ, लेकिन वहीं पर PS ऑफिशियल भी अब यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन मॉर्टल आएंगे पावर शो को यहाँ पर डाउन जरूर करेंगे, लेकिन SIR रॉयल्स अभी तक के लिए क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है इनकी जाने से, तीन से चार टीम्स के दरमियान यहां पर फाइट जरूर ले रहे थे, लेकिन अभी तक के लिए अपने नाम का बोलबाला करते हुए दिखाई जरूर दे रही है SIR रॉयल्स। मॉर्टल के ऊपर एक अच्छा ग्रेनेड यहां पर स्मोकर का जाता है, अगर तो मॉर्टल को यहां पर नॉक जरूर किया जाएगा और एलिमिनेशन भी जरूर दिखाई जाएगी, लेकिन ओवर कुक कर दिया जाता है ग्रेनेड स्मोकर की जानिब से, अब यहाँ से फॉल बैक जरूर किया जाएगा, फॉल बैक यहाँ पर जाएंगे हबशी यहाँ पर नॉक जरूर रहेंगे, हबशी को भी रिवाइवल देना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, लेकिन मेंटी अभी तक के लिए उसी एरिया के अंदर मौजूद है, मेंटी वहीं पर मौजूद रहते हैं। अगर मुजरिम की बात की जाए, मुजरिम को यहाँ पर मोलोटोव के चलते नॉक जरूर कर दिया जाता है, लेकिन मेंटी खुद वहां पर उस मोलोटोव के अंदर जाकर बैठ जरूर जाएंगे, लेकिन अब खुद को हील जरूर किया जा रहा है। मिटेलो एक ग्रेनेड जाता है मॉर्टल का, मॉर्टल अपने ही दो प्लेयर्स को यहाँ पर नॉक जरूर कर देते हैं, बहुत बड़ी गलती की जरूर जाती है उनकी जानिब से, लेकिन वहीं पर एक और ग्रेनेड जाता है, मेंटी को भी नॉक जरूर किया जाएगा, मॉर्टल की जानिब से अपनी उस गलती का अजाला भरा जाता है, अब अपने दोनों के दोनों प्लेयर्स को यहाँ पर रिवाइवल जरूर दे दिया जाएगा, लेकिन अगर तो यहाँ पर एलिमिनेट होते तो बहुत बन चुकी थी इनकी जानिब से, लेकिन क्या ही बेहतरीन तरीके से SIR रॉयल्स इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर फाइट को पुल ऑफ करती है, 13 किल्स अभी तक के लिए अपने नाम करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। हर टीम की नजर इनके ऊपर रही थी, हर टीम से कहीं ना कहीं डैमेज जरूर खाया था, लेकिन उस सब के चलते यहाँ पर अपने बैकपैक के अंदर 13 किल्स कंफर्म करके जाते हुए बेहतरीन परफॉर्मेंस SIR रॉयल्स यहाँ पर दिखाते हुए, वहीं पर अगर इनके शाना बशाना दूसरी टीम की बात की जाए SQMax ऑफिशियल, वो भी फिलहाल के लिए यहाँ पर सर्वाइव जरूर कर रहे हैं, लेकिन कितने किल नंबर उनके पास मौजूद रहेंगे बहुत बड़ा सवाल ये रहेगा। रॉयल्स का ये आखिरी मैच है, जानते हैं कि आखिरी मैच है उनका, लेकिन बेहतरीन तरीके से खेला जरूर जा रहा है, हबशी को एक मोलोटोव क्लिक जरूर करेगी, लू एनएचपी जरूर हो जाएंगे, लेकिन सावा टाइमली उनको स्पॉट करने में नाकामयाब जरूर रहते हैं, लेकिन स्मोकर एक दफा फिर से उनके सामने यहाँ पर आ जरूर जाएंगे, पीक दी जाती है सावा की जानब से, अपने एंगल को अभी तक के लिए होल्ड किया जा रहा है, एक और अच्छा मोलोटोव इनकी जानब से जाता जरूर है, अगर तो ये मोलोटोव क्लिक करता है तो स्मोकर के लिए खासी मुश्किल जरूर बर पा हो सकती है, लेकिन वहीं पर नॉट ऑफिशियल वर्सेज SQMax ऑफिशियल बन जरूर जाता है, MES के चौधरी वहां से कवर फायर देते हैं और 1v2 किया जाता है, नॉट ऑफिशियल को एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। किलफीट के अंदर हमने ये फाइट भी रूनमा होते हुए देखी थी, लेकिन हमारी आंखों के सामने यहाँ पर PS ऑफिशियल वर्सेस टीम XRS जरूर दिखाई दे रहा है, बैक एंड से SIR रॉयल्स भी अब इस फाइट के अंदर इंटरेस्टेड जरूर दिखाई देगी। PS ऑफिशियल ने कोशिश की थी उस फाइट में थर्ड पार्टी करने की, लेकिन पावर शो को एलिमिनेट कराया था, स्मोकर ने वहां से फॉल बैक किया था, और अभी तक के लिए यहाँ पर टोटल 2 किल्स मौजूद रहेंगे टीम XRS के खाते में और एक ही किल रहेगा जरूर टीम PS ऑफिशियल के खाते में, लेकिन 13 किल्स यहाँ से SIR रॉयल्स उठा के जाती है और अब अपनी रोटेशन को किक स्टार्ट किया जाता है, जोन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर YTF वर्सेस टैग ऑफिशियल एक और बड़ी फाइट हमारी आंखों के सामने दिखाई देती है। 2-1 ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव स्क्वाड्स हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, YTF वर्सेस टीम टैग ऑफिशियल अगर बात करें हमारे, तो फिलहाल के लिए थोड़ी देर में हम वहाँ पर उस फाइट पे जाएंगे, जरूर ब्रांड हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, चौधरी की जान से गालिब का भी किल कंफर्म जरूर किया जाता है, वी आर डाउन टू द लास्ट 9 टीम्स, लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड जाता है नफसी के ऊपर, लेकिन नफसी के ऊपर प्रॉपर ग्रेनेड नहीं जाता है, अब बाकी की टैग ऑफिसर का स्क्वाड कहाँ पर मौजूद रहता है, एक और अच्छा ग्रेनेड दागने की कोशिश जरूर की जाती है नफसी को, इस ग्रेनेड के चलते कुछ डैमेज शायद हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सेफ रहेंगे, यहाँ पर डिनिस्टर का बचना नामुमकिन जरूर हो जाता है, लेकिन आउट एंड ओपन निकला जरूर जाता है नफसी की जाने से, लेकिन अभी तक के लिए सेफ जरूर रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर स्पॉट कर लिए जाते हैं और हार्ड इसी जाने से उनको भी एलिमिनेट यहाँ पर कर जरूर दिया जाएगा। टैग ऑफिशियल आर डाउन टू द लास्ट 2 मैन, यहाँ पर किस तरीके से टैग ऑफिशियल रिटेलिएट बैक करती है बहुत बड़ा सवाल रहता है। कैस्केट जाएंगे, लेवी को स्पॉट जरूर कर लेंगे, वहीं पर ब्रांड की जाने से शेजी को स्पॉट जरूर कर लिया जाता है, हर तरफ यहाँ पर फाइट जरूर बन रही है, विजेस के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर अपनी फाइट यहाँ पर कंप्लीट की जाती है बहुत बड़ा सवाल रहेगा जरूर, लेकिन कैस्केड अभी तक के लिए यहाँ पर सर्वाइव जरूर कर रहे हैं। YTF के बैकपैक के अंदर 2 किल आ जाते हैं, लेकिन लावा यहाँ पर गिल के जरूर मर जाएंगे,
अभी तक के लिए एक गलत नौकरी किया जाता है, कैस्केड की जानते हैं यहाँ पर कुछ फ्रॉड्स आगे जाते हैं, बेट फायर के अंदर यहाँ पे पीक की जाती है और इस बेट फायर के चलते हम यहाँ पर एलिमिनेट भी होते हुए दिखाई जरूर दे सकते हैं और वही होता है नैनो का स्प्रे आता है, कैस्केड भी यहाँ पर नॉक जरूर हो जाएंगे, लेकिन शहजी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ने कुछ हील बैटल करके क्या जोन के अंदर जाना उनके लिए पॉसिबल रहेगा या नहीं। वहीं पर अगर दूसरी जाने बात की जाए, एसआईआर रॉयल्स के आखिरी प्लेयर स्टैंड जरूर कर रहे हैं, 15 किल पे ये टीम पहुंच जरूर चुकी है और अब यहां पर जोन के अंदर एंट्री जरूर ले ली जाएगी, लेकिन शहजी अभी तक के लिए जिस एरिया के अंदर मौजूद है उनका जोन में जाना खासा मुश्किल रहेगा। लेकिन मिटेलो पहले भी हमने देखा था कि सोलो सर्वाइवल निकाला जरूर जाता है इनकी जाने से, लेकिन अब दोबारा से जोन के अंदर जगह जरूर बना ली जाती है। अगर तो एसक्यूमैक्स ऑफिशियल के प्लेयर्स यहाँ पर इनको स्पॉट करते एक अच्छी यूटिलिटी के चलते एसआईआर रॉयल्स को यहाँ से एलिमिनेट जरूर करा दिया जाएगा, लेकिन ऑलरेडी क्या ही बेहतरीन किल नंबर्स के ऊपर ये स्क्वाड जा जरूर चुका है। अगर हम वहीं पर एसक्यूमैक्स ऑफिशियल की जानब जाएं उनका किल नंबर भी हम यहाँ पर देखेंगे जरूर, उनकी जानब से हमने देखा है कि किल फीड के अंदर कुछ बहुत ज्यादा फाइट्स ली जरूर जाती हैं, कौन सा वो प्लेयर रहता है जो कि एमबीएस की जानब से, एमबीएस के चौधरी वो प्लेयर रहते हैं या फिर एसक्यूमैक्स ऑफिशियल के कौन से प्लेयर रहते हैं जिनकी जानब से बहुत ज्यादा जो है वो किल्स निकाले जाते हैं। अभी तक के लिए मिटेलो यहाँ पर थोड़ा सा सेफ जरूर रहते हैं, लेकिन चौधरी की जानब से अगर बात करें तो एसक्यूमैक्स ऑफिशियल के बैक में तक के लिए 7 किल रहते हैं जरूर है। वहीं पर पीएस ऑफिशियल हमें आती भी दिखाई देती है, मिटेलो की जानब से आशर को यहाँ पर नॉक किया जाता है, एक्सपीरिया को भी नॉक जरूर कर दिया जाता है, प्लेज ऑफिशियल के ऊपर 2 नॉक निकालते जरूर है, आशर का किल कन्फर्म करेंगे मिटेलो अपने बैक पैक के अंदर, 7 किल के ऊपर ये बंदा सोलो ही पहुंच जरूर चुका है, टोटल 16 किल्स अभी तक टीम के लिए निकालने में कामयाब होते हैं। लेकिन वहीं पर सायरन भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पीएस ऑफिशियल की टीम से खेलते हुए आ जरूर जाती है, एक्सपीरिया के ऊपर अब यहाँ पर पुश किया जाता है मिटेलो, ये किल भी अपने बैक पैक के अंदर कन्फर्म जरूर कर लेंगे, 17 किल के ऊपर ऐसा यार रॉयल्स का ये स्क्वाड पहुंच जरूर चुका है। अभी तक हमने ये चीज मिस की थी कि किसी भी टीम की जानिब से बहुत बड़ा किल नंबर नहीं दिखाया जाता, बट एसआईआर रॉयल्स की जानिब से आज के चौथे मैच के अंदर और अपने आखिरी मैच के अंदर ये दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर कितना एग्रेशन रखते हैं अपने अंदर। वहीं पर अगर बात की जाए बीपीआर के नैनो ओपी की वाईटीएफ की जानिब से एक्सआरएस के प्लेयर को यहाँ पर लेडीज जेंटलमैन यहाँ पर एक बार फिर से आपको वेलकम जरूर कहेंगे, एक छोटी सी वाटर ब्रेक मेरी जानिब से लेनी जरूर पड़ती है क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पर जितना प्यार आप लोगों की जानिब से दिखाया जाता है दिल भी हमारा नहीं करता कि आप लोगों को छोड़ के जाया जाए, लेकिन आप लोगों के पास बैठने के लिए यहाँ पर बहुत मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन शहजी का वो किल अपने बैक पैक में कन्फर्म करेंगे, टैग ऑफिशियल 8 स्पॉट के ऊपर यहाँ पर एलिमिनेट जरूर हो जाते हैं अभी तक के लिए, लेकिन कुछ अच्छे किल नंबर इनकी जानिब से निकाले जरूर गए थे। ये तमाम की तमाम चीजें भी ओवरऑल पॉइंट टेबल में हम देखेंगे कि किस तरीके से टैग ऑफिशियल अपने उस 5th स्पॉट को रिटेन कर पाते हैं या नहीं, लेकिन वहीं पर इन्फर्नो को क्या ही बेहतरीन नॉक मिलता है, स्मोकर की जानिब से एक अच्छा हेडशॉट दागा जरूर जाता है, कुछ स्नाइपिंग एक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जरूर है, मिरामार को कहा जाता है किंग ऑफ स्नाइपर्स मैप, स्नाइपर्स का ये मैदान रहता है जरूर है, वो लोग जो कि स्नाइपर यूज करना पसंद करते हैं स्नाइपर्स हेवन कहते हैं जरूर है हम इसे, कि उन लोगों के लिए जन्नत का एक समा बनकर आता है जिस तरह की एक्सट्रीम रेंजेस के दरमियान फाइट्स होती है। लेकिन वहीं पर एसक्यूमैक्स ऑफिशियल के स्लेयर को नॉक जरूर किया जाता है एसआईआर के नार्कोस की जानिब से, सो कुछ फाइट्स हर जाने भी यहाँ पर बंद जरूर रही हैं। अगर जोन की बात करते चले तो हमारा 7वां फेज रहते हैं और अभी तक 60 टीम्स अलाइव जरूर रहती हैं, सो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अब आखिरी मैचेस की तरफ आके टीम्स की जानिब से एग्रेशन को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जा रही है, जानते हैं कि आखिरी मैच जरूर रहेगा बिकॉज इस अगर बात करें तो 4 से 5 ऐसी टीम्स रहेंगी कि जिनके लिए ये मैच आखिरी रहेगा लीग स्टेजेस का, उनकी जानिब से भरपूर एग्रेशन दिखाया जा रहा है। हमने देखा है एसक्यूमैक्स जो है एसआईआर रॉयल्स को आखिरी मैच उनका रहता है, उनकी जानिब से यहाँ से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, लेकिन इन्फर्नो की जानिब से क्या ही बेहतरीन एक हेडशॉट दागा जरूर जाता है, एक अच्छा क्विक स्कोप यहाँ पर पीएस की सायरन के ऊपर यहाँ पर दागा जरूर जाता है। और अभी तक के लिए हम ड्रोन व्यू अगर देखें सो हर तरफ यहाँ पर फाइट्स का समा बन रहा है, टीम्स की जानिब से फाइट्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे दी जा रही है, एक ही सिटी की आखिरी ये फाइट रह जरूर जाती है, उस सिटी के अंदर तमाम की तमाम टीम्स हमारी आंखों के सामने मौजूद जरूर रहती है। स्मोकर जाएंगे, सायरन को यहाँ पर रिवाइव जरूर देंगे, एसक्यूमैक्स ऑफिशियल के लिए ये एक अच्छा चिकन डिनर बन जरूर सकता है, लेकिन अभी तक के लिए एसआईआर रॉयल्स के मिटेलो सरवाइव कर रहे हैं, टीम एक्सआरएस भी उस एरिया के अंदर मौजूद है, एक अगली फाइट है इन दोनों के दरमियान भी देखने को मिल जरूर सकती है, लेकिन उससे पहले बीपीआर के नैनो ओपी यहाँ पर आउट ऑफ द जोन ही एलिमिनेट हो जाएंगे और वाईटीएफ के जोन भी यहाँ पर एलिमिनेट होते हैं, और इसी के साथ टीम
YTF यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे, हार्ड एक्स वहां पे जाएंगे, एक टीम XRS वहां पे जिस तरीके से मैंने बोला था कि SIR के मेटेलो का किल भी अपने बैक में कंफर्म जरूर कर लेंगे, बट मेटेलो की जानिब से क्या ही बेहतरीन तरीके से सोलो सर्वाइवल दिखाया जाता है, 17 किल्स निकाले जाते हैं टीम की जानिब से, छठे पायदान के ऊपर फिनिश जरूर किया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो हार्ड एक्स गेमिंग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो ब्लेज ऑफिशियल का स्क्वाड रहता है वो मौजूद जरूर रहते हैं, स्पॉन्सर हमारे स्क्वाड हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाता है, लेकिन पीछे से एसक्यू मैक्स के सैवी कुछ बेहतरीन नॉक्स निकालने में कामयाब जरूर हो जाते हैं टीम XRS के ऊपर। ये टाइम है कि जहां पर अब कुछ यूटिलिटीज दागनी पड़ेंगी प्लेज ऑफिशियल को, अगर तो प्रोनोबिस लाइव की जानब से यहाँ पर पुश किया जाता है बहुत अच्छी, लेकिन सैवी को यहाँ पर जरूर पकड़ लिया जाता है, लावा की जानब से बेहतरीन स्पॉटिंग की जरूर जाती है, लेकिन यमरूद की जानब से एक अच्छा ग्रेनेड दागा जाएगा, इस ग्रेनेड के चलते क्या कोई प्लेयर यहाँ पर डैमेज खाएंगे उसका जवाब रहता है नहीं, लेकिन हार्ड एक्स वहाँ पर जाएंगे, प्रोनोबिस लाइव को भी तक क्लियर नॉक जरूर कर दिया जाता है, यमरूद अपनी टीम के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग रहते हैं, एक ग्रेनेड जाता है लो एन एच पी जरूर किया जाएगा और अब खुद को यहाँ पर हील जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोलोटोव आएगा रावा का, यमरूद का यहाँ पर खात्मा करता है, वी आर डाउन टू द लास्ट फोर टीम स्टैंडिंग अभी तक के लिए, प्लेज ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट कर दी जाती है, सैवी का किल भी कंफर्म जरूर कर दी जाएगा, एमईएस के चौधरी और एसक्यू मैक्स के स्लेयर अभी तक के लिए दो आखिरी प्लेयर बच जरूर जाते हैं, लेकिन वहीं पर चौधरी निकल कर आते हैं, एक सरप्राइज नॉक दिया जाता है स्मोकर को, नॉक करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं, स्लेयर का वो किल कंफर्म करने के लिए उससे पहले ही चौधरी यहां पर खुद आते हैं, कंफर्म किया जाता है स्लेयर की जानिब से, पीएस की सायरन को भी यहां पर नॉक जरूर कर दिया जाता है, हबशी अब यहां पर मौजूद है, हबशी की जानिब से पीबीएस चलती है, नॉक करेंगे एमईएस के चौधरी को और इंस्टेंटली एलिमिनेट भी किया जरूर जाएगा, लेकिन उसी के साथ स्लेयर के ऊपर भी एक बेहतरीन शॉट दागी जाएगी और एसक्यू मैक्स ऑफिशियल का यहाँ पे खात्मा करते हुए पीएसके हबशी बेहतरीन तरीके से एक अच्छा क्लच यहाँ पर निकल कर आता हुआ इनकी जानिब से, पीएस की सायरन को भी यहाँ पे रिवाइव देना जरूरी रहेगा, लेकिन उससे पहले सामने से टीम XRS का पुश भी आ जरूर रहा है, इसी तबसना के अंदर एक टीम रहती है जो कि SIR 2.0 का स्क्वाड रहता है, इस तबसना के अंदर अपने लिए अच्छा चिकन डिनर निकाल जरूर सकते हैं, 4v2v1 की ये फाइट रहती जरूर है अभी तक के लिए, SIR 2.0 की तरफ से पहला चिकन डिनर हमें देखने को मिल जरूर सकता है, हमने देखा था कि कल के दिन भी हमारे स्पॉन्सर स्क्वाड की जानिब से एक चिकन डिनर निकाला गया था प्लेज ऑफिशियल की जानिब से, क्या आज वही कहानी दोहराई जाएगी SIR 2.0 की जानिब से, नार्कोस अभी तक के लिए हमें दिखाई दे रहे सर्वाइव करते हुए, हबशी की अगर बात करते चले बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई जरूर थी, लेकिन अपनी टीम के लिए लास्ट मैन स्टैंडिंग रह जरूर जाते हैं, टीम XRS अभी तक के लिए दो प्लेयर्स पर सर्वाइव कर रही है, लेकिन हार्ड एक्स वर्सेस पीएसके हबशी यहां पर हो जरूर जाएगा, ये 1v1 फाइट बहुत ज्यादा जरूरी रहेगी क्योंकि यहां पर हबशी को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी रहेगा, लेकिन वहीं पर लाव आ जाएंगे SIR के इन्फर्नो वाईटी को भी तकली नॉक जरूर कर दिया जाता है, क्या यहां पर SIR 2.0 एक बेहतरीन चिकन डिनर यहां से लेकर जो है एक चिकन डिनर थ्रो उनकी जानिब से किया जाएगा या नहीं, लेकिन हबशी यहां पर पुश करेंगे नीचे चलाई जाएगी डीपीएस, लेकिन हार्ड एक्स यहां पर उनको भी एलिमिनेट करेंगे, बिल्कुल डॉट एचपी यहां पर कर दिया जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए खुद को हील करने में कामयाब जरूर हो जाएंगे, वहीं पर इन्फर्नो को वापस से खड़ा कर दिया जाता है अपने पैरों के ऊपर, 4v2 की ये फाइट रह जाती है, एक अच्छा ग्रेनेड जाता है यहां पर SIR के नार्कोस का बेहतरीन तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, 4v1 की ये फाइट रह जरूर जाती है, दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि अभी तक के लिए हार्ड एक्स गेमिंग दिखाई दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक तरफ हमें SIR के कुछ प्लेयर को दिखाया जाए, लेकिन वहीं पर SIR के जाए इन्फर्नो को भी तक के लिए नॉक शुरू कर देगा, हार्ड एक्स गेमिंग जाएंगे दूसरे प्लेयर को भी लोन एचपी करेंगे, लेकिन एक पहला चिकन डिनर SIR 2.0 अपने नाम करके जाती हुई स्पॉन्सर स्क्वाड हमारा यहाँ पर दूसरा स्पॉन्सर स्क्वाड भी दूसरा चिकन डिनर हमें करके जाता हुआ दिखाई देता है, पहले मैदान में हमने देखा था कि मेरा मार्ग ही वो मैदान रहता है जहां पर प्लेयर्स ऑफिशियल अपने लिए चिकन डिनर करके जाती है, और आज फिर से एक मेरा मार्ग का मैप रहता है कि जिसके अंदर SIR 2.0 एक और चिकन डिनर करके जाती है, बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर SIR 2.0 की तरफ से, और इसी के साथ में एक शॉर्ट आउट देना चाहूंगा SIR के नार्कोस को, स्पॉन्सर करते हैं यहाँ पर MGRL के इस पूरे के पूरे इवेंट को और पॉसिबल बनाया जाता है आप लोगों की नजरों के सामने यहाँ पर इस पूरे के पूरे इवेंट को प्रेजेंट करना, लेकिन उससे पहले स्टार ऑफ द मैच की बात करें सो नन अदर देन SIR रॉयल्स के मिटेलो यहाँ पर निकल कर आते हैं, टोटल 8 डिफीट्स के साथ यहाँ पर हमारे पास निकल कर आते हैं, MVP की फेवरेट में अपना नाम सजाते जरूर है, वहीं पर SIR के मॉर्टल निकल कर आते हैं उनकी जानिब से भी यहाँ पर बेस्ट कंपेनियन बना जाते हैं, और फाइनल किल यहाँ पर SIR के ब्रांड निकल कर आते हैं, तो खातिर खा परफॉर्मेंस यहाँ पर SIR रॉयल्स ने दिखाई जरूर थी, लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस इस काबिल रहेगी, इतना काफी रहेगा कि आखिरी मैच के बाद भी कोई टीम इनके उस पहले पायदान को टच ना कर पाए, इन तमाम की तमाम बातों के जवाब हमें मिलेंगे जरूर जब हमारी आंखों के सामने हमारी लीग स्टेजेस को ओवरऑल पॉइंट टेबल दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले नाजरीन वी विल बी बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं हम लोग अपने आज के आखिरी मैच के साथ।
अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। वेलकम बैक टू मल्टी गेमर्स ई-स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स MGRL सीजन 1 स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन प्रोनूबिस लाइव एंड SIR नार्कोस एंड होस्टेड बाय योर गाय सेसर प्लेज। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमने अभी तक के लिए देखे थे चार मैचेस के अंदर टीम ने क्या ही बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी, लेकिन अभी के लिए हमारा आखिरी मैच यहाँ पर खेला जाएगा इरेंगल के मैदान के ऊपर। ग्रुप ए ये मैच खेलता हुआ लीव जरूर हमें जो है यहाँ पर मिस जरूर करेगा, लेकिन अगर बात करें हम यहाँ पर बाकी की टीम्स की तो अभी तक के लिए ग्रुप ए की वो पांच टीम्स रहेंगी कि जिन टीम्स के लिए ये आखिरी मैच था। विक्ट्री सीकर्स के लिए ये आखिरी मैच रहता है, प्लेज ऑफिशियल के लिए आखिरी मैच रहता है, वीके के लिए आखिरी मैच रहता है, टैग और नॉट के लिए आखिरी मैच जरूर रहता है। अगर तो इनमें से अभी तक के लिए कोई स्क्वाड बॉटम के ऊपर मौजूद रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली दैट्स इट फॉर देम, क्योंकि अब उनको मौका नहीं मिलेगा यहां से दोबारा से क्वालिफिकेशन का, क्योंकि आज वो आखिरी मौका दिया गया था इन तमाम टीम्स को कि फाइनल्स के अंदर अपनी जो स्लॉट है उसको यहां पर यकीनी बनाया जाए। लेकिन फिलहाल के लिए आखिरी मैदान यहां पर स्टार्ट हो चुका है, मैप जो है वो हमारा यहां पर स्टार्ट हो चुका है, प्लेयर्स यहां पर तैयार हैं, बस थोड़ी देर के अंदर जहाज अपनी परवाज भरेगा और हमें यहां पर टीम्स जो है वो इरेंगल के मैदान के अंदर एक दूसरे की खून की प्यासी होते हुए आसमान से ऐसे गिरती हुई दिखाई देंगी जैसे बरसात में ओले गिरते हैं और कुछ मेंढक बरसात में यहां पर टटर करते हुए निकल आते हैं जो क्रिटिसिज्म करने यहां पर हमारी स्ट्रीम के ऊपर आते हैं। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमने देखा जरूर था कि कुछ लोग यहां पर क्रिटिसाइज जरूर कर रहे थे मैनेजमेंट को, कास्टिंग को, तो उन लोगों के लिए हम यहां पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप अकेले नहीं अपने दो चार दोस्तों को भी लेकर और उनको भी बोलें कि अगर तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो करें जरूर, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, स्ट्रीम को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का आना हमारे लिए बहुत है। ये स्ट्रीम सिर्फ आप लोगों की खातिर ही तो की जाती है, लेकिन उससे पहले यहां पर काउंट डाउन हमारी आंखों के सामने आती हुई, जी हां नाज़रीन जहाज अपनी परवाज भर चुका है, तैयार है यहाँ पर टीम्स के लिए। अगर प्लेन पाथ की बात करें तो क्वेरी के ऊपर जो होता है नोवर अपनोई के ऊपर कहीं ना कहीं फिनिश ऑफ जरूर करेगा। अभी तक के लिए वो टीम्स जो के नॉर्दर्न आइलैंड के ऊपर जाना पसंद करती हैं, नॉर्दर्न साइड के ऊपर आइलैंड की जाना पसंद करती हैं, उनके लिए यहाँ पर अपनी स्लॉट्स के ऊपर पहुँचना, अपने ड्रॉप स्पॉट्स के ऊपर पहुँचना खासा मुश्किल जरूर रह जाएगा फिलहाल के लिए। अब क्या यहाँ से आगे कोई कहानी रची जाएगी या फिर यहाँ से टीम्स जो हैं वो अभी तक के लिए एलिमिनेट होती हुई दिखाई देंगी, बहुत बड़ा सवाल अभी तक के लिए हमारी आंखों के सामने यहाँ पर ये रहता है। लेडीज एंड जेंटलमैन अगर बात करें टीम्स की तो टीम्स अभी तक के लिए यहाँ पर अपने अपने ड्रॉप स्पॉट्स की तरफ जा जरूर रही हैं। अगर बात करते चले SIR के मिटैलो की, हमने अक्सर देखा है SIR रॉयल्स जो है ईस्टर्न जॉर्जियापोल सिटी के अंदर एक फाइट के अंदर जो है अक्सर रहती है, लेकिन वो टीम्स जो कि नोहर अपनाए जाना पसंद करती थी जिसके अंदर हमारा प्लेज ऑफिशियल का स्क्वाड रहता है वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं रहेंगे, नोअर एपनॉय का एरिया भी फिलहाल के लिए खाली रहेगा। लेकिन टीम्स की जानिब से कितना मैप रीड किया जाता है और मैप रीड किया भी जाता है SQMX ऑफिशियल की जानिब से, जानते हैं कि प्लेज ऑफिशियल अभी तक के लिए मौजूद नहीं है तो नोअर एपनॉय को इस एरिया के अंदर वो उनकी जानिब से परवाज भरी जाती है, लेकिन फोर राइवल्स भी उसी एरिया के अंदर जा जरूर रही है। तो क्या यहाँ पर एक अच्छा ड्रॉप क्लिक हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं पर SIR 2.0 मिलिट्री बेस आइलैंड के ऊपर जाती है, मिलिट्री के एरिया को लूट करने की कोशिश जरूर की जाएगी। अगर बात करते चले SIR रॉयल्स की तो वहाँ पर एक फाइट हमने हमेशा यहाँ पर बनते हुए देखी जरूर है, SIR रॉयल्स यहाँ पर एक बार दोबारा से आ जरूर जाते हैं, बिल्कुल सामने बैन का एक के लिए नॉक करके इंस्टेंटली फिनिश जरूर कर दिया जाता है मैक्सिक गोस के सामने, आर एन जी गोस यहाँ पर इनके सामने मौजूद जरूर रहते हैं, आरी का साम यहाँ पर मौजूद जरूर रहते हैं। सो कहीं ना कहीं ये फाइट हमने हर मैप में यहाँ पर रैंगल के अंदर होती हुई देखी है, लेकिन अभी तक SIR रॉयल्स अपने ड्रॉप को जो है सक्सेसफुली हमेशा की तरह यहाँ पर जो है डिफेंड करने में कामयाब रहते हैं। असम की अगर बात की जाए तो असम पापी को फिलहाल के लिए एलिमिनेट जरूर कर दिया जाएगा मिटैलो की जानिब से, लेकिन उससे पहले घोस्ट को यहाँ पर बैकेंड से एक अच्छी शॉट आके कनेक्ट जरूर हो जाती है और उसी शॉट के चलते घोस्ट भी यहाँ पर फिलहाल के लिए एलिमिनेट जरूर कर दिए जाएंगे। स्कॉर्पियो अब यहाँ पर रीलोड जरूर करेंगे, जानते हैं कि अब वो फाइट यहाँ पर इनके साथ मौजूद जरूर रहती है, तीन किल्स अभी तक कंफर्म जरूर कर चुके हैं, लेकिन मॉर्टल को भी यहाँ पर नॉक करके इंस्टेंटली एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर SIR रॉयल्स भी अपने आखिरी दो जो है प्लेयर स्टैंडिंग के ऊपर रह जाती है, लेडीज एंड जेंटलमैन किस तरीके से अब ये टीम यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखाती है बहुत जरूरी रहे।
लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर यहाँ पर बात की जाए इस फाइट की, तो फिलहाल के लिए ऐसे ही रॉयल्स ये फाइट अपने खाते के अंदर दर्ज करते हुए हमें दिखाई जरूर देगी बेहतरीन तरीके से। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अगर बात करें तो क्या ही तरीके से यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने फाइट ड्रॉप को यहाँ पर जो है डिफेंड जरूर किया जाता है। लेकिन मिटेलो एक दफ़ा फिर से अपनी टीम के लिए लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग रह जाते हैं। क्या ही यहाँ पर किया जाता है सैयर रॉयल्स की जानब से। हमने देखा है कि आज हर मैच में इनिशियल्स के अंदर पूरी की पूरी टीम एलिमिनेट हो चुकी थी, बट मिटेलो यहाँ पर सोलो हैंडेडली सर्वाइव कर जरूर रहे होते हैं अभी तक के लिए। हमने अक्सर देखा है कि तीसरा मैच लगातार रहेगा जहाँ पर सैयर रॉयल्स के मिटेलो यहाँ पर सोलो सर्वाइवल जरूर दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पर जो जो लोग भी यहाँ पर स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहे हैं चैट के अंदर, आप लोगों ने मेक श्योर कर देना है कि किसी भी प्लेयर के ऊपर इवन जो लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप लोगों ने उनको हेट नहीं दिखानी। आप लोगों ने यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडली रखा जाए चैट के माहौल को, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो सब के सब यहाँ पर इस टूर्नामेंट की यहाँ पर स्ट्रीम को देखने आए हैं, कास्टिंग को यहाँ पर देखने आए हैं। सो इफ़ देर इज़ एनीबडी हु इज़ क्रिटिसाइजिंग, आप लोगों ने मेक श्योर कर देना है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाया जाए, क्योंकि ये स्ट्रीम सिर्फ और सिर्फ एक फन के लिए ज़रूर रहती है। सो लेकिन वहीं पर अगर हम जाएँ अपनी बाकी फाइट्स की जान, तो आर ई के रेड आई यहाँ पर वाई टी एफ के ब्रांड को एलिमिनेट जरूर कर देगा। एन एस सेवन के स्मैक से यहाँ पर रिटायर्ड के फ्लैश को नॉक और इंस्टेंटली फिनिश जरूर कर दिया जाएगा। सो मल्टीपल यहाँ पर फाइट्स जरूर चलती हुई दिखाई हमें दे रही है हर तरफ। लेकिन वी आर एक्स हमारी आंखों के सामने मौजूद रहती है, वी आर एक्स की जानब से भी अभी तक हमने वो परफॉर्मेंस नहीं देखी जो परफॉर्मेंस लीग स्टेजेस के अंदर इन्होंने हमें ग्रुप स्टेजेस के अंदर दिखाई थी। टेबल टॉप जरूर किया गया था इनकी जानब से, लेकिन इस दफा क्या हो जाता है इस टीम की फॉर्म को, व्हाट हैपन टू वी आर एक्स ईस्पोर्ट्स। हमने देखा है कि अक्सर औकात बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाती है, लेकिन ये आखिरी मैच अब इन लोगों को कुछ अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि एलिमिनेशन के बिल्कुल दहाने पे मौजूद है। अगर ये मैच भी इन लोगों का जाया जाता है तो शायद वीआरएक्स ईस्पोर्ट्स हमें यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए दिखाई दे और फाइनल्स के अंदर अपनी जगह बनाने से कासिर जरूर रह जाए। लेकिन इससे पहले अभी एक मैप इनके पास मौजूद जरूर है, एक मौका इन लोगों के पास मौजूद जरूर है। इस एक मौके के साथ क्या यहाँ पर किया जाता है, सैफी को फिलहाल के लिए यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया जाता है उनकी साइड से, रिटायर्ड के ऊपर कुछ अच्छे नॉक्स निकाले जाते हैं। लेकिन सैवेज को भी यहाँ पर इन रिटेलिएशन बहुत लो एनएचपी जरूर किया जाता है, 1 HP के ऊपर रहेंगे जरूर। लेकिन एक अच्छा ग्रेनेड एरर का यहाँ पर सैवेज का खात्मा जरूर कर सकते, ग्रेनेड जाता जरूर है, वो ग्रेनेड यहाँ पर सैवेज को अभी तक के लिए नॉक भी करने में कामयाब जरूर रह जाता है। बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपने यूटिलिटीज को दिखाया जाता है एरर की जानब से। लेकिन वहीं पर सैवेज का वो किल अभी तक के लिए कन्फर्म जरूर कर दिया जाता है, आखिरी प्लेयर टीम रिटायर्ड के बाद जरूर जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पर वो प्लेयर आ भी जाते हैं, 7 के वॉरियर इनके साथ खेलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी जानिब से अभी तक के लिए यहाँ पर फॉल बैक जरूर किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हमारी बाकी की टीम्स की, सो SQMax ऑफिशियल फिलहाल के लिए टीम नोवर रेपनोए की साइड को लूट करके अब यहाँ से इनकी जानब से रोटेशन को कंटिन्यू किया जाता है। आर ई की अगर बात की जाए तो वो उस ब्रिज के एरिया को होल्ड जरूर कर रहे हैं, SIR 2.0 मिलिट्री ब्रिज से अब यहाँ पे रोटेशन करते हुए हमें दिखाई देंगे। टीम 4 राइवल्स मिल्टा पावर के अंदर NS7 वर्सेस VRX अभी तक के लिए मिल्टा के अंदर वो फाइट यहाँ पर हो जरूर रही है जो कि अपने इख्तिताम को नहीं पहुँचती। लेकिन डेनवर हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाते हैं, टीम VRX अभी तक के लिए इस फाइट को बहुत ज़्यादा प्रोलोंग कर लेती है, जानते हैं कि उनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्टेक के ऊपर रहती है। NS7 रेवेनेंट्स की बात करें सो वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई जरूर करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, थोड़ा बहुत एक अच्छी उनकी तरफ से एक पोजीशन जरूर ले ली गई थी पॉइंट्स टेबल के ऊपर, लेकिन खातिर खा पोजीशन पे वो भी नहीं है। अगर तो उनके नीचे वाली टीम्स कुछ ज्यादा बेहतर यहाँ पर परफॉर्म करती हैं सो वो यहाँ पर क्वालिफाई जरूर कर सकती हैं। दोनों की दोनों टीम्स मिल्टा के अंदर फिलहाल के लिए अपनी क्वालिफिकेशन के लिए खेल रही हैं, जानते हैं कि यहाँ पर पाने को बहुत कुछ है लेकिन गंवाने को कुछ नहीं है, हर तरीके से इनकी जानिब से कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए तो हमारी आंखों के सामने हमने देखा है कि स्लेयर जो हैं, स्लेयर फिलहाल के लिए यहां पर गिर के नॉक जरूर हो जाते हैं, लेकिन मिटेलो हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाते हैं अभी तक के लिए यहां पर इनके बिल्कुल सामने रहते हैं, शॉटगन चलाने की कोशिश की जाती है, नॉक जरूर करेंगे। थोड़ा सा इनकी जानिब से वहां पर मिस फायर जरूर किया गया था, बहुत पहले यहां पर टैड को नॉक जरूर कर सकते थे, लेकिन फिलहाल के लिए आखिरी प्लेयर अपने लिए मौजूद जरूर रहते हैं। 5 ही किल्स अभी तक के लिए टोटल टीम के पास मौजूद हैं, लेकिन 14 स्पॉट के ऊपर मौजूद है। क्या यहाँ पर बाकी की अब जो है SIR साइरो इनके ऊपर पुश करती हुई दिखाई देगी, लेकिन उससे पहले टीम SQMax ऑफिशियल वहाँ पर एक फाइट के अंदर आ जरूर जाती है। स्लेयर यहाँ पर नॉक जरूर करेंगे, डेड आई की जानब से MES के चौधरी को भी नॉक जरूर कर दिया जाता है, उस फाइट की जानब भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि उस फाइट की जानब हम जा जरूर सकते। सैवी की जानब से रेड आई FTW को भी नॉक कर दिया जाता है, लेकिन वोल्डी को भी VRX का नॉक जरूर कर दिया जाता है, वो फाइट जो मिल्टा के अंदर थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। लेकिन फिलहाल के लिए मिटेलो की जानब से फॉल बैक जरूर कर लिया जाता है। टीम SQMax ऑफिशियल की जानब भी हमारा जो है वो
रुख जरूर होगा। हम देखेंगे कि कहां पर उनकी जानिब से फाइट ली जा रही है। अगर बात करते चले फिलहाल के लिए मिटैलो की, सो मिटैलो हमारी आंखों के सामने रहते हैं, उससे पहले एसआईआर रॉयल्स हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाती है। शेर खान यहाँ पर सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अय्यर की अगर बात करें तो वो ढूंढ रहे हैं, वो एक प्लेयर कहाँ गया चाहे जानते नहीं है कहाँ पर वो प्लेयर मौजूद रहते हैं, लेकिन वहीं पर पीरो प्लेयर की जानिब से NSM डेनवर को नॉक फिनिश किया जाता है, इंस्टेंटली एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। यलमाज की बात करें तो रेड आई को भी यहाँ पर उनकी जानिब से एलिमिनेट जरूर कर दिया जाता है। SQ मैक्स अपने लिए कुछ बेहतरीन किल्स यहाँ पर निकालने में कामयाब जरूर हो जाती है। वहीं पर अगर बात करते चले हमारी आंखों के सामने आ भी जाती है, 3 किल्स तक लिए कन्फर्म जरूर करा सक चुके हैं अपने लिए। ब्रिज से रोटेट करके आए थे, आरी का स्क्वाड यहाँ पर मौजूद जरूर था, लेकिन उनके ऊपर कुछ बेहतरीन पुशेज इनकी जानिब से दिखाए जरूर जाते हैं। अभी तक के लिए लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग यहाँ पर रहते जरूर है टीम के, आरी की अगर प्लेयर्स की बात की जाए तो रशर वाइटी वो आखिरी प्लेयर रहते जरूर है, एक अच्छा प्री नेट धागा जरूर जाता है, लेकिन वो प्री नेट यहाँ पर कुछ प्लेयर्स को थोड़ा बहुत टैग जरूर करेगा, लेकिन अभी तक के लिए सेफ जरूर है। नाउ इट्स टाइम फॉर द पुश। सेवी की जानिब से यहाँ पर फ्रंट लाइन संभाली जाती है, रशर अभी तक के लिए वहीं पर मौजूद जरूर रहते हैं। सीडियो के देखिए यलमाज की जानिब से अच्छा ग्रेनेड धागा जरूर जाता है, थोड़ा बहुत 2 NHP रशर को शायद करने में कामयाब जरूर हो पाए, लेकिन रशर अभी तक के लिए बिल्कुल यहाँ पर साउंड नहीं दे रहे। जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं प्लेयर मौजूद है, लेकिन यलमाज जाते हैं, यलमाज को नॉक किया जाएगा रशर की जाने से। सेवी अभी तक के लिए यहाँ पे कवर देंगे, यलमाज यहाँ पे नॉक जरूर रहेंगे, लेकिन अब पुश जाएगा जरूर, और इसी के साथ रशर वाइटी को यहाँ पर चौधरी की जाने से एलिमिनेट जरूर करा दिया जाएगा। SQ मैक्स ऑफिशियल यहाँ पर अभी तक के लिए सर्वाइव करेगी, 4 बेहतरीन के लिए निशंस में अपने लिए जो है कमा जरूर लेते हैं, लेकिन वहीं पर VRX हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाती है। 2 किल्स पीरो के बैकपैक में हो जरूर जाते हैं, वोल्डी के यहाँ पर कंफर्म किया जाता है। पीरो अभी तक के लिए यहाँ पर जोकर को रिवाइव जरूर करना पड़ेगा, लेकिन जोकर जिस एरिया के अंदर मौजूद है उनका रिवाइवल देना खासा मुश्किल जरूर रहेगा। गूगल की जानिब से कोशिश तो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जोकर को रिवाइव देना नामुमकिन ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पर प्लेयर बिल्कुल उनके सामने मौजूद रहेंगे जिन्हें, और अब जाके जिन्हें जोकर को लॉबी का रास्ता भी दिखाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले से मैक्सी के यहाँ पर लेकिन अभी तक के लिए जिन्हें हमारी आंखों के सामने रहते हैं। अगर SQ मैक्स की बात कीजिए, एक और अच्छा किल कन्फर्म जरूर किया था, लेकिन अब जिस जगह के ऊपर उनकी जानिब से अपना जो है रुख किया जाता है, SIR 2.0 के प्लेयर्स वहीं पर मौजूद जरूर रहेंगे। अगर बात करते चले अभी तक के लिए जीनी की, सो जीनी यहाँ पर मौजूद रहते हैं, VRX को भी तक के लिए यहाँ से रोका जरूर जाता है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे सामने SQ मैक्स ऑफिशियल का स्क्वाड आ जरूर जाता है। प्लेयर को बहुत लो NHP किया जाता है स्लेयर की जानिब से, लेकिन नॉक जरूर हो जाता है। बैक एंड से कवर फायर देना जरूर पड़ेगा और टीम यहाँ पर कवर फायर देने की कोशिश भी करेगी। फिलहाल के लिए नॉक प्लेयर को हम स्पेक्टेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन यलमाज को भी नॉक जरूर कर दिया जाता है। SQ मैक्स ऑफिशियल अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाती है, क्योंकि 2 प्लेयर्स को अपने एलिमिनेट जरूर करा चुके, लेकिन चौधरी की जानिब से भी अब यहाँ पर इस फाइट की तरफ आया जरूर जाता है। सैवी बैकेंड से यहाँ पर क्लोजिंग जरूर कर रहे हैं, चौधरी अभी तक के लिए वहीं पर शेक के ऊपर आ जरूर जाएंगे, चौधरी को बहुत लो NHP जरूर कर दिया जाएगा। SIR 2.0 ये 3 मैन अपने इन कंपाउंड्स को ब्रीच ना होने देते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए सैवी को भी बहुत ज्यादा लो NHP जरूर कर दिया जाता है। सैवी को भी यहाँ पे हील जरूर करनी पड़ेगी। डेविल की बात की जाए तो डेविल भी यहाँ पर खुद को हील जरूर करते हुए दिखाई दे, लेकिन इन्फर्नो की जानिब से आगे पुश जरूर किया जा रहा है। जानते हैं कि एक प्लेयर पीछे मौजूद है और उससे पहले यहाँ पे जाया जाता है, सेवी को नॉक जरूर कर दिया जाता है। SQ मैक्स ऑफिशियल यहाँ पर अपना वो #1 जो उन्होंने ग्रुप स्टेजेस के अंदर SIR रॉयल से लिया था, अब उसको गवा जरूर सकते हैं, क्योंकि चौधरी फिलहाल के लिए यहाँ से फॉल बैक जरूर करेंगे, लेकिन वहीं पर उनके पीछे यहाँ पर SIR नार्कोस की जाने से उनको एक चेस गेम खेली जाती है, लेकिन वहीं पर नार्कोस गिर के ही नॉक जरूर हो जाएंगे, लेकिन चौधरी को भी यहाँ पे कुछ अच्छी फाइट लेनी पड़ेगी। जानते हैं एक प्लेयर वहीं पर नॉक रहेंगे और अब कोशिश भी की जाएगी उस प्लेयर का किल अपने बैक में कंफर्म करने की, लेकिन उससे पहले बैक एंड से जो कैवेलरी आती है डेविल की जानिब से आया जरूर जाता है, कैवेलरी आ जाती है, लेकिन अब चौधरी की जानिब से यहाँ से किस तरीके से गेम निकाली जाती है, क्योंकि इन्फर्नो की जानिब से पुश किया जाता है और बहुत ही गलत पुश जरूर कर जाते हैं, चौधरी के मुंह के ऊपर आया जाता है, चौधरी की जानिब से अपने गन स्किल्स दिखाए जरूर जाते हैं और अब एक अच्छी क्लच सिचुएशन दिखाई जरूर जा सकती है, क्योंकि डेविल फिलहाल के लिए इस एरिया से रिट्रीट बैक करने को तैयार है। क्या डेविल यहाँ पर किसी कोई फ्लैंक करते हुए दिखाई देंगे या फिर इनकी जाने से रिट्रीट बैक किया जाएगा? जवाब रहता है कि ही इज रेडी फॉर अ फ्लैंक, क्योंकि वो भी फ्लैंक करके उसी एरिया के अंदर आ जरूर जाते हैं। चौधरी की बात करें तो चौधरी यहाँ पर जाएंगे, नार्कोस का किल अपने बैकपैक के अंदर कंफर्म जरूर करेंगे, लेकिन उसी सब असना के अंदर यहाँ पर डेविल अप क्लोज इन जरूर कर रहे हैं। डेविल की जाने से एक अच्छा ग्रेनेड पुल जरूर किया जाता है, लेकिन चौधरी की जाने से उनको स्पॉट जरूर कर लिया जाता है, ग्रेनेड जाता जरूर है, लेकिन चौधरी से थोड़ा सा दूर जरूर लैंड करेंगे और मजीद ग्रेनेड्स मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर चौधरी की बात की जाए तो उनके पास भी यहाँ पर कुछ यूटिलिटीज मौजूद नहीं है और हीलिंग भी कुछ खासी मौजूद नहीं रहेंगी, तो ये फाइट अब यहाँ पर बहुत जरूरी रहेगी SQ मैक्स ऑफिशियल के लिए। अपना ही यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है डेविल की जानिब से, एक दूसरा मोलोटोव जाता जरूर है, लेकिन चौधरी फिलहाल के लिए बिल्कुल यहाँ पर जो है
होल्ड कर लेते हैं अपने एंगल को, उनकी जानिब से बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही कि वो यहाँ पर साउंड दें, चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपना सर्वाइवल यकीनी बनाया जाए। लेकिन डेविल की जानिब से यहाँ पर थोड़ा सा फॉल बैक जरूर किया जाता है, और चौधरी की जानिब से अब यहाँ से कुछ प्री फाइट जरूर देखने को मिलेगी। स्प्लिट स्क्रीन के अंदर आप लोग ये फाइट देख जरूर रहे हैं, चौधरी वर्सेज एसआईआर डेविल, वो फाइट जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी जरूर बन जाती है, क्योंकि पहले एक प्लेयर को एलिमिनेट किया जाता है एसक्यूमैक्स ऑफिशियल की तरफ से, और फिर एक बहुत ही गलत पुश दिखाया जाता है, जिस पुश के चलते यहाँ पर एसक्यूमैक्स ऑफिशियल अपने कुछ प्लेयर यहाँ पर गंवा जरूर देते हैं। लेकिन वहीं पर उसी चीज के बाद यहाँ पर चौधरी की जानिब से अगर देखा जाए तो ही इज डूइंग सम फन, उनकी जानिब से यहाँ पर पैन फेंका जाता है। लेकिन अब एक दूसरे के बिल्कुल शाना बशाना आया जरूर जाता है, वो 1v1 की फाइट यहाँ पर इनिशिएट जरूर कर दी जाती है। चौधरी की जानिब से भी यहाँ पर कुछ अच्छा एंगल लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोनों प्लेयर एक दूसरे के सामने नहीं आना चाह रहे, दोनों की तरफ से इंतजार किया जा रहा है कि कौन पहले यहाँ पर गलती करते, और गलती यहाँ पर पहले की जाती है डेविल की जानिब से, आउट इन द ओपन आ जाते हैं। लेकिन चौधरी यहाँ पर फिर तक आगे भागेंगे जरूर फिलहाल के लिए, जानते थे कि वो एंगल थोड़ा इनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन दोनों ही प्लेयर की तरफ से बहुत ही यहाँ पर ध्यान से ये फाइट को यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन डेविल की तरफ से यहाँ पर गलती की जाती है, पीक दिखाई जाती है, बहुत लो एनर्जी जरूर करेंगे चौधरी। लेकिन चौधरी की जानिब से फाइनली ये किल को अपने बैक पे कंफर्म किया जाता है, बेहतरीन 1v4 यहाँ पे चौधरी की जानिब से निकाला जरूर जाता है, व्हाट अ 1v4। और अगर यहाँ पर एक इमोट हो जाए चौधरी भाई तो क्या ही यहाँ पर मजे हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर चौधरी की जानिब से रुका जाता है, इंस्टेंट रिप्ले जरूर लिया जाता है जिस तरीके से यहाँ पर ये रुके थे, क्योंकि जानते हैं मोंटाजेस के अंदर भी कहीं ना कहीं ये फाइट जरूर आएगी। क्या ही बेहतरीन 1v4 करके निकलते हैं, जहां पर एक मिनट के लिए लगा था कि SQMax official is no more in this game, वहां पर उनकी जानिब से बताया जाता है when चौधरी alive you don't have to worry, because जब तक चौधरी जिंदा है कुछ ना कुछ तो करके जाएगा ही, और एक बेहतरीन 1v4 SIR 2.0 के ऊपर करके जाते हैं। SIR नार्कोस के स्क्वाड के ऊपर स्पॉन्सर भी रहते हैं नार्कोस हमारे, लेकिन क्या ही बेहतरीन गेम प्ले यहां पर चौधरी की जानिब से दिखाया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द पॉइंट जहां पर हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि ये वो स्क्वाड्स हैं जो एमी यहां पर एग्रेसिव स्क्वाड्स नहीं खिलाते इस कम्युनिटी के, जहां पर इनको मौका मिलता है सोलो एंड पूरी की पूरी टीम की से यहां पर फाइट निकाल लेते हैं, और क्लच मोमेंट्स हमने अक्सर यहां पर देखे जरूर थे, बट दिस क्लच मोमेंट वॉज इनसेन, बिकॉज जिस सिनेरियो के अंदर ये किया जाता है, जिस सर्कमस्टांसिस के अंदर ये क्लच निकाला जाता है, कहीं ना कहीं कुछ गलती भी की जाती है SIR 2.0 की जाने से, जिस तरीके से SIR के नार्कोस की जाने से वो पुश किया जाता है, उसके बाद जिस तरीके से ब्रांड की जानिब से पुश किया जाता है, तो कुछ गलतियां की जरूर जाती है, लेकिन क्या ही पनिश किया जाता है MES के चौधरी की जानिब से। लेकिन अब यहां पर पूरे तरीके से खुद को हील अप जरूर कर चुके हैं, यूटिलिटीज यहां पर अपने लिए उठा जरूर सकते हैं, लेकिन अब थोड़े से मजीद यहां पर लूट निकाली जरूर जाएगी। लेकिन उससे पहले MES के चौधरी यहां पर हमारी स्क्रीन के ऊपर रहेंगे जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर चौधरी दिखा के जाते हैं, लेकिन जब तक हम यहां से किसी और स्क्रीन के ऊपर जाएंगे हम इनकी बात करेंगे जरूर। और हमें यहां पर मैप स्क्रीन दिखाई जाती है, और मैप स्क्रीन हमें क्या कहानी सुनाती है, मैप स्क्रीन हमें यह कहानी सुनाती है कि रोजॉक के एरिया के अंदर वो सेंट्रलाइज क्लस्टर बनता हुआ, जहां पर फिलहाल के लिए PS ऑफिशियल मौजूद रहेगी, PS टनर्स मौजूद रहेगी, वहीं पर SIR मेटालो SIR रॉयल्स के वो आखिरी प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे हैं, वो भी अभी तक के लिए उसी एरिया के अंदर सर्वाइव जरूर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर बात करते चले NA7 किसी मैक्सी की, तो वो भी पुचिंकी के जो है नॉर्दर्न एज के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद जरूर रहेंगे। ESR ऑफिशियल की बात की जाए तो वो टोटल ईस्टर्न साइड के ऊपर मौजूद रहती है, टीम XRS अभी तक के लिए सर्वाइव जरूर कर रही है। अगर XRS की बात करें तो रूम्स के एरिया को इनकी जाने से पूरे तरीके से होल्ड जरूर कर लिया जाता है। मेटेलो, क्या ही बेहतरीन सोलो सर्वाइविंग स्किल्स अभी तक के लिए इस प्लेयर की जानिब से दिखाए गए हैं। इन 5 मैचेस के अंदर 3 मैचेस के अंदर हमने सोलो सर्वाइवल देखा है NA7 के मेटेलो का। लेकिन अगर बात करते चले प्लेयर्स ऑफिशियल की, तो प्लेयर्स ऑफिशियल को भी हमने देखा है कि आज कुछ अच्छी परफॉर्मेंस इनकी जानिब से दिखाने की कोशिश जरूर की जाती है, बट प्लेयर प्रोनूबिज लाइव की जानिब से आज वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जाती जिस तरीके से कल का दिन एक चिकन डिनर निकाला जाता था। लेकिन अपनी स्ट्रेटजीज को बचाया जाता है फाइनल्स के लिए, अपनी मेन स्ट्रेटजीज को रिवील नहीं किया जाता, सिर्फ एक स्लैब दिया जाता है उन हेटर्स के फेस के ऊपर जो ये बात कर रहे थे कि स्पॉन्सर्ड स्लॉट्स यहाँ पर हमेशा है 16 के ऊपर फिनिश ऑफ करेंगे। लेकिन यहाँ पर उनकी जानिब से दिखाया जाता है उनका कंसेंट कि वो यहाँ पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि जीतने आए हैं और खिलाने आए हैं। लेकिन क्या ही बात करें यहाँ पर हम अपने स्पॉन्सर्स की, क्योंकि SIR नार्कोस भी यहाँ पर हमारे पास एज अ स्पॉन्सर जरूर फीचर होते हैं। लेकिन उनकी जानिब से भी थोड़ी देर पहले हमने एक फाइट देखी जरूर थी, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे जरूर कि आखिर कौन सी ऐसी 8 टीम्स रहती हैं जो फिलहाल के लिए हमारे पास फाइनल्स के अंदर जाती हुई जरूर दिखाई देंगी। अब फिलहाल के लिए अगर बात करते चले हमारी आंखों के सामने पावर शो मौजूद जरूर रहते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ क्लैशेस हमारे इनके टूर्नामेंट के साथ भी आए जरूर थे, जिन क्लैशेस के चलते आपको लीग स्टेजेस के अंदर कुछ ना कुछ डिले जरूर देखने को मिले हैं। बट अगेन
यहाँ पर हम किसी को भी ये बात नहीं करेंगे, बिकॉज हर कोई यहाँ पर खेलने आया, हर कोई यहाँ पर अपनी मैनेजमेंट जरूर दिखाता है। अगेन अ वेरी फेलो कुलीग यहाँ पर रहते हैं, एक अच्छे कुलीग रहते हैं, बेहतरीन तरीके से तमाम की तमाम चीज़ों को किया जरूर जाता है। बट बात की जाए अगर पॉइंट्स टेबल की, सो पॉइंट्स टेबल यहाँ पर हमें क्या कहानी सुनाएगा, क्या ये चीज़ हमें आज की स्ट्रीम के ऊपर दिखाई दे पाएगी या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं पर्सनली देखना जरूर चाहूंगा कि पॉइंट्स टेबल क्या कहानी सुनाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए अगर पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो वो भी हमारी आंखों के सामने नहीं दिखाया जाएगा। उससे पहले पावर शो को फिलहाल हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, पीएस के हबशी को हमारे सामने स्क्रीन से दिखाया जरूर जा रहा है, कोरा हबशी वो रहता जरूर है। और अगर हम बात करते फिलहाल के लिए बगी के अंदर बैठ के जाया जरूर जाते हैं इनकी जानिब से, लेकिन अब मैं जोन एक दफा देखना चाहूंगा कि जोन कौन सी करवटें यहाँ पर ले रहा है। जोन की करवटें बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन वहीं पर 4R के ऊपर यहाँ पर कोरे हबशी की जानिब से पुश किया जाता है और हबशी यहाँ पर अपना हाथ में लेकर नेड आगे जाते हैं जरूर, एक नेड दागा भी जाता है वसी के ऊपर, लेकिन फिलहाल के लिए वसी को वो कुछ डैमेज नहीं होगा। लेकिन हबशी के ऊपर यहाँ पर कुछ बैकेंड से फायर आएगा, कुछ बेहतरीन टैक्टिक्स यहाँ पे दिखाई जरूर जाती है। माँ के आशीर्वाद के साथ यहाँ पर अपने चाइनीज रिफ्लेक्सेस दिखाए जाते हैं, बगी के अंदर बैठ के एकदम से दूसरी साइड से एग्जिट किया जाता है और हील करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं। लेकिन 5 स्मोक्स इनके पास मौजूद रहते हैं, हर तरफ धुआं ही धुआं करके कोरा ही कोरा करके कोरा हबशी यहाँ पर क्या कुछ कर पाएगा या नहीं, सामने वाले की आंखों के ऊपर यहाँ पर एक पर्दा जरूर डाल दिया है, स्मोक्स के अंदर भी यहाँ पे देख नहीं सकते। लेकिन क्या यहाँ पर सादिया के खिलाफ कुछ किया जाएगा, सादिया यहाँ पर हबशी के सामने आ जरूर जाएंगी, लेकिन क्या यहाँ पर हबशी की जानब से किस तरीके से जवाब दिया जाता है, सादिया को एक अच्छा ग्रेनेड पुल जरूर किया जाता है फिलहाल के लिए हबशी की जानब से। लेकिन वहीं पर सामने की जानब से भी एक अच्छा ग्रेनेड आता जरूर है, लोन एचपी जरूर करेगा हबशी को, लेकिन हबशी का ग्रेनेड जाता है, सादिया फिलहाल के लिए बहुत जरूर जाएंगे, पावर शो का ग्रेनेड रहता है जो कि सादिया को क्लिक करेगा, बट सादिया फिलहाल के लिए डासिया के अंदर यहाँ पर आगे थोड़ा सा एक कवर में आ जरूर जाती है, बट पावर शो की जानब से पुश जरूर किया जा रहा है, आगे जरूर जाया जाता है। लेकिन हबशी की बात करते ले तो हबशी यहाँ पर थोड़ा सा दूर जरूर लेकिन पावर शो की जानब से ऊपर चढ़ लिया जाता है इस टैंकी के, मोमटी के, लेकिन वहीं पर एक अच्छा स्प्रे जाता हुआ उतारेंगे यहाँ पर, उतारा जाता है गाड़ी से यहाँ पर स्मोकर की जानब से, और सादिया को अब यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। सादिया की जानब से यहाँ पर आउट इन द ओपन घूमा जरूर जा रहा था, इंजॉय किया जा रहा था यहाँ पर अपनी उस ड्राइव को, लेकिन वसी फिलहाल के लिए यहाँ पर सर्वाइव जरूर कर रहे हैं। पावर शो की जानब से हर तरफ मोलोटोव जरूर आगे जा रहे हैं, जहाँ एग्जैक्ट पोजिशन नहीं है उस प्लेयर की कहाँ पर वो मौजूद रहता है, लेकिन द गुड थिंग इज जब जहां पर अनशोर्टी होती है तब वहां पर आप करते हो। लेकिन अब यहां पर वसी फिलहाल के लिए अपनी साउंड जरूर दे देंगे, एक प्लेयर को नॉक करने में कामयाब जरूर हो जाते हैं वसी। लेकिन पावर शो की जानिब से यहां पर कोशिश की जा रही है कि हर तरफ उड़ उड़ के डीबीएस चलाई जाए, डीबीएस चलाई भी जाती है, लेकिन वहीं पर पुश जाएगा हबशी का, और हबशी यहां पर आते हैं हाथ में लेकर डीबीएस और एलिमिनेट किया जाता है 4R के वसी को, और 4 राइवल्स जिन्होंने आज हमें बैक टू बैक चिकन दिखाए थे उनका यहां पर इख्तिताम हो जरूर जाता है। आखिरी 9 टीमें यहाँ पर मौजूद जरूर रहती हैं, आखिरी मैच, आखिरी मौका उन तमाम टीम्स के लिए कि जो टीम यहाँ पर फिलहाल के लिए क्वालिफिकेशन जिनकी स्टेक के ऊपर रहती है, हम यहाँ पर देखेंगे ओवरऑल पॉइंट्स टेबल में कि क्या यहाँ पर होता है। लेकिन फिलहाल के लिए पीएस के पास टोटल ऑफ 5 नंबर ऑफ किल्स यहाँ पर आज रू जाती है। अगर यहाँ पर हम बात करते चले हमारे मैप की, तो मैप के लिए हमें यह कहानी बताती है कि एसआईआर रॉयल्स के मेटेलो अपनी टीम के लिए एक दफा फिर से सोलो सर्वाइवर निकाल जरूर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस टीम की नई जो स्ट्रेटजी रहती है वो ये रहती है कि बाकी पूरी टीम किल्स निकाल के मर्ज, और मेटेलो एट द एंड सोलो सर्वाइवर निकाल के कुछ प्लेसमेंट पॉइंट जरूर निकाल लेते हैं, और हर दफा हमने ये स्ट्रेटजी इनके लिए कामयाब होती भी देखी, और एक और दफा जोन उन्हीं के ऊपर जाता जरूर है। अगर बात की जाए यहाँ पर हमारे पीएस स्टनर्स के स्क्वाड की, तो वो भी रूंस के उसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद जरूर रहते हैं। अगर बात करते चले पीएस ऑफिशियल के स्क्वाड की, तो अब उनकी जानिब से भी जोन के अंदर एंट्री जरूर ली जा रही है, लेकिन जहां से जोन के अंदर एंटर करेंगे वहीं पर N7 के स्मैक्स ही मौजूद जरूर रहते हैं। स्मैक्स से याद है आखू सोमी तेरी शक्ल, अच्छा अगर बात करते चले यहाँ पर एमएस की चौधरी की, तो उनकी जानिब से भी अब जोन के अंदर यहाँ पर एंट्री जरूर ली जा रही है। ESR ऑफिशियल यहाँ पर जोन के अंदर मौजूद जरूर रहती है, थोड़ा सा यहाँ पर मजाक जरूर रहता है हमारा। खैर उन तमाम की तमाम चीज़ों को हम यहाँ से जो है फिलहाल के लिए नज़रअंदाज करेंगे। हम जाएंगे हमारी टीम्स की जानिब, क्योंकि टीम सारी की सारी अब यहाँ पर जोन के अंदर जा जरूर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस टीम की जानिब से दिखाई जरूर नहीं। अगर बात करें यहाँ पर पीएस ऑफिशियल, वो अब यहाँ पे जोन के अंदर चार्जिंग जरूर करें। ESR ऑफिशियल और यहाँ पर जो हमारे पास पीएस ऑफिशियल रहती है, इन सब के दरमियान सिमेक्सी बेचारा यहाँ पर पिस जरूर जाएगा, और सिमेक्सी अब क्या करके निकलता है, क्योंकि आसपास दोनों ही तरफ दो पूरे 4 मैन स्टैंडिंग स्क्वाड रहते जरूर है, और कहीं ना कहीं ये समा देख के मुझे एक मीम जरूर याद आ रही है, लेकिन फिलहाल उस मीम की हम बात नहीं करेंगे।
हम यहाँ पर बात करेंगे एमईएस के चौधरी की, जो कि अपनी टीम के लिए 16 सर्वाइवर यहाँ पर निकाल रहे हैं, लेकिन अभी तक के लिए थोड़ा सा दूर जरूर आ जाते हैं। जानते हैं कि आखिरी मैच है, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स निकालना चाह जरूर रहे हैं, लेकिन क्या है यहाँ पर एमईएस के चौधरी अपनी टीम के लिए वो हैश वन निकाल पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के ऊपर ये मैच कितना बड़ा फर्क लाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है, क्योंकि वो ओवरऑल पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो जो शिफ्ट आएगा वो जरूर देखना है हमें कि क्या यहाँ पर होगा। लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए टीम ईएसआर की, एक फाइट यहाँ पर स्टार्ट जरूर हो जाती है, उससे पहले ईएसआर के रशर हमारी आंखों के सामने आ जरूर जाते हैं। अगर ईएसआर के मॉन्स्टर की यहाँ पर बात की जाए तो उनकी जानिब से यहाँ पर कुछ अच्छे यहाँ पर डीपी के फायर्स निकाले जरूर जाते हैं, पीएस ऑफिशियल के ऊपर कुछ शॉट्स दागने की जरूरत की जाती है, बट पीएस यहाँ पर पुश कर जाती है, पीएस की जानिब से NS7 के ऊपर एक पुश जरूर दिखाया जाता है, स्मोकर जाएंगे मैक्सी को नॉक करेंगे, पीएस ऑफिशियल के पीओवी की तरफ हम जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले जिससे पहले कि हम जाते हैं कि स्मोकर अकेले वहां पर NS7 रेवेनेंट्स को एलिमिनेट जरूर कर देंगे, बट ईएसआर ऑफिशियल दे आर रोटेटिंग नाउ, पीएस की जानिब से भी यहां पे 7 बेहतरीन किल निकाले जरूर जाते हैं। अभी तक के लिए सायरन के बैकपैक में हमें सिर्फ कुल नहीं दिखाई देगा, लेकिन बाकी पावर शो एक किल के साथ स्मोकर की जानिब से 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स अपने नाम किए जाते हैं, और हबशी के पास भी हमें 2 दिखाई दे रहे हैं एलिमिनेशन पॉइंट्स उनके बैकपैक के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए स्मोकर हमारी आंखों के सामने मौजूद रहेंगे। फिलहाल किसी भी फाइट के अंदर उनको इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, लेकिन दाद देनी पड़ेगी मिटेलो के सर्वाइवल की। हर मैच में अपनी टीम की जानिब से लास्ट मैन स्टैंडिंग बच जाती है, लेकिन बेहतरीन सर्वाइवल निकाला जाता है इनकी जानिब से। हर दफा हमने इनकी ये बात की जरूर है कि क्या ही सर्वाइवल इनकी जानिब से निकाला जरूर जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस शोज कितना एक्सपीरियंस मौजूद है इन प्लेयर्स के पास बताया जाता है। लेकिन वहीं पर दरिंदा यहाँ पे सावा को एलिमिनेट जरूर करेंगे, सावा को यहाँ पर फिलहाल के लिए लॉबी एग्जाम में रवाना किया, लेकिन वहीं पर मिटेलो अभी तक के लिए रियून्स के इसी एरिया के अंदर सरवाइव करते हुए दिखाई जरूर दे। अगर बात करें फिलहाल के लिए लावा की, तो दरिंदा को यहाँ पर स्पॉट जरूर किया जाता है अभी तक के लिए, और तो अगर बात करें दरिंदा को यहाँ पर थोड़ा सा फायर जरूर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले लावा हर तरफ यहाँ पर स्कोपिंग जरूर खोल रहे हैं, यहाँ पर सबको बच के रहना पड़ेगा। अगर दरिंदा की बात की जाए और अगर लावा, उससे पहले हम देखें हर तरफ स्कोप जरूर खोल, अगर लावा अभी तक के लिए हर तरफ देख जरूर है, लेकिन मिटेलो की जाने भी स्कोप जाता जरूर है, लेकिन मिटेलो को अब यहाँ पर एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर तो मिटेलो यहाँ से कुछ सर्वाइवल निकाल के जाती, चले अगर तो बात करें जो आखिरी टीम्स यहाँ पर बहुत से सर्वाइवल निकाल के जाती है, उनको अगर तो फर्स्ट स्पॉट को पिन प्ले लाना है तो सबसे पहले यहाँ पर SIR रॉयल्स के उस डोमिनेशन को तोड़ना पड़ेगा। मिटेलो अभी तक के लिए सर्वाइव जरूर कर रही है, लेकिन लावा जाएंगे, लावा की जानिब से कुछ नॉक्स निकाले जाएंगे पीएस के ऊपर, लेकिन उसी के पहले यहाँ पर आखिरी 8 टीम सर्वाइव जरूर कर रही है। जानू अगर बात करें पीएस की, तो अभी तक के लिए कुछ वर्चुअल कवर्स डिप्लॉय करके उनको यहाँ पर रिवाइवल जरूर दिया जा रहा है। मिटेलो की जान से कच्चा ग्रेनेड जाता है, स्मोकर को फिलहाल के लिए नॉक जरूर कर लेंगे, लेकिन मिटेलो जानते हैं कि वो आखिरी प्लेयर मौजूद है, लेकिन रुकने नहीं वाले। मिटेलो वो प्लेयर रहते हैं जो कि बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेते, लेकिन रावा यहाँ पर आ जाते हैं, उससे पहले हमारी आंखों के सामने पावर शो आ जरूर जाएंगे। स्मोकर को फिलहाल के लिए रिवाइवल दिया जरूर जा रहा है, हबशी की जान से हाथ लगाया जाता है, स्मोकर को रिवाइव दिया जरूर जाता है, लेकिन उससे पहले मिटेलो अब यहाँ से किस तरीके से क्लोज इन करेंगे, यानी ये बहुत बड़ा सवाल है मिटेलो की जान से। अगर तो कुछ और ग्रेनेड जाते हैं, कुछ यूटिलिटीज जाती हैं, सो पीएस को यहाँ पर एलिमिनेट जरूर कर सकते हैं, बट दिस इज अ टाइम फॉर अपोज, जहाँ पर एक जानब हमें हबशी दिखाई देते हैं, दूसरी जानब हमें मिटेलो दिखाई देते हैं, लेकिन मिटेलो अभी तक के लिए यहाँ से थोड़ा सा फॉल बैक जरूर कर रहे हैं। अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा सर्वाइवल पॉइंट्स निकालने की कोशिश की जा रही है, बट हबशी यहाँ पर जैम्बो के ऊपर कुछ शॉट्स दागने की कोशिश करेंगे, शॉट्स लैंड भी कराई जाएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग लेडीज एंड जेंटलमैन क्या यहाँ पर वो कुछ शॉट्स आएगी, लेकिन उससे पहले मिटेलो की बात करें, मिटेलो की जाने से जीनी को बहुत लो एनएचपी जरूर कर दिया जाता है, क्या ही बेहतरीन स्प्रे जाता है, लेकिन मिटेलो यहाँ पे जीनी का किल कंफर्म जरूर कर लेंगे। मिटेलो की जाने से बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा अभी तक के लिए, क्या ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है। अगर दरिंदा की बात की, दरिंदा हमारी आंखों के सामने आ जाएंगे, मिटेलो की जाने से इनको भी थोड़ा बहुत लो एनएचपी जरूर कर दिया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर दरिंदा खुद को हील जरूर कर लेंगे। मिटेलो अभी तक के लिए वहीं पर मौजूद जरूर थे, लेकिन शॉटगन स्विच की जाती है, वैसे ही थोड़ा सा मजा लेना चाह रहे थे शायद, शॉटगन का भी वापस सेंपर उठा जरूर ली जाती है, लेकिन चौधरी भी अभी इसी एरिया के अंदर आ जरूर जाते हैं, लेकिन ईएसआर के मॉन्स्टर जाएंगे यहाँ पर एलिमिनेशन दिखाई देगी। आखिरी 6 टीमें भी तक के सर्कल के अंदर सर्वाइव जरूर कर रही है, मिटेलो की जानिब से पिस्टल चलाई जा रही है, क्या करना चाहता है ये लड़का बस शायद मेरा ख्याल से कि अब यहाँ पर इंजॉय कर रहा है, जानते हैं कि वो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं टेबल के,
और अब कोशिश की जा रही है इनकी जानिब से बस जितना ज्यादा ज्यादा हो सके फन यहाँ पर किया जाए। लेकिन चौधरी अब यहाँ पर हाजिर हो जाएंगे, वो दोनों प्लेयर जो कि अपनी टीम के लिए सोलो सर्वाइवल अभी तक के लिए निकाल रहे थे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं फिलहाल के लिए। मिटेलो की जानिब से चौधरी को स्पॉट जरूर किया जाता है, लेकिन अब मिटेलो यहाँ पर हार्डेस्ट के ऊपर एक स्प्रे जरूर देते हैं, नॉक जरूर करेंगे, लेकिन अपनी लोकेशन भी यहाँ पर रिवील जरूर करा देंगे। एक ग्रेनेड आता जरूर है पीएस की जानिब से, लेकिन फिलहाल के लिए मिटेलो कुछ ज्यादा यहाँ पर डैमेज नहीं देगा। हार्डेस्ट को नॉक जरूर किया गया था। वहीं पर बात करते चले अगर एक्सआरएस के स्क्वाड की, उनको भी अपने प्लेयर को रिवाइव जरूर देना पड़ेगा, लेकिन चौधरी अभी तक के लिए वहीं पर मौजूद रहेंगे। चौधरी के पीओवी को भी यहाँ पर देखना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, चौधरी का पीओवी यहाँ पर क्या रहता है। सावा की जाने से आगे यहाँ पर जाया जरूर जाता है, बट हार्डेक्स अभी तक के लिए वहीं पर नॉक जरूर रहेंगे। रावा बैकेंड से कवर फायर जरूर देने की कोशिश करे, चौधरी को शॉट दागने की कोशिश की जाती है। एमएस की चौधरी अब जिस एरिया के अंदर यहाँ पर फंस चुके हैं उस एरिया के अंदर उनके लिए बच के निकलना खासा मुश्किल रहेगा, बिकॉज दो से तीन टीम्स के क्रॉसर्स के अंदर एक साथ आ जरूर चुके हैं। लेकिन सावा का इस ग्रेनेड के चलते चौधरी का इख्तिताम जरूर हो सकता है इस पूरे के पूरे मैच के साथ। लेकिन ग्रेनेड जाता है, क्या लैंड करेगा अपनी जगह पे या नहीं, लेकिन बैकेंड से कहीं ना कहीं हमें एसआईआर के मिटेलो भी कुछ कवर फायर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो कवर फायर दिए भी जाते हैं। सावा का लो ऑन एचपी किया जाता है, जैसे बिल्कुल ऐसे कर दिया जाए। लेकिन वहीं पर ये सर ऑफिशियल भी बैकेंड से रोटेट जरूर कर रही है, चौधरी के साथ टीम अप कर लिया जाता है एक तरीके का, बैकेंड से सर्वाइव करते हैं। लेकिन यहीं पर चौधरी की जाने से पुश किया जाता है, एक किल कंफर्म करेंगे, सावा के ऊपर पुश किया जाएगा, सावा को भी यहाँ पर नॉक जरूर करने में कामयाब हो जाएंगे। बैकेंड से यहाँ पर कुछ शॉट्स आएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल के अब यहाँ पर खुद को प्रोन डाउन करना पड़ेगा, प्रोन डाउन करने की जगह नहीं मिल रही। लावा को भी नॉक जरूर कर सकते थे, लेकिन अभी तक के लिए यहाँ पर क्या यहाँ पर चौधरी अपने लिए एक मन फोर निकाल सकेंगे, कुछ बेहतरीन किल पॉइंट्स निकाले जरूर जाते हैं। लेकिन वापसी से यहाँ पर अब आकर अपने आप को हील जरूर करेंगे, लेकिन वहीं पर वो एक किल भी कंफर्म जरूर कर दिया जाएगा। लावा यहाँ पर आउट ऑफ जोन जरूर एलिमिनेट हो जाएगा। वी आर डाउन टू द लास्ट थ्री टीम्स, लेकिन उससे पहले अपची का एक्सप्रे जाता है, एलिमिनेट करेंगे आखिरी तीन टीम्स में। ऐसे यार मिटेलो अभी तक के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं, 3v2v1 का ये फाइट रहती जरूर है। मिटेलो ना जाने क्या खा कर आए, आज मरने का नाम ही नहीं ले रहे, बिकॉज मिटेलो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे अमर हो चुके हैं। कोई भी टीम पूरी की पूरी ऐसे यार रॉयल्स को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकती है, लेकिन मिटेलो को नहीं कर सकती, वो प्लेयर हमेशा कहीं ना कहीं बच जाता है। क्या ये हमें पहला सोलो चिकन डिनर MGRL सीजन 1 का देखने को मिल सकता है, या फिर PS ऑफिशियल यहाँ पर फोर मैन स्टैंडिंग अपने मैन एडवांटेज के चलते यहाँ पर ये फाइट अपने नाम करके जाएगी। 4v2v1 की ये फाइट रहती जरूर है। PS के लिए अपना ये चिकन डिनर लेना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी के वाइज अच्छा जरूर दिखाई दे रहा है, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मौजूद रहेगी, जोन का एडवांटेज इनके पास मौजूद है, मैन एडवांटेज इनके पास मौजूद है, हाई रिच का एडवांटेज इनके पास मौजूद है, हर किस्म का एडवांटेज यहाँ पर PS अपने नाम करके बैठी हुई है। लेकिन क्या यहाँ पर अभी भी कोई एक ऐसा क्लच मोमेंट दिखाई दे सकता है हमें कि जो PS को यहाँ पर चिकन डिनर लेने से रोक सके, और ये सिर्फ उसी सूरत के अंदर पॉसिबल है अगर तो दोनों की दोनों टीम्स मिलकर PS से फाइट लें। बट सायरन का स्प्रे जाता है, गोकू को यहाँ पर नॉक करने में कम है, बट सायरन यहाँ पर मिटेलो के बिल्कुल सामने आ जरूर जाती है। अगर ESR के रशर की बात की जाए तो वो अभी तक उसी एरिया के अंदर मौजूद जरूर है, अगर तो पावर शो की जाने से उन्हें स्पॉट किया जाए, बट सायरन यहाँ पर उनको स्पॉट नहीं कर पाती। सायरन के बिल्कुल सामने से प्लेयर गुजर के चला जरूर जाता है, मिटेलो अभी तक के लिए वहीं पर मौजूद रहता है, लेकिन सायरन अब यहाँ पर स्पॉट जरूर करेंगी, और सायरन की जानब से MK चलती है, और वो किल भी अपने बैक कंफर्म जरूर किया जाता है। बट अब यहाँ पर मिटेलो आते, एक नॉक निकाला जाएगा, किल कंफर्म जरूर किया जाएगा, बेहतरीन शॉटगन का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी जानब प्लेयर पर पुश करने के लिए तैयार जरूर हो जाते हैं। बैकेंड से कवर फायर आता हुआ, बैकग्राउंड से यहाँ पर फायर लिया जाता है, वो क्लच मोमेंट डिनाई किया जाता है, बट PS ऑफिशियल विद वेरी फर्स्ट चिकन डिनर ऑफ देयर, यहाँ पर पहला चिकन डिनर PS ऑफिशियल की जानिब से भी अपने नाम जरूर करा दिया जाता है, बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकल कर आती हैं। अगर टोटल किल नंबर्स की बात की जाए तो क्या ही बेहतरीन किल नंबर जिनकी जानिब से देखने को मिलते हैं, 16 किल्स के साथ ये चिकन डिनर अपने नाम करके जरूर जाते हैं। लेकिन वहीं पर बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर मिटेलो की जानिब से भी दिखाई जाती है, क्या ही बेहतरीन यहाँ पर सर्वाइवल निकाला जाता है। अगर गोइंग ऑल आउट के टाइटल की बात की, एक दफा फिर से मिटेलो हमें MVP की फेहरिस्ट में दिखाई जरूर दे रहे हैं। वहीं पर अगर हबशी की बात करें तो 3 रेस्क्यूज उनकी जानिब से किए जाते हैं, बेस्ट कंपेनियन निकल कर आते हैं, और पावर शो गिविंग द फाइनल ब्लो, यहाँ पर फाइनल ब्लो दिया जाता है, आखिरी किल अपने नाम किया जाता है। और ये थी इस मैच की समरी। हम यहाँ पर अगर बात करते चले, हमारा लीग स्टेजेस यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचता है, वो कौन सी 18 टीम रहेंगी जो फाइनल के अंदर रूनमा दिखाई देंगी, या फिर वो कौन सी ऐसी टीम्स रहेंगी जो कि फाइनल्स के अंदर अपने रास्ता यहाँ पर हमवार नहीं कर पाई, इन तमाम की तमाम चीज़ों के जवाब हम थोड़ी देर के अंदर मिलेंगे ज़रूर। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर देखना चाहेंगे कि क्या पॉइंट्स टेबल हमें ऑन स्ट्रीम दिखाया जाएगा या नहीं, सबसे बड़ा यही सवाल रहता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें यह बताया जाता है कि पॉइंट्स टेबल आज ऑन स्ट्रीम नहीं दिखाया जाएगा, पॉइंट्स टेबल डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो लोग भी फिलहाल के लिए स्ट्रीम के ऊपर मौजूद हैं, आप लोगों ने मेक श्योर ये कर लेना है कि मल्टी गेमर जी स्पोर्ट्स के डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन जरूर कर लेना है। स्ट्रीम की डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जरूर जाएगा,
सर्वर के ऊपर आपको ओवरऑल रिजल्ट्स भी दिखाए जाएंगे कि जहां पर आपको ये पता लगेगा कौन सी ऐसी टीम्स रहेंगी जो फाइनल्स के अंदर खेलती हुई दिखाई देंगी, फाइनल्स के अंदर इनेक्शन दिखाई देंगी। और उन 18 नामों पे जाने से पहले हमारे पास यहां पर एक ब्रेक आएगी और वीकेंड के ऊपर हमारे पास यहां पे फाइनल्स MGRL के स्टार्ट जरूर कर दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए शायद आपकी हमारी मुलाकात मुमकिन ना हो, लेकिन जिस दिन भी ये मुमकिन होगी उस मुलाकात की कहानियां किससे किताबों में जरूर लिखी जाएंगी, क्योंकि ये मुलाकात बहुत जल्द वापस होगी। तब तक के लिए आप लोगों ने रखना है बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे रखना है अपनी दुआओं के अंदर याद। दिस इज योर गाय सैसर प्लेस साइनिंग आउट। खुदा हाफिज़।